क्या आप भी जेंगो सीखना चाहते हैं? जेंगो सीखकर अपनी जेंगो स्किल से अपनी क्लासमेट या ऑफिस कलीग को इम्प्रेस करना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए ही है। गाइज, इस वीडियो में मैं आप लोगों को जेंगो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाऊंगा और उसी के साथ साथ हम लोग दो ऑसम रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अगर पूरा देखते हो तो आपको जेंगो के बेसिक्स के साथ मैं दो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स आपको करवाऊंगा। हम लोग देखेंगे कि किस तरह से एक ऐप बनाई जाती है जेंगो में, हम लोग देखेंगे कि फॉर्म कैसे सबमिट कराया जाता है, फिर उसके बाद हम ऑथेंटिकेशन के साथ एक ऐप बनाएंगे। हमारी जो दूसरी ऐप होने वाली है इस वीडियो में, वो होने वाली है एक ऑथेंटिकेशन के साथ ऐप, यानी कि आप लोग को मालूम चलेगा कि किस तरह से जेंगो का ऑथ आप लोग यूज़ सकते हैं, यानी कि ऑथेंटिकेशन सिस्टम जो बिल्ट इन जेंगो का होता है वो किस तरह आप लोग यूज कर सकते हैं। ये वीडियो शायद थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन मैं आप लोग को इस वीडियो में एक बात की गारंटी दे सकता हूं कि आप लोग जेंगो एंड टू एंड और बहुत अच्छी तरह से सीख कर जाओगे अगर आप लोगों ने ये वीडियो सही से देख लिया। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से देखना आखिर तक एकदम, और एंड टू एंड आप लोगों को मैं जेंगो सिखाने की गारंटी देता हूं। तो आप लोगों को अगर कुछ नहीं आता, थोड़ी बहुत पाइथन आती है और उसके बाद आप लोग अपनी स्किल्स को आगे बढ़ाने के लिए जेंगो सीखकर कुछ वेबसाइट्स बनाना चाहते हैं, वेब बेस्ड एप्लीकेशंस बनाना चाहते हैं और बहुत ही कम टाइम में आप लोग ये वेब एप्लीकेशंस बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो जो है आपके लिए ही है। मैं चाहता हूँ स्टार्ट करने से पहले आप सभी के सभी सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक करो और उसके बाद मुझे नीचे कमेंट में आप लोग ये बताओ कि आप लोग कहाँ से हो, इससे मुझे पता चलेगा आप लोग कहाँ से हो और मैं आप लोगों को कोई भी फ्यूचर में चीट शीट या फिर कोई भी इस तरह की चीज़ होती है मैं अगर आपको देना चाहूँ तो मैं आपको दे सकता हूँ। तो काइंडली हेल्प मी विद योर नेम और आप कहाँ से हैं नीचे कमेंट में जल्दी से आप लोग लिख दें। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को इस वीडियो में जो भी दो ऐप्स बनने वाली हैं उनका सोर्स कोड भी देने वाला हूँ और उसी के साथ साथ मैं आप लोगों का हाथ पकड़ के एकदम बिल्कुल बेसिक से पूरा जेंगो सिखाऊंगा एंड टू एंड। सो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर, वहां पर हम सबसे पहले जेंगो को इंस्टॉल करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जेंगो का जो MVT आर्किटेक्चर है वो किस तरह काम करता है, यानी कि जेंगो क्या है, क्यों है, किस तरह काम करता है, क्या प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, हम लोग डायरेक्टली HTML CSS और JavaScript क्यों नहीं यूज कर लेते, ये सारे सवालों का जवाब हम लोग देखेंगे और उसके बाद हम लोग दो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, जिसमें से पहला प्रोजेक्ट हमारा होने वाला है एक एप्लीकेशन जिसमें हम लोग कॉन्टैक्ट फॉर्म के साथ पूरी एंड टू एंड वेबसाइट बनाएंगे और दूसरा जो प्रोजेक्ट होने वाला है वो एक ऑथेंटिकेशन सिस्टम के साथ वेबसाइट होने वाली है जिसमें यूजर लॉग इन करेगा, लॉग आउट भी करेगा, कैसे ऑथेंटिकेट करना है, कैसे यूजर ऐड करना है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को एंड टू एंड एक्सप्लेन करूंगा सिर्फ एक इसी वीडियो में। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर और बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट गाइस, सो मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर के अंदर और यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, जेंगो को सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे। तो जेंगो सबसे पहले है क्या और क्यों जेंगो को यूज़ करें जब HTML CSS JavaScript ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, तो जेंगो क्या करता है बेसिकली इस बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं जेंगो लिखता हूँ सबसे पहले और यहाँ पर आप लोग देखो कि ये लिख रहा है दी वेब फ्रेमवर्क फॉर परफेक्शनिस्ट विद डेडलाइन। तो इसका मतलब क्या है कि जो जेंगो है वो एक पाइथन का फ्रेमवर्क है जो कि पाइथन प्रोग्रामिंग को बैकएंड में इस्तेमाल करते हुए आप लोगों को वेबसाइट्स बनाने में मदद करता है। अब क्या मदद करता है, मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। मान लो कि आप लोगों को कुछ एक वेबसाइट बनानी है जिसमें आप लोगों को बहुत सारी जेसन यूज़ करनी है, तो जेंगो के अंदर ऑटोमेटिकली जो है जेसन रिस्पॉन्स को रेंडर करने की शक्ति जैसे कह लो है, एक कैपेबिलिटी है। और उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर मान लो आपके पास एक ऐप है जिसमें आप अलग अलग तरह के URLs पे विज़िट करके अलग अलग तरह की फंक्शनैलिटीज़ को यूज़ करना चाहते हो, जैसे कि मान लो आप चाहते हो कि एक ब्लॉग अलग से बन जाए आपकी वेबसाइट का और मेन प्राइमरीली जो आपकी वेबसाइट रहे वो एक शॉप रहे, तो अगर वैसा आप करना चाहते हो तब क्या होगा कि आप लोग एक अलग से ऐप बना सकते हो जेंगो के अंदर, एक शॉप अलग से ऐप बना लो, ब्लॉग अलग से ऐप बना लो। तो उससे बेसिकली होगा ये कि आप लोगों को बहुत आसानी रहेगी, कुछ भी अगर आप लोग अपनी एक वेबसाइट को अलग अलग ऐप्स में तोड़ना चाहते हो तो वो चीज़ करने में जेंगो आपकी बहुत मदद करता है। फिर अगर मान लो कि आप कोई एक PHP या फिर किसी भी तरह का दूसरा बैकएंड यूज़ कर रहे हो, तो आप जब भी एक डेटाबेस यूज़ करते हो और उसमें से इन्फॉर्मेशन पुल करते हो या फिर राइट करते हो, तो आप लोगों को अलग से उस डेटाबेस का कनेक्टर डाउनलोड करना पड़ेगा। फिर वो डेटाबेस कनेक्ट होगा आपकी ऐप से, उसके बाद आप रीड राइट ऑपरेशंस करेंगे जिसको CRUD ऑपरेशंस भी बोलते हैं। CRUD का मतलब होता है क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। तो अगर आप लोगों को CRUD नहीं मालूम तो CRUD भी जान लो क्या होता है, क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। और एक डेटाबेस का ऑप्शन है, कोई भी अगर आप लोग एक API बना रहे हो तो आपको इन चार ऑपरेशंस की ज़रूरत पड़ती है मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज़ में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर बार ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मोस्टली आप लोगों को ज़रूरत पड़ती है। और CRUD ऑपरेशंस जो है बहुत ज़्यादा फेमस है, तो CRUD ऑपरेशंस अगर आप लोग के पास रहेंगे तो ईजी रहेगा आप लोगों के लिए किसी भी एक डेटाबेस टेबल बनाना या फिर किसी भी एक डेटाबेस में
चीज़ों को अपडेट करना, रिकॉर्ड्स को कुछ भी आप करना चाहते हैं, कोई भी ऑपरेशन, तो पूरा कंट्रोल रहेगा आपके पास अपनी इन्फॉर्मेशन का। तो ये था क्रड। जेंगो क्या है? अब देखो, जेंगो आप लोगों के लिए आसान बनाता है वेबसाइट्स बनाना बेसिकली। और अगर आप लोग एक कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ी सी भी नियरली कॉम्प्लिकेटेड वेबसाइट बना रहे हैं जिसमें थोड़ी बहुत आप लोगों को प्रोसेसिंग करनी पड़े, उसमें कुछ यूआरएल्स हैं दो तीन चार से ज़्यादा, तो डेफिनेटली आप एक वेब फ्रेमवर्क का आज की तारीख में यूज़ करना चाहेंगे। दूसरी चीज़ ये कि जो जेंगो है वो पाइथन से आधारित है, और पाइथन का मतलब है मशीन लर्निंग, पाइथन का मतलब है डेटा साइंस। इस बात का क्या मतलब है जब मैं ये बोल रहा हूँ, पाइथन का मतलब मशीन लर्निंग? देखो, जितना भी काम मशीन लर्निंग में हुआ है, डेटा साइंस की फील्ड में हुआ है, वो मोस्टली पाइथन प्रोग्रामिंग की मदद से आप लोग जो है कर सकते हो। बहुत ही इजी, अगर इस चीज़ को करना है तो मैं कहूँगा पाइथन प्रोग्रामिंग यूज़ करें। मशीन लर्निंग के मॉडल्स या फिर मशीन लर्निंग में टेंसर फ्लो फ्रेमवर्क है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, वो आपका पाइथन में है। तो अगर आपको फ्यूचर में अपनी वेबसाइट में मशीन लर्निंग वगैरह लगाने की ज़रूरत पड़ गई तो आप डेफिनेटली जो है बड़े आराम से उसको लगा सकते हो। और बहुत ही सिंपली आप लोग जो है पाइथन है, क्योंकि जेंगो कोई भी चीज़ अगर पाइथन में है तो आप उससे कनेक्ट कर सकते हो जेंगो को। तो जेंगो के बारे में बहुत ज़्यादा ना बात करते हुए मैं सिंपली जल्दी से आ जाऊँगा इस फोल्डर में जो कि मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। और ये फोल्डर मैं यहाँ पर, मेरा ये सारा का सारा जो भी मैं बनाऊँगा वो इसी फोल्डर में बनाऊँगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, आप लोगों से कहूँगा शिफ्ट दबाएँ अपने कीबोर्ड में, अगर आप विंडोज़ में राइट क्लिक करके ओपन पार्शल विंडो हेयर कर लें। इससे क्या होगा कि आपका पावरशेल खुल जाएगा, और उसी के साथ साथ अगर आप लोग किसी उबंटू या फिर किसी और ओएस में, तो आप लोग उसके हिसाब से अपना पावरशेल या फिर जो भी चीज़ खोलना चाहते हैं टर्मिनल वगैरह वो खोल सकते हैं। तो आपको सबसे पहले पाइथन तो इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। अगर आप लोगों को पाइथन का बेसिक बिल्कुल नहीं आता तो आप लोग जा सकते हैं मेरे चैनल पर, वहाँ पर मैंने पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में सब कुछ बताया है। तो चैनल को आप लोग खोलना, चैनल को खोलने के बाद वहाँ पर पाइथन इन वन वीडियो भी है मेरे पास, ये वाला वीडियो देख लेना, नहीं तो पाइथन का कोर्स भी है मेरे पास, वो थोड़ा लंबा पड़ेगा आपको, बट एंड टू एंड बताया सब कुछ। तो जैसे भी आपको लगे बाद में देख लेना, अभी के लिए रिविजन में मेरे पास पाइथन इन वन वीडियो है ये देख लेना, नहीं तो पाइथन इन 15 मिनट्स भी है तो वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो पाइथन इन 15 मिनट्स भी है मेरे पास, अगर आप चाहो तो वो भी देख सकते हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ खुद ही ईमानदारी से कि 15 मिनट में शायद सीख ना पाओ आप। रिवीजन के लिए वीडियो अच्छा रहेगा। तो 15 मिनट में, ऐसा नहीं है कि मैं सिखा रहा हूँ आपको पाइथन, नहीं ऐसा नहीं है। इवन 1 आवर 2 आवर वाले वीडियो में भी आप लोग को पाइथन का एक अच्छा एक स्टार्ट मिलेगा, लेकिन अगर आपको सीखना है तो कोर्स को कंप्लीट करना। चलो, ये बात हो गई पाइथन की। अब हम लोग वापस आते हैं उसी फोल्डर में जिसकी मैंने बात की थी और जहाँ पर मैंने टर्मिनल खोला था। टर्मिनल में एक बार आपने पाइथन इंस्टॉल कर लिया है और आपका पिप वगैरह सब कुछ चल रहा है, तो आप लोग लिखें पिप इंस्टॉल जेंगो। ठीक है, अब हो सकता है कि जो आपने जेंगो इंस्टॉल किया है वो ऑलरेडी आपका इंस्टॉल्ड हो, पुराना वर्जन कोई 1.6 1.2, तो आप लोग पिप इंस्टॉल जेंगो माइनस माइनस अपग्रेड ये लिख देना। ठीक है, तो आप माइनस माइनस अपग्रेड लिखोगे तो आपका जो जेंगो है वो अपग्रेड हो जाएगा लेटेस्ट वर्जन में। तो अभी 3.0.4 है। अब अगर आप लोग जेंगो की वेबसाइट में जाओ तो यहाँ पर देखो 3.0.4 जो है लेटेस्ट स्टेबल रिलीज है अभी के टाइम पर, और आने वाले टाइम में ही बदल सकती है, 3.456 हो सकती है, और बिल्कुल भी मेजर चेंजेस नहीं आने वाले हैं अगर एज लॉन्ग एज हम वर्जन 3 में हैं। ठीक है, सो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जेंगो को एक बार हमने इंस्टॉल कर लिया। बाय द वे, मेरा यहाँ पर रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड लिख कर आया है, लेकिन आप लोग का शायद रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड लिख कर नहीं आएगा, आपका वो डाउनलोड करके जेंगो को इंस्टॉल करेगा, विच इज़ ऑल्सो फाइन, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक जेंगो इंस्टॉल नहीं किया है, तो आपका जेंगो जो है इंस्टॉल किया जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर करूँगा क्या, जल्दी से इस फोल्डर में आके क्या करूँगा, यहाँ पर राइट क्लिक करके और ओपन विद कोड जो है इस पर क्लिक करूँगा। अब अगर आप लोगों को विजुअल स्टूडियो कोड नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, बहुत ही कमाल की आईडी है विजुअल स्टूडियो कोड, एक आईडी कम सोर्स कोड एडिटर आप लोगों के लिए, एक बहुत ही लाइट वेट एडिटर है और बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। तो डाउनलोड करें इसको जल्दी से यहाँ पर क्लिक करके, और विंडोज़ के लिए आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, मैक ओएस वगैरह हैं तो वहाँ के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर लेना, और मैंने अपने और वीडियोस में बताया हुआ है, वीएस कोड इन वन वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसमें वीएस कोड को कैसे डिटेल में यूज़ करना है वो सब चीज़ें बताई हैं, लेकिन उस चीज़ पर अभी मैं इस वीडियो में नहीं जाने वाला हूँ। जल्दी से यहाँ पर क्या करूँगा, राइट क्लिक करके मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके ओपन विद कोड पे क्लिक करूँगा, और मेरा जो विजुअल स्टूडियो कोड है वो इस फोल्डर में खुल जाएगा। अगर आप लोगों का ओपन विद कोड ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप अलग से विजुअल स्टूडियो कोड खोलकर यहाँ पर फाइल में जाकर ओपन फोल्डर पर क्लिक कर सकते हैं, और आप उस फोल्डर को खोल सकते हैं जिसमें आप लोग काम करना चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक बात, यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये टर्मिनल मैंने यहाँ पर खोला हुआ था। ठीक है,
ये टर्मिनल कहाँ पर खुला हुआ था? मेरे इस फोल्डर में खुला हुआ था, जेंगो इन वन वीडियो नाम का ये फोल्डर मैंने बनाया है, इसमें मेरा ये टर्मिनल खुला हुआ था। ठीक है, मैं इसको बंद कर दूंगा और मैं यहाँ टर्मिनल में क्लिक करूँगा और न्यू टर्मिनल में क्लिक करूँगा, और ये जैसे ही मैं करूँगा मेरा ये भी इसी फोल्डर में टर्मिनल खोल देगा। और मुझे फ़ायदा क्या मिलेगा? मुझे फ़ायदा ये मिलेगा कि मेरा इसी स्क्रीन के अंदर अंदर सब कुछ काम चल रहा है, इसी स्क्रीन के अंदर अंदर मैं सब कुछ कर पा रहा हूँ। यहाँ मेरा कोड रहेगा, यहाँ मेरा टर्मिनल रहेगा, यहाँ मेरी फाइल्स रहेंगी, तो मुझे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, एक विंडो में मेरा सारा काम हो रहा है। कोई भी विंडो मैं बंद करना चाहता हूँ, यहाँ क्लिक करके बंद कर सकता हूँ, यहाँ क्लिक करके खोल सकता हूँ, इसको बंद कर सकता हूँ, यहाँ क्लिक करके वापस से टर्मिनल न्यू टर्मिनल में क्लिक करके खोल सकता हूँ इसको। तो टर्मिनल को आप लोग टॉगल कर सकते हैं खोलना बंद करना, और उसी के साथ साथ आप लोग जो है इसको जो ये फाइल्स हैं आपकी इन्हें भी खोल बंद आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पर जाना आप लोग एक्सटेंशंस में और यहाँ पर डाउनलोड कर लेना आप लोग जेंगो, और जेंगो की एक एक्सटेंशन है यहाँ पर, और ये एक्सटेंशन आप लोग डाउनलोड करना, बहुत बढ़िया एक्सटेंशन है ये। मैंने क्यों बोला ये बढ़िया एक्सटेंशन है, इसलिए बोला क्योंकि जेंगो अगर आप लोग यूज़ करते हैं ये एक्सटेंशन तो ये आपको बहुत सारे सिंटेक्स सजेशंस देगा, आप लोगों के लिए जो कोड है टेम्पलेट में वो लिखना बहुत आसान बना देगा, और भी बहुत सारी चीज़ें जो आप लोगों को मिलेंगी, तो इसको ज़रूर से आप लोग जो है इंस्टॉल कर लो। यहाँ क्लिक करके इंस्टॉल करना, मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। उसी के साथ साथ पाइथन एक्सटेंशन तो आप सभी ने माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से जो है वो इंस्टॉल कर रखी होगी, अगर आप लोग पाइथन प्रोग्रामिंग करते हैं तो ये भी आप लोग जो है इंस्टॉल कर लेना, ये भी आप लोगों को बहुत काम आने वाला है। और उसके अलावा ज़्यादा एक्सटेंशन आप इंस्टॉल ना करें, अपने प्रोजेक्ट में इनेबल भी करके मत रखो एक्सटेंशन, मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि अगर आप लोग इनेबल करके रखते हो ना एक्सटेंशन बहुत सारी, जैसे C++ है, मैं इसको डिसेबल करना चाहूँगा अपनी वर्क स्पेस में, क्योंकि यहाँ पर मुझे ये नहीं चाहिए, इस वर्क स्पेस में नहीं चाहिए। ठीक है, तो कभी भी आप इनेबल करें एक्सटेंशंस को तो आप लोग जो है वर्क स्पेस में इनेबल करें जिसमें आप लोग उसको यूज़ करना चाहते हैं। अब वर्क स्पेस का क्या मतलब है, और उसी के साथ साथ क्या मतलब है आपका इसका, जैसे मैं आप लोग को बताता हूँ, अगर आप लोग सेटिंग्स में जाएँ तो वर्क स्पेस और यूज़र दो तरह की सेटिंग्स हैं। वर्क स्पेस का मतलब इस फोल्डर की जो सेटिंग्स हैं वो, यूज़र का मतलब कि इस कंप्यूटर में कहीं भी विजुअल स्टूडियो कोड खुलता है तो उसमें क्या सेटिंग्स लागू होती हैं वो। ठीक है, सो आई होप कि आप लोग को ये चीज़ जो है क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर जेंगो जो है वो अपनी डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करता है एट एनी पॉइंट। मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट नहीं करूँगा कि आप लोग चीज़ों को रटें, याद करें, या फिर आप लोग जो है अगर आपको कोई कमांड आता नहीं है तो फिर बहुत ही गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कहूँगा आप लोग सब कुछ भूल जाओ, बस अंडरस्टैंडिंग रखो चीज़ों की, पाइथन कैसे चलता है अंडरस्टैंडिंग रखो, जेंगो का क्या जो हमारा बेसिक मोटिव है, क्या पर्पस जो है वो अचीव करवाता है जेंगो, ये चीज़ की अंडरस्टैंडिंग रखो। बाकी सब जेंगो की डॉक्यूमेंटेशन इसीलिए खड़ी है ताकि आप वहाँ से कोड कॉपी कर सको, वहाँ से आप लोग उठा सको चीज़ों को। तो एनीवेज जो भी है, गेट स्टार्टेड विद जेंगो पे क्लिक करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर देखो इन्होंने बताया कि सबसे पहले इंस्टॉल करो, फिर अपनी ऐप बनाओ, और उससे पहले प्रोजेक्ट बनाओ ऑब्वियसली। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जेंगो का प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए कमांड होता है जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, और उसका नाम मैं रख दूंगा हेलो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट हेलो। तो मैंने कहा कि यार जेंगो एडमिन एक काम करो ज़रा। जेंगो एडमिन ने कहा हाँ भाई हरी भाई क्या क्या काम करूँ। मैंने कहा यार जेंगो एडमिन ज़रा एक प्रोजेक्ट तो बना के दो मुझे जेंगो का हेलो नाम का। जेंगो एडमिन ने कहा ठीक है हरी भाई बना के देता हूँ, और उसने मुझे बना के दे दिया। अब आप लोग कहेंगे यार ये क्या कहाँ से आ गया इतना सारा कोड, ये तो मैंने लिखा ही नहीं था कभी, ये क्या है मतलब, ये तो मैंने कभी लिखा ही नहीं था। तो मैं आपको बताता हूँ, यही कमाल है जेंगो का, उसने ऑलरेडी आपके लिए कुछ कोड जो है वो आप लोगों के लिए लिख के रख दिया, यानी कि आपको सिर्फ थोड़ा बहुत करने की ज़रूरत है, बेयर मिनिमम सिर्फ अपना प्रोजेक्ट स्पेसिफिक काम करने की ज़रूरत है, बाकी सब काम जेंगो ने कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर मेरा ये बोल रहा है कि भाई पाइथन इंटरप्रेटर सेलेक्ट करो, मैं मल्टीपल इंटरप्रेटर यूज़ कर रहा हूँ, फॉर सम रीज़न मुझे 2.7 भी इंस्टॉल करना पड़ गया किसी का काम करने के लिए। आप लोग मत करना 2.7 इंस्टॉल, पाइथन 2 से दूर रहो। मैं अवॉइड नहीं कर पाया, मुझे किसी ने दे दिया पाइथन 2 का एक प्रोजेक्ट तो मुझे करना पड़ा। आप लोग दूर रहो पाइथन 2 से, क्योंकि उसका सपोर्ट जो है वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब देखो हम लोग कौन से प्रोजेक्ट में है, सॉरी कौन से फोल्डर में है, हम हेलो के अंदर नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको बंद कर देंगे सबसे पहले, तो सबसे पहले वीएस कोड को बंद कर देंगे। आप लोगों को यार बंद क्यों कर दिया, सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, बंद इसलिए कर दिया क्योंकि मैं हेलो के अंदर आकर यहाँ राइट क्लिक करके अब वीएस कोड को खोलूँगा। तो मैंने वीएस कोड को खोला यहाँ पर वापस से,
और अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ। देखो, एक मैनेज डॉट पी वाई है, एक मेरे प्रोजेक्ट के नाम का फोल्डर बना हुआ है यहाँ पर, और मैं यहाँ पर चाहूँगा कि आप लोग टर्मिनल में इस तरह से करें और लिखें यहाँ पर पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। ठीक है, जैसे ही आप लोग ये करेंगे पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर, तो देखो यहाँ पर आपका सर्वर स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पर अगर मैं इस सर्वर को यहाँ पर इस तरह से खोलूँ, 8000 पोर्ट था मेरा, 8000, आप वहाँ पर कंट्रोल क्लिक भी कर सकते थे, लेकिन ठीक है। तो ये देखो, ये कह रहा है कि जेंगो द इंस्टॉल वर्क सक्सेसफुली, और मैं चाहता हूँ कि इस पॉइंट पर सब लोग नीचे लिखो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट करो, मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करो, और उन सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करो जो इस वीडियो को देखकर जेंगो सीख रहे हैं और जिनका जो सर्वर है अप होने वाला है या फिर हो चुका है। और अगर नहीं हुआ है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो उनका जल्दी अप हो जाएगा यार, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैं इसीलिए आप लोगों के लिए बैठा हूँ यहाँ पर। सो आई होप कि यहाँ तक सब लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। लेकिन ये वो वेबसाइट नहीं है जो कि आप लोग देखना चाहते हो। आप लोग देखना चाहते हो एक फुली फ्लेजेड वेबसाइट, एक अच्छी वेबसाइट, एक ऐसी चीज़ जो कि आप लोग को गर्व महसूस करा सके, एक ऐसी वेबसाइट जो कि आप बता सको लोगों की, भाई ये मैंने जेंगो से बनाई है। ये वेबसाइट जो है अभी हमने बनाई ही नहीं है, अभी तो ये सिर्फ जेंगो का सर्वर है जो कि स्टार्ट हुआ है, हमारा जो कन्फिग्रेशन है वो वर्क करा है। तो बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ पर बिल्कुल भी टेंशन लेने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जेंगो का सब कुछ हमारा सही हो चुका है, अच्छी तरह से सब कुछ इंस्टॉल वगैरह हो गया है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग बनाएंगे ऐप्स, लेकिन उससे भी पहले समझेंगे कि प्रोजेक्ट क्या होता है, ऐप क्या होता है, जेंगो में ऐप्स क्यों बनाते हैं, प्रोजेक्ट्स क्यों बनाते हैं, क्या डिफरेंस है, किस मॉडल पे जेंगो काम करता है और किस तरह वेबसाइट्स काम करती हैं। तो चलो उस पर थोड़ी सी जो है चर्चा कर लेते हैं। ऑलराइट गाइस, सो ये बात समझ लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि HTML कैसे काम करता है, जेंगो कैसे काम करता है, CSS और जावास्क्रिप्ट का क्या रोल है, कहाँ पर आता है। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम जेंगो को समझना चाहते हैं और जेंगो को अच्छी तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एक वेबसाइट बनाने के लिए आप लोगों को क्या चीज़ चाहिए होती है, वो क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आप लोगों को चाहिए होती है वेबसाइट्स बनाने के लिए। तो उनमें नाम आता है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का। ये तीन चीज़ें हैं तो आप लोग एक वेब पेज को रेंडर कर सकते हैं, और आप लोग मोस्टली कुछ भी कर सकते हैं एक वेब पेज की सहायता से, अपने यूज़र को आप लोग दे सकते हैं ये तीन चीज़ें। लेकिन 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 आप लोग सोचेंगे कि यार इसमें जेंगो तो है ही नहीं, और जेंगो इसमें क्यों नहीं है, ये आप लोगों को जो है अभी परेशान कर रही होगी बात। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ इसमें जेंगो क्यों नहीं है। इसमें जेंगो इसलिए नहीं है क्योंकि जेंगो एक बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं है वेबसाइट को बिल्ड करने के लिए। जेंगो सिर्फ चीज़ों को आसान बनाता है हमारे लिए, जेंगो सिर्फ हम लोगों के लिए एक सिंपल सा प्लेटफॉर्म है जो कि हेल्प करता है हमको कि किस तरह से आप लोग जो वेबसाइट है उसको रेंडर करते हैं, किस तरह से आप एक डेटाबेस में सेव करते हैं, तो वो सारी APIs जो है जेंगो आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, सो आई होप कि ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो एक वेब पेज के अंदर अगर आप लोग देखें तो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट आपको मिलेगी, जेंगो नामक कोई चीज़ आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। कभी भी कोई वेबसाइट के सोर्स कोड में अगर आप लोग जाएँ, राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स करें, तो आप लोगों को HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट ही देखने को मिलती है। अब यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं एक फ्रेंडली एग्जाम्पल की मदद से कि HTML का क्या काम है, CSS का क्या काम है, जावास्क्रिप्ट का क्या काम है। तो HTML का काम होता है, HTML जो होती है वो स्केलेटन होती है, वो हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर को ले करने के काम आती है। जैसे कि मान लो आप एक गाड़ी चला रहे हो, एक गाड़ी आप लोगों को बनानी है, तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, उसका स्केलेटन बनाओगे, यानी कि जो मेटालिक बॉडी है वो बनाओगे, और उसके बाद उसमें आप कलर और ये सारी चीज़ें लगाओगे, यानी कि वो जो डिज़ाइन वगैरह है उसको बेसिक वो दोगे। तो आपकी मेटालिक बॉडी के ऊपर कलर, डिज़ाइन, क्या चीज़ कैसी दिखनी चाहिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन जब आप लोग रखोगे तो आप लोगों को ये जो गाड़ी है वो अच्छी दिखाई देगी। ठीक है, लेकिन ये गाड़ी अगर अच्छी दिखाई दे रही है और इसका जो स्केलेटन है वो बहुत अच्छी तरह से लेड है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये गाड़ी अच्छी चलती भी है। इस गाड़ी को अच्छा चलाने के लिए इसके इंजन की ज़रूरत पड़ेगी, और इसमें इंजन अच्छी तरह से आप लोगों को लगाना पड़ेगा। अब वो इंजन वाला काम करता है हमारा क्या, वो इंजन वाला काम जावास्क्रिप्ट करती है। सो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का यही काम है। HTML होती है हमारी स्केलेटन ऑफ द वेबसाइट, यानी कि क्या चीज़ कहाँ आएगी, कौन सा टैग कहाँ आएगा वो। CSS जो होती है वो हमारी क्या करती है, जो कलर वगैरह है, जो डिज़ाइनिंग है, ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों को ले डाउन करने के काम आती है। और जो जावास्क्रिप्ट होती है वो हमारी जो ब्रेन होती है, यानी कि HTML और CSS को जो ड्राइव करेगी विद इन क्लाइंट, वो होती है जावास्क्रिप्ट। इस चीज़ को अभी और अच्छी तरह से समझेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एक बेसिक वेबसाइट काम किस तरह करती है। मान लो आप कोई भी एक बेसिक वेबसाइट रिक्वेस्ट करते हो, जैसे कि मान लो google.com, तो ये जो है क्लाइंट वो मान लो आप हो। ठीक है, मान लो ये आप हो, मुझे पता है आप नहीं हो, लेकिन मान लो ये आप हो। ठीक है,
एक उबंटू ओएस का इस्तेमाल करते हो और गूगल क्रोम ब्राउज़र अपने कंप्यूटर में रखते हो, और क्या करते हो कि एक वेबसाइट को रिक्वेस्ट करते हो। मान लो एक codewithhari.com वेबसाइट है और उसका सर्वर है, या फिर google.com वेबसाइट है, कोई भी वेबसाइट हो सकती है, facebook.com भी हो सकती है, instagram.com भी हो सकती है, youtube.com भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है यार, ठीक है। तो क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है उस वेबसाइट के लिए, कहता है कि भाई मुझे google.com दे दो या फिर मुझे codewithhari.com दे दो। जैसे ही ये बात बोली जाएगी क्लाइंट द्वारा, तब क्या होगा कि वेब सर्वर में ये रिक्वेस्ट जाएगी, यानी कि जैसे होता है ना, आप किसी शॉप में जाते हो, आप कहते हो कि भैया 2 किलो चीनी दे दो, तो वो रिक्वेस्ट करते हो आप, अब वो आपको दे ना दे वो उसके ऊपर है। हो सकता है वो बोल दे कि नहीं है, हो सकता है वो ये बोल देगी कि भाई आप तमीज़ से बात करो, आप ऐसे नहीं मांग सकते मुझसे चीनी 2 किलो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसी तरह सर्वर भी कोई गारंटी नहीं लेता कि आपको रिस्पॉन्स देगा ही देगा, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आप लोग जाते हो दुकान पे 2 किलो चीनी लेने तो लेकर ही आते हो ना। उसी तरह ये वेब सर्वर भी होता है, आप जाओगे अगर इस पर रिक्वेस्ट मारोगे तो आपको जो है वेबसाइट मोस्ट ऑफ द केसेस में जो है मिल ही जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, आप लोगों के पास रिक्वेस्ट आई, वेब सर्वर को मिली, वेब सर्वर को जैसे ही रिक्वेस्ट मिली, वेब सर्वर प्रोसेस करेगा उस रिक्वेस्ट को, और उसके बाद वेब सर्वर क्या करेगा, 3 चीज़ें देगा आपको, HTML, CSS और JavaScript। इन 3 चीज़ों को रिटर्न करेगा ब्राउज़र में, ठीक है। और ये HTML, CSS और JavaScript आपके ब्राउज़र में आ जाएगी। जैसे ये HTML, CSS और JavaScript आपके ब्राउज़र में आएगी, आपके ब्राउज़र की जिम्मेदारी है, यानी कि गूगल क्रोम जो कि प्रोग्राम आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो इसको रेंडर करके देगा अच्छी तरह से, ठीक है। सो आई होप कि ये रेंडरिंग वगैरह अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो रेंडर अच्छी तरह से करके दे, ये जिम्मेदारी है हमारे किसकी, हमारे वेब ब्राउज़र की। HTML, CSS और JavaScript एकदम कोड होता है, वो एकदम सोर्स कोड की तरह दिखाई देगा, और एक नॉर्मल ह्यूमन बींग जो कि प्रोग्रामर नहीं है उसको नहीं समझ पाएगा। तो ब्राउज़र का काम होता है कि उसको डिकोड करके एक अच्छा जो वेब पेज होता है उसमें उसको प्रस्तुत करे यूज़र को, ठीक है। तो ये चीज़ इतना फास्ट होती है कि आप जैसे ही google.com डालते हैं, एंटर मारते हैं, वेब सर्वर में प्रोसेसिंग होती है और ये रिटर्न होकर आपके ब्राउज़र में रिस्पॉन्स को दिखा देता है, ठीक है। सो आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गई होगी एकदम आप लोगों को। अब अगला पेज मैं यहाँ पर आप लोगों को लेकर जाना चाहूँगा, HTML क्या है, HTML का क्या रोल है। तो HTML की जो फुल फॉर्म है वो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, पता होना चाहिए आप लोगों को। और उसी के साथ साथ जो ये है हमारा स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है, जो कि सब लोग इस्तेमाल करते हैं एक वेब पेज को बनाने के लिए, एक वेब पेज को स्केलेटन देने के लिए, और एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम है ये। ज़्यादा यहाँ पर टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहूँगा HTML के बारे में बात करके, मूव करूँगा जल्दी से क्विकली CSS को देखेंगे, फिर JavaScript को देखेंगे, और हमारा जो मुद्दा है यहाँ पर जेंगो उस पर आएंगे, ठीक है। कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, यानी कि CSS एक स्टाइल शीट लैंग्वेज है जो कि आप लोगों की प्रेजेंटेशन को अच्छा बनाती है। अगर आप लोग HTML यूज़ कर रहे हैं तो HTML के टैग्स किस तरह से अच्छे दिखने चाहिए, वो सारी चीज़ें जो है CSS आपकी हैंडल करती है, और ये वेबसाइट को ब्यूटीफुल और मॉडर्न लुकिंग बनाती है। अब CSS3 के अंदर बहुत सारी चीज़ें आई हैं, जैसे कि एनिमेशन आप लोग बना सकते हैं, और भी बहुत सारे काम है जो कि आप लोग कर सकते हैं और बेहतर तरीके से कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छी तरह से आप लोग जो है इसको यहाँ पर CSS को यूज़ करके अपनी वेबसाइट्स को अच्छा बना सकते हैं। मूव करेंगे JavaScript की तरफ को बिना टाइम वेस्ट करते हुए। JavaScript जो है वो ब्रेन होती है क्लाइंट साइड कंप्यूटिंग की, तो क्लाइंट साइड कंप्यूटेशन जो होती है वो आपकी JavaScript के अंदर होती है। ये हाई लेवल डायनामिक इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और क्लाइंट साइड में स्क्रिप्टिंग करने के जिम्मेदार होती है, ठीक है। यानी कि अगर आप लोग क्लाइंट साइड में कुछ भी स्क्रिप्टिंग करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल आप लोगों को देता हूँ, एक शॉपिंग कार्ट है मान लो आपकी, उसमें एक बटन है, मान लो आपने उस बटन को क्लिक करा, उस बटन को जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपका हो सकता है कि कार्ट में ऊपर जो 3 लिखा हुआ था वो 4 बन जाए, या फिर कोई आइटम है वो आपका कार्ट में ऐड हो जाए, हो सकता है टोटल अमाउंट आपका चेंज हो जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हरकत होती है आपके विद इन क्लाइंट, यानी कि विद इन ब्राउज़र। अगर मैं पीछे जाऊँ अपने इस डायग्राम में, तो हमारा जो क्लाइंट था उसको फाइनली ये 3 चीज़ें मिल जानी है, HTML, CSS और JavaScript इस क्लाइंट को मिल जाएंगी। उसके बाद विद इन दिस कंप्यूटर वो क्या कर रहा है, क्लिक करके क्या क्या हो रहा है, वो सब जावास्क्रिप्ट संभालती है। हो सकता है आप चाहें कि अगर आपका माउस कर्सर जो है वो कहीं पर लाया जाए, तो कोई टेक्स्ट डिस्प्ले हो, तो वो सारे के सारे इवेंट्स की हैंडलिंग जावास्क्रिप्ट की मदद से हो सकती है। वापस से मैं आऊँगा यहाँ पर, और जावास्क्रिप्ट का रोल जो है अब आप लोग आई होप समझ गए होंगे। रोल ऑफ जेंगो, दिस इज इंटरेस्टिंग। अब आप लोग कहेंगे यार जेंगो तो चाहिए ही नहीं था हमको, तो ये कहाँ से आ गया। अब जेंगो क्या करता है, इस बारे में बात कर लेते हैं। जेंगो एक फ्री और ओपन सोर्स वेब फ्रेमवर्क है जो कि पाइथन में लिखा गया है, और ये बेसिकली आपको कुछ नहीं देता है, सिर्फ कुछ मॉड्यूल्स देता है, आपके HTML, CSS और JavaScript किस तरह भेजी जा रही है इसको आसान बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो
आप लोग एक ब्लॉग लिखते हैं और आपके ब्लॉग में मान लो 1 लाख पोस्ट हो जाते हैं, 1 लाख थोड़े ज़्यादा बोल दिए, मान लो 1,000 पोस्ट हो जाते हैं, 1,000 पोस्ट के 1,000 पेजेस अगर आप लोग बनाएंगे, 1,000 HTML CSS JavaScript बनाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि वो रिपीटेशन जो है फिजिबल रहेगा। हो सकता है आप लोग कॉपी पेस्ट करते रहें हर HTML पेज को जब जब आपके ब्लॉग को ऐड किया जाता है, तो वो बिल्कुल भी फिजिबल नहीं होगा। आप चाहेंगे कि जो टेम्पलेट है आपके ब्लॉग की उसको आप सेव कर लें अलग से और उसके अंदर जो है डेटाबेस से टेक्स्ट को ला ला के रेंडर करें, ये आप लोग चाहेंगे। तो ये चीज़ जो है जेंगो बहुत अच्छी तरह से आपको हेल्प करता है, और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है जेंगो। सबसे पहले तो एक डेटाबेस कनेक्टर है जेंगो के अंदर अपना, उसी के साथ साथ वो बहुत सारी चीज़ें जो कि वेब डेवलपर्स करना चाहते हैं, यानी कि कॉमन चीज़ें जो कि वेब डेवलपर्स के विदिन बहुत ज़्यादा कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देना चाहूँगा जेसन रिस्पॉन्स, या फिर स्टैटिक फाइल्स को सर्व करना, या फिर मीडिया को सर्व करना, मान लो आप कोई वीडियो को सर्व करना चाहते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे एक डेटाबेस में कोई चेंज अगर आप लोग करना चाहते हो छोटा मोटा, तो वो विदिन जेंगो आप लोग बड़े आराम से कर सकते हो, मैनेजमेंट उसका बहुत आसान हो जाता है। फिर इसका अपना URL डिस्पैचर होता है, यानी कि आप चाहोगे कि स्लैश ब्लॉग स्लैश दिस इज़ माई ब्लॉग में आपका दिस इज़ माई ब्लॉग वाला पोस्ट दिखाई दे, आपकी वेबसाइट स्लैश ब्लॉग स्लैश अबाउट रेनबोज में अबाउट रेनबोज दिखे, फिर आपका ब्लॉग स्लैश उसके बाद जेंगो के बारे में अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो आप चाहेंगे जेंगो के बारे में ही दिखे। तो वो सारी चीज़ें जो है जेंगो आप लोगों के लिए बहुत आसान बना देता है। तो जेंगो ऑफर्स अ बिग कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स, एक बहुत सारे मॉड्यूल का कलेक्शन प्रोवाइड करता है जो कि आप अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं, एंड ऑब्वियसली नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है, तो आपकी मर्ज़ी है। और जब जब ज़रूरत पड़ती रहेगी जिस जिस मॉड्यूल की, तब तब आप लोग वो मॉड्यूल जो है इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर प्राइमरीली फ्रेमवर्क्स जो है एग्जिस्ट करते हैं डेवलपर्स का टाइम बचाने के लिए। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का यही मतलब है कि आप लोग 1 लाख पेजेस नहीं बनाएंगे, आप लोग जेंगो से 1 लाख जो डेटाबेस की एंट्रीज़ हैं उनको बनाकर फिल करेंगे। उसी के साथ साथ कभी आपको कोई फाइल वगैरह बनानी पड़ गई, या फिर यूज़र ऑथेंटिकेशन सिस्टम ही है, वही आप लोग खुद स्क्रैच से नहीं लिखना चाहेंगे, वो बिल्कुल व्हील को री इन्वेंट करने जितना रहेगा, और आप लोग बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि आप लोग करें। सो आई होप कि जेंगो का रोल आपको समझ में आ गया, और इस वीडियो के आगे बढ़ते बढ़ते आप लोगों को और अच्छी तरह से जेंगो का रोल समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर MVT आर्किटेक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। अब MVC आर्किटेक्चर बाय द वे बहुत ज़्यादा फेमस है, और बहुत सारे लोग इसके बारे में बात भी करते हैं, और उसका मतलब होता है मॉडल व्यू कंट्रोलर। लेकिन जो जेंगो है हमारा, वो MVC आर्किटेक्चर नहीं, वो MVT आर्किटेक्चर पे चलता है। अभी MVT आर्किटेक्चर क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पैटर्न है। MVT को ज़रूरी नहीं है कि हम इस्तेमाल ही करें, लेकिन जेंगो MVT को इस्तेमाल करता है तो हमें करना पड़ेगा अगर हम लोग जेंगो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो MVT को समझ लेते हैं कि क्या है, MVT किस तरह काम करता है, और MVT किस तरह आपकी लाइफ को इजी बनाता है, ठीक है। MVT के फुल फॉर्म है मॉडल व्यू और टेम्पलेट। तो आपके जेंगो प्रोजेक्ट के अंदर क्या होगा, बहुत सारी एप्स रहेंगी। हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जो कि हमने ऑलरेडी अभी तक बना लिया, अगर आप लोग इस वीडियो में बने हुए हैं तो एक प्रोजेक्ट हमने बना लिया है, वो हमारा प्रोजेक्ट है, यानी कि एक वेबसाइट का एक प्रोजेक्ट होगा। अब एक वेबसाइट के अंदर आप लोग अलग अलग ऐप्स बनाएंगे, जैसे मान लो आपने होम ऐप बना ली, आपने एक ब्लॉग ऐप बना ली, एक शॉप ऐप बना ली, और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपका प्रोजेक्ट बहुत सिंपल है तो आप एक प्रोजेक्ट के अंदर एक ही ऐप बनाएं और उसके अंदर काम करें। ज़रूरी नहीं है आपको मल्टीपल ऐप्स ही बनानी है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग मल्टीपल ऐप्स बनाते हैं क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो कंसर्न्स हैं वो सेपरेट रहें। हम लोग नहीं चाहेंगे कि जो हमारी ब्लॉग ऐप है वो शॉप ऐप के डेटाबेस से इंटरेक्ट करे किसी भी तरह, या फिर उसकी टैम्पलेट से इंटरेक्ट करें। तो अलग करने के लिए चीज़ों को हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं। एक प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग मल्टीपल ऐप्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये था MVD आर्किटेक्चर, और अच्छी तरह बताता हूँ इसको किस तरह काम करता है। एक बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन दिया अभी तक मैंने आप लोगों को। तो मॉडल क्या है, व्यू क्या है, और टेम्पलेट क्या है, मॉडल के बारे में बात करता हूँ पहले। MVD के अंदर जो मॉडल है, वो MVD का जो मॉडल है उसका मतलब है कि आपका डेटाबेस को बनाने की इन्फॉर्मेशन, ठीक है। जैसे मान लो कि आप लोग एक डेटाबेस बनाना चाहते हो, उसमें एम्प्लॉई ID, एम्प्लॉई का नाम, एम्प्लॉई का एड्रेस, ये सारी चीज़ें स्टोर करना चाहते हो, तो आप लोग क्या करोगे, एक पाइथन क्लास लिखोगे। और डरना मत बिल्कुल भी, यहाँ पर मैंने क्लास का नाम ले लिया, ये मत सोचना कि यार मुझे तो क्लास आती ही नहीं है, मैं तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जानता ही नहीं हूँ। मेरे साथ बने रहो, हम लोग एकदम कॉपी पेस्ट मारेंगे, आई प्रॉमिस,
हम लोग कॉपी पेस्ट मारेंगे इस चीज़ को, और सिंपल रहने वाला है, एकदम एकदम सिंपल रहने वाला है। आप लोग बिल्कुल डरना मत इस बात को सुनकर कि क्लास यूज़ हो रही है। हम लोग एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन के अंदर एग्जाम्पल्स में से कॉपी पेस्ट करके अपना जो एग्जाम्पल है वो बनाएंगे, और मैं आप लोगों को एक एक चीज़ समझाऊंगा कि क्या चीज़ क्या होती है, ठीक है। तो मॉडल के अंदर क्या है, इन्फॉर्मेशन है आपके डेटाबेस को बनाने की, ठीक है। जैसे कि कौन सी फील्ड आपकी कैरेक्टर फील्ड रहेगी, कौन सी फील्ड आपकी इंटीजर फील्ड रहेगी, कौन सी फील्ड आपकी प्राइमरी की रहेगी, वो सारी चीज़ें, ठीक है। और इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। तो मॉडल मतलब कहाँ पर डेटा स्टोर होगा उस डेटाबेस की इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और व्यू की बात कर लेते हैं। तो व्यू की अगर मैं बात करूँ तो व्यू होता है व्यू। अब ये व्यू क्या है, व्यू का मतलब जो दिखता है, जी हाँ, व्यू का मतलब होता है नज़ारा, और व्यू का यहाँ पर भी वही मतलब होता है। तो जो चीज़ दिखने वाली है वो व्यू होता है, यानी कि व्यू एक टेम्पलेट से एसोसिएटेड रहेगा। तो व्यू क्या करेगा, बेसिकली रन टाइम पर मॉडल से डेटा पुल करेगा, और मॉडल से डेटा पुल करने के बाद प्रोसेसिंग करेगा, जो भी कैलकुलेशन है वो करेगा, और करने के बाद वो डेटा एक टेम्पलेट को भेज देगा और टेम्पलेट उसको रेंडर कर देगी। फॉर एग्जाम्पल एक व्यू हो सकता है /block/rainbows, ठीक है। तो रेनबोज नाम की कोई एंट्री रहेगी हमारे डेटाबेस के अंदर, यानी कि किसी मॉडल के अंदर। हम उस रेनबोज वाली एंट्री को डेटाबेस से पुल करेंगे, देखेंगे कि रेनबोज वाले पोस्ट का टाइटल क्या है, उसका जो कंटेंट है वो क्या है, अगर उस ब्लॉग में किसी ने कमेंट किए हैं तो वो सारे एक्सट्रैक्ट कर लो। और ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स बना के, यानी कि पाइथन वेरिएबल्स बना के टेम्पलेट को भेज देंगे। टेम्पलेट के अंदर क्या रहेगा, टेम्पलेट के अंदर हमारी बेसिकली टेम्पलेट ही रहेगी, जो कि क्या करेगी, टाइटल के लिए उसके पास जगह रहेगी, प्लेस होल्डर रहेगा, हमारे कंटेंट के लिए उसके पास जगह रहेगी, प्लेस होल्डर रहेगा, वहाँ पर ये सारे वेरिएबल्स को रेंडर करके एक व्यू प्रेजेंट करा देगी। तो चाहे एक पेज हो या 1 लाख पेज हो, व्यू हमारा एक ही रहेगा, लेकिन हमारे मॉडल के अंदर जो डेटाबेस एंट्रीज हैं वो सिर्फ बढ़ती जाएंगी, और व्यू हमारा एकदम सेम रहने वाला है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, बहुत ही स्केलेबल हम लोग एप्लीकेशन जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। तो व्यू का मतलब है नज़ारा। व्यू क्या करता है, डेटाबेस से इंफॉर्मेशन पुल करता है, प्रोसेसिंग करता है, और टेम्पलेट को भेज देता है। अब टेम्पलेट क्या है, टेम्पलेट वही है HTML, CSS और JavaScript, बस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हम Django के टेम्पलेटिंग इंजन को इस्तेमाल करेंगे, देखेंगे क्या होता है वो, क्यों यूज़ करते हैं, एकदम सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जब हम लोग यूज़ करेंगे, लेकिन मैं आपको एक हाई लेवल पर आइडिया दे देता हूँ। देखो क्या होता है ना कि टेम्पलेट जो होती है वो HTML, CSS और JavaScript ही होती है, लेकिन उसमें क्या होता है, जगह रहती है, प्लेस होल्डर रहता है, किस चीज़ के लिए, और चीज़ों को भरने के लिए। जैसे कि हमारे ब्लॉग वाले केस में टाइटल के लिए एक जगह रहेगी, प्लेस होल्डर रहेगा, हमारे कंटेंट के लिए जगह रहेगी, प्लेस होल्डर रहेगा, उसी के साथ साथ हमारे कमेंट्स के लिए प्लेस होल्डर रहेगा, अगर हम फॉर लूप चाहें तो वो लगा सकते हैं, और टेम्पलेटिंग इंजन जो है उसको प्रोसेस कर देगा, ठीक है। सो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। और कोई सेपरेट कंट्रोलर Django के अंदर नहीं होता, अगर आप लोग यहाँ पर देखें, देर इज़ नो सेपरेट कंट्रोलर, एंड कंप्लीट एप्लीकेशन इज बेस्ड ऑन मॉडल व्यू एंड टेम्पलेट। तो जो पूरी एप्लीकेशन है वो मॉडल व्यू और टेम्पलेट पर आधारित रहती है। और यहाँ पर क्या होता है, सिंपली आप लोग जो कंट्रोलिंग है वो आपका Django खुद से करता है। URL आता है, वो URL डिस्पैचर जो होता है Django का, वो डिसाइड करता है कि कहाँ भेजना है URL को, फिर जिस व्यू में भेजा वो व्यू अपनी प्रोसेसिंग करता है, मॉडल से डेटा पुल करेगा, फिर टेम्पलेट को भेज देगा, ठीक है। व्यू टेम्पलेट को भेज देगा वेरिएबल्स, और टेम्पलेट जो है रेंडर हो जाएगी। सो आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ऑलराइट गाइस, सो हम लोग वापस आ चुके हैं अब यहीं पर, और हमने काफ़ी जो है बात कर ली है Django के बारे में, और Django किस तरह काम करता है उसके बारे में। वापस से यहाँ पर क्या करूँगा, मैं इस फोल्डर को खोलूँगा, और इस फोल्डर को खोलने के बाद यहाँ पर आप लोग देखोगे मेरा एक फोल्डर बना हुआ है, और जिस प्रोजेक्ट को मैंने बनाया था उसी नाम का फोल्डर बना हुआ है, और यहाँ पर एक manage.py है, और इन सम केसेस db.sqlite3 आपको देखने को मिलती है, कभी कभी नहीं भी मिलती है देखने को। तो अब आप लोग को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि Django को समझना पड़ेगा कि कैसे काम करता है, ठीक है। मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर अगर आप लोग जाएंगे Django की वेबसाइट पर, तो इन्होंने यहाँ पर ऐप्स के बारे में बताया, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा Django ऐप्स। अब मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया Django क्रिएट एन ऐप लिखता हूँ, ठीक है, और इसको भी छोड़ देते हैं, अभी ये सब सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ कि क्या फंडा है। देखो मैंने यहाँ पर हेलो नाम का एक प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है, ये प्रोजेक्ट का नाम हेलो मैंने रखा, ठीक है, ये मेरी चॉइस थी, मैंने इसका नाम हेलो रखा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि आपको इसमें URLs ऐड करने के लिए URLs.py को एडिट करना पड़ेगा। अब URLs.py कहाँ पर है, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं, और ये समझ लिया, पूरा Django समझ लिया आप लोगों ने। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा,
कि आप लोग जैसे ही यहाँ पर आएंगे, यानी कि आपका जो रिक्वेस्ट है वो आएगी यहाँ पर, तो क्या होगा, urls.py के अंदर वो आएगी सबसे पहले, प्रोजेक्ट के urls.py के अंदर आएगी, और यहाँ से वो भेजी जाएगी किसी ऐप के url.py में। अब ये कन्फ्यूजिंग हो गया थोड़ा सा, आपको लग रहा होगा कि यार मैंने क्या बोल दिया, हमने यहाँ पर अभी एक भी ऐप नहीं बनाई है। तो प्रोजेक्ट और ऐप क्या है जेंगो के अंदर, देखो मैं यहाँ पर एक सजेशन देना चाहूँगा कि ज़्यादा मत सोचो प्रोजेक्ट और ऐप क्या है, बस ये सोचो कि एक प्रोजेक्ट जो है वो तो होता ही होता है, और एक प्रोजेक्ट को फुली फंक्शनल बनाने के लिए कम से कम एक ऐप उसमें होना ज़रूरी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक ऐप ऐड करेंगे और उसका नाम होगा माई ऐप। ठीक है, देखो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ पाइथन मैनेज डॉट पी वाई, सिर्फ इतना लिखूँ, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर ऐप क्रिएट करने के लिए इन्होंने बताया है कि किस तरह से ऐप क्रिएट होती है। तो यहाँ पर मैं ढूंढ रहा हूँ वो कहाँ पर है, स्टार्ट ऐप, देखो ये स्टार्ट ऐप है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर पाइथन मैनेज डॉट पी वाई स्टार्ट ऐप। ठीक है, और उसके बाद ऐप का नाम, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा माई ऐप। ठीक है, या फिर होम लिख देता हूँ, सिंपल। ठीक है, जैसे ही मैंने एक कमांड इशू किया, आप लोग देखो यहाँ पर एक फोल्डर बना जिसका नाम है होम। तो अब मैं यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक होम ऐप बना ली। ठीक है, होम ऐप यहाँ पर बन चुकी है, इसके अंदर और मेरे फोल्डर के अंदर जो प्रोजेक्ट फोल्डर है उसके अंदर देखो अलग फाइल्स हैं। प्रोजेक्ट में सेटिंग्स डॉट पी वाई है, इसमें सेटिंग्स डॉट पी वाई नहीं है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो सेटिंग्स होती हैं वो एक प्रोजेक्ट के स्पेसिफिक होती हैं, आपकी एक ऐप स्पेसिफिक सेटिंग्स डॉट पी वाई फाइल नहीं होती है। ठीक है, आपकी प्रोजेक्ट स्पेसिफिक सेटिंग्स होती हैं। अब उस सेटिंग्स में क्या होता है ये देख लेते हैं। सेटिंग्स में ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि आपकी टेम्पलेट्स कहाँ पर स्टोर की जाएंगी, वो आप यहाँ पर टेम्पलेट DIRs में लिखते हो, टेम्पलेट आप कहाँ पर रखोगे ये जानकारी। उसी के साथ साथ डेटाबेस कौन सा यूज़ किया जाए, बाय डिफ़ॉल्ट SQLite यूज़ होता है, अगर आप लोग यूज़ करना चाहते हैं MySQL वगैरह वो भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग इस कॉम्प्लिकेसी में नहीं घुसेंगे कि कौन सा डेटाबेस यूज़ करना है। उसी के साथ साथ टाइम वगैरह जो यूज़ कर रहा है सर्वर, वो सब चीज़ें होती हैं, और इससे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी ऑटोमेटिकली जनरेटेड है। इसको बंद कर दो। हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, हमने ऐप बनाई, हमने प्रोजेक्ट बनाया सबसे पहले, फिर ऐप बनाई। ऐप के अंदर urls.py नहीं है, urls.py नहीं है ऐप के अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ऐप के अंदर urls.py बना लेते हैं। और ये स्टेप्स आप जितने भी जेंगो के प्रोजेक्ट्स बनाओगे सबके लिए सेम रहने वाली है। ठीक है, तो urls.py फाइल मेरी ये है प्रोजेक्ट की, ये है मेरी ऐप की। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मैं क्या करूँगा, इसको एज इट इज़ आंख बंद करके कॉपी कर दूंगा यहाँ पर। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या किया, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा कि देखो भाई ऐसा है कि जब भी कोई यहाँ पर आता है और खाली पाथ लेकर आता है, देखो एडमिन पाथ लेकर आता है, तो उसको एडमिन वेबसाइट पर भेज दो। एडमिन वेबसाइट क्या है वो बताएंगे अभी, अभी उसके बारे में बात करेंगे। तो ये लाइन जो है, ये लाइन क्या कह रही है, कह रही है कि अगर कोई भी स्लैश एडमिन लिखे तो उसको जेंगो एडमिन पर भेज दो। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, वापस से सर्वर स्टार्ट करेंगे। सर्वर स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, 8000 पोर्ट पे चल रहा था हमारा सर्वर, स्लैश एडमिन पे अगर मैं जाऊँगा यहाँ पर, तो ये देखो इसने यहाँ पर मुझे जेंगो एडमिन में भेज दिया है। ठीक है, तो ये जेंगो एडमिन में इसने मुझे यहाँ पर भेज दिया है। ठीक है, तो ये लाइन यही कह रही है कि कोई भी स्लैश एडमिन पे जाए तो उसको जेंगो एडमिन पे भेज दो। लेकिन अगर वो होम पेज पर आए तब क्या करना है ये मैंने नहीं बताया अभी तक, तो मैं ये भी बताऊंगा। और ये मैं कैसे बताऊंगा, ये मैं कुछ इस तरह लिखूंगा, मैं कहूँगा पाथ, मैं कहूँगा कुछ भी हो, कोई भी पाथ हो फॉरवर्ड कर दो उसको, कहाँ पर उसको फॉरवर्ड कर दो आप। मैं यहाँ पर लिखूंगा इंक्लूड, और इंक्लूड को इम्पोर्ट करूँगा यहाँ पर सबसे पहले। ठीक है, इंक्लूड इम्पोर्ट हो गया, और इंक्लूड में मैं लिखूंगा क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पर मैं लिखूंगा होम डॉट URLs। ठीक है, सिर्फ इतना लिखूंगा मैं। अब आप लोग सोचोगे कि यार ये क्या लिख दिया, अरे भाई ये होम ये क्या है, ब्लैंक स्ट्रिंग, इंक्लूड होम डॉट URLs क्या है, ये कुछ नहीं कह रहा है। ये कह रहा है कि अगर ये पाथ मैच होता है तो इसको भेज दो होम डॉट URLs में। तो रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी अब। ठीक है, अब ऑब्वियसली मैं यहाँ से ये एडमिन वाला पाथ हटाने वाला हूँ, तो जैसे ये यहाँ पर आएगी तो मैं वापस से क्या करूँगा, इसको मैं कॉपी करूँगा, और सबसे पहले मैं क्या करूँगा यहाँ पर व्यूज़ को इम्पोर्ट करूँगा, और मैं इस चीज़ को एक बार और समझाने वाला हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखूँगा फ्रॉम होम इम्पोर्ट व्यूज़। ठीक है, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा कि कोई भी अगर आता है पाथ और ब्लैंक पाथ लेकर आता है तो उसको व्यूज़ के इंडेक्स फंक्शन पे भेज दो, और इस पाथ का नाम रख दो होम। ठीक है,
मैंने क्या लिख दिया, या आप लोग सोच रहे हो कि क्या लिख दिया इसने। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, ये फंक्शन बनाना है व्यूज डॉट पी वाई में। और अभी कन्फ्यूजिंग लग रहा है, मुझे पता ये कन्फ्यूजिंग है, लेकिन मैं इसको भी क्लियर करने वाला हूँ, तो बने रहो बस वीडियो में। अभी तक मैंने अपनी बात खत्म नहीं करी है, जब तक मैं अपनी बात खत्म नहीं कर देता तब तक आप ये नहीं कह सकते समझ नहीं आया, ठीक है। इसलिए सुनते रहो आप मेरी बात को। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इंडेक्स में गया रिक्वेस्ट, और उसके बाद मैं रिटर्न करूंगा यहाँ से, शॉर्टकट से एक चीज़ और इंपोर्ट करेंगे, HTTP रिस्पॉन्स, ठीक है। मैं ये चीज़ बहुत तेज़ लिख रहा हूँ, लेकिन आप लोग को समझना है कि यहाँ पर HTTP रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे, और यहाँ पर HTTP रिस्पॉन्स के अंदर लिखेंगे दिस इज़ होम पेज, और इसको सेव कर देंगे। जैसे जैसे मैं सेव करता जा रहा हूँ, आप लोग देखो यहाँ पर सर्वर रिलोड होता जा रहा है। अगर इसमें कोई एरर है तो वो एरर आकर रुक जा रहा है, और फिर जैसे जैसे मैं इसको सेव करता जा रहा हूँ सर्वर रिलोड होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। तो ये चीज़ जो है जेंगो में इनबिल्ट होती है। अब देखो इस पेज को मैं रिलोड करूँगा तो दिस इज़ होम पेज लिख कर आ रहा है, ऐसा क्यों हुआ? वो पुराना पेज कहाँ गया? वो पुराना पेज जो था वो डिफ़ॉल्ट पेज था, ये पेज मैंने बनाया है, ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या, जब आपने फायर किया अपने ब्राउज़र में 127.0.0.1 ये जब फायर किया, तो क्या हुआ, ये एक ब्लैंक पाथ लेकर गया किसके पास, हमारे हेलो देवता के पास। हेलो देवता क्या है? प्रोजेक्ट देवता है। प्रोजेक्ट देवता के अंदर एक urls.py फाइल होती है, यानी कि एक मसीहा होता है, जो कि क्या करता है, जो कि बताता है कि इनको कहाँ भेजा जाएगा। ये कहता है कि मैं एक ब्लैंक पाथ हूँ, हेलो भाई मैं एक ब्लैंक पाथ हूँ, मैं कहाँ जाऊँ? वो कहता है देख भाई तू एडमिन तो है नहीं, तू तो एक ब्लैंक है, तो अब तेरा जो आगे की कहानी है वो होम के URLs डिसाइड करेंगे, तू जा, तू जा और होम्स के URL से मिल ले। कहते हैं ना जब आप ऑफिस में जाते हैं कार्यालय में, कि कहते हैं कि भाई आप ये DM कार्यालय में दिखा लो, यहाँ पर नहीं होता ये काम। फिर आप DM कार्यालय में जाते हैं, DM कार्यालय कहता है कि वो उधर दिखा लो, उनके कार्यालय में सचिव के कार्यालय में दिखा लो, यहाँ पर काम नहीं होता ये। तो वो सारी चीज़ें फॉरवर्ड करते जाते हैं वो चीज़ों को बेसिकली, तो वही होता है, ये फॉरवर्ड कर देता है home.urls को। अब होम के पास आएगी ब्लैंक रिक्वेस्ट, वो कहेगा कि भाई मैं एक ब्लैंक रिक्वेस्ट हूँ, मैं क्या करूँ, मैं हूँ ब्लैंक। उसने कहा क्या तू इससे मैच होता है? वो कहेगा हाँ मैं इससे मैच होता हूँ, क्योंकि मैं तो ब्लैंक हूँ। तो तू एक काम कर, व्यूज़ डॉट इंडेक्स में चला जा, यानी कि व्यूज़ के इंडेक्स वाले फंक्शन को रन कर ले जा। तो ये कहेगा ठीक है, तो ये इसको रन करेगा और दिस इज़ होम पेज हमारा यहाँ पर प्रिंट हो गया, देखो। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये HTTP रिस्पॉन्स क्या है, इतना बड़ा ये क्यों लिखना पड़ा, डायरेक्टली स्ट्रिंग क्यों नहीं रिटर्न कर दी? तो हमें यहाँ पर करना क्या पड़ता है, जब हम एक स्ट्रिंग को देना चाहते हैं तो हमें HTTP रिस्पॉन्स को यूज़ करना पड़ता है। इससे क्या होता है कि डायरेक्टली हम एक स्ट्रिंग को रेंडर कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन आइडियली आप ऐसा नहीं करोगे, आइडियली आप टेम्पलेट्स को यूज़ करोगे, और करना भी चाहिए आपको टेम्पलेट्स को यूज़, क्योंकि इस तरह की वेबसाइट्स तो ना ही आप बनाना चाहेंगे, ना ही यूज़र देखना चाहेगा, ना ही कोई आपसे बनवाना चाहेगा, और ना ही कोई आपको ऐसी वेबसाइट बनाने के पैसे देगा। पैसे छीन ज़रूर ले, लेकिन देगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इस वेबसाइट को आप खूबसूरत बनाना है। मान लो मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ अपने एक बिज़नेस के लिए, और बहुत ही सिंपल सी वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, जिसमें मेरे बिज़नेस के बारे में सब चीज़ें लिखी होंगी, जैसे मेरा बिज़नेस कहाँ पर है, मैं क्या बेचता हूँ, और मेरा नाम क्या है, मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, मुझे अगर वो कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म के थ्रू मुझे कॉन्टैक्ट कर सकें, तो वो सारी की सारी चीज़ें अगर मैं चाहता हूँ तो वो मैं कर पाऊँगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, सबसे पहले आप लोगों को टेम्पलेट्स बताता हूँ कैसे यूज़ करना है, लेकिन उससे भी पहले मैं यहाँ पर कुछ और एंड पॉइंट्स बनाना चाहता हूँ। जैसे कि मैं बनाना चाहूँगा एक तो अबाउट, दिस इज़ अबाउट पेज लिखूँगा, और इसका नाम रख दूंगा अबाउट, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर वापस से अबाउट, और नेम भी इसका मैं अबाउट ही लिखूंगा। सेव किया मैंने इसको, व्यूज डॉट अबाउट, नेम इज इक्वल अबाउट, और यहाँ पर कोई भी ब्लैंक रिक्वेस्ट आएगी तो वो यहाँ फॉरवर्ड हो जाएगी। अगर वो नेम, अगर वो कुछ नहीं हुआ तो होम पे जाएगा, अगर वो अबाउट हुआ तो क्या होगा, अबाउट हुआ तो यहाँ पर जाएगा। तो एक काम करते हैं स्लैश अबाउट लिखते हैं, देखो दिस इज़ अबाउट पेज आ गया, ठीक है। तो ये अबाउट पेज देखो यहाँ पर आ गया, ओके। तो अबाउट पेज बन चुका है। मान लो मैं सर्विसेज पेज बनाना चाहता हूँ, देखो जैसे मैंने इसको सेव किया फाइल को, आपको नीचे एक एरर दिखेगा, और एरर क्या होगा कि सर्विसेज नाम का कोई फंक्शन नहीं है। तो अगर मैं स्लैश सर्विसेज में चला जाऊँ, मैं यहाँ पर इसको सेव करता हूँ वापस से, मैं यहाँ पर सर्विसेज लिखता हूँ तब एरर आएगा, मैंने यहाँ पर सर्विसेज नहीं लिखा। सेव किया इसको, देखो एरर आएगा, कह रहा है यार ये क्या कह दिया, होम डॉट व्यूज में तो सर्विसेज है ही नहीं, तो मैं क्या रन करूँगा अगर सर्विसेज मैच हुआ तो। तो इसलिए आपको सर्विसेज यहाँ पर बनाना पड़ेगा। तो मैं एक सर्विसेज नाम का फंक्शन बनाता हूँ, और यहाँ पर बेसिकली मैं ये लिखूंगा दिस इज सर्विसेज पेज। फिर उसी तरह जो है कॉन्टैक्ट एक पेज बना लेते हैं, और सारी की सारी स्टेप जो है सेम रहने वाली है। सेव कर लेता हूँ उस फाइल को,
सिमिलरली यहाँ पर भी मैं सेव करता जाऊँगा फाइल्स को, जैसे जैसे मैं काम कर रहा हूँ सेव कर लिया मैंने, ठीक है। तो अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट, ये सब कुछ बन चुका है। और अब देखो यहाँ पर जैसे जैसे मैं अबाउट की जगह यहाँ पर लिखूँगा सर्विसेज, तो ये सर्विसेज पेज आ गया। फिर कॉन्टैक्ट लिखूँगा तो कॉन्टैक्ट पेज आ गया। अगर यहाँ पर मैं कुछ जिब्रिश लिख दूंगा, कुछ फालतू की चीज़, तो ये कहेगा भाई देखो मजाक मत करो, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, मजाक पसंद भी नहीं है मुझे, ये क्या लिख दिया है, तो है ही नहीं कुछ। तो ये जेंगो का कहने का तरीका है कि भाई ये है नहीं कुछ, प्लीज़ इनमें से कुछ प्रोवाइड करो, नहीं तो मेरा हो जाएगा गुस्सा ख़राब, फिर मैं कुछ कह वह दूंगा आपसे और फिर आपको बुरा लग जाएगा, ठीक है। तो ये जेंगो कहना चाहता है। सो आई होप कि ये समझ में आ गया सबको कि किस तरह यू आर एल डिस्पैचर काम करता है। इस पूरी प्रोसेस को यू आर एल डिस्पैचिंग कहते हैं। यू आर एल आता है सबसे पहले कहाँ पर, कोई भी यू आर एल अगर आप डालते हैं वो होम के पास आता है। होम पे अगर कुछ मैच हुआ तब वो जहाँ पर आप कहते हैं वहाँ फॉरवर्ड करता है। जैसे कि इस केस में मैंने कहा है कि होम डॉट यू आर एल्स में फॉरवर्ड कर दो, तो वो होम डॉट यू आर एल्स में फॉरवर्ड कर देगा। उसके बाद होम के यू आर एल्स डॉट पाई में जाएगा, फॉरवर्ड होके मैच हुआ तो कुछ करेगा, नहीं हुआ तो नहीं करेगा। सिमिलरली फिर व्यूज़ में जाएगा, वो जैसे मैच हुआ तो यहाँ पर व्यूज़ में जाएगा और वो करस्पॉन्डिंग फंक्शन रन करेगा, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे हो ये रेंडर क्या है, तो रेंडर होता है हमारा टेम्पलेट को रेंडर करने के लिए, लेकिन हमारे पास तो अभी टेम्पलेट है ही नहीं, टेम्पलेट तो है ही नहीं हमारे पास। अब यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताना चाहूँगा, एक तो स्टैटिक फाइल्स का कॉन्सेप्ट और एक टेम्पलेट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो स्टैटिक फाइल सबसे पहले क्या होती है इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। आई होप कि यू आर एल डिस्पैचिंग सबको समझ में आ गई। मैं चाहता हूँ कि आप एक कमेंट लिख दें कि यू आर एल डिस्पैचिंग समझ में आ गई है, इतना हम क्लियर हैं, हमें होम पेज समझ में आ गया, अबाउट पेज ये पेजेस कैसे चेंज हो रहे हैं समझ में आ गया, अब टेम्पलेट को लेकर आओ, चीज़ों को खूबसूरत बनाओ। इस तरह से कुछ कमेंट नीचे डाल दें अगर आप, तो मुझे दिल से बहुत खुशी होगी। तो काइंडली नीचे कमेंट ज़रूर कर दें, ठीक है, कूल। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसको मैं बंद कर देता हूँ यहाँ पर इस तरह से फोल्डर्स को। तो हेलो हमारा प्रोजेक्ट था, होम हमारी ऐप थी, ठीक है, बढ़िया। मैनेज डॉट पी वाई ऑटोमेटिकली जनरेट हुआ था, डी बी डॉट सीक्वलाइट 3 ये मेरा सीक्वलाइट डेटाबेस है, ये भी ऑटोमेटिकली जनरेट हुआ था। अब दो फोल्डर मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, और आप याद रखना इस बात को ध्यान से, बनाना फोल्डर की है इसी डायरेक्टरी में, इसी हिसाब से बनाए आप, ये नहीं कि होम के अंदर बना दिया आपने, यहीं पर बनाना है, इस यहीं पर जिसमें है आप, जिस फोल्डर में है आप, जहाँ पर आपका प्रोजेक्ट है उसी में बनाना है आपको, ठीक है। एक स्टैटिक बनाना है, स्टैटिक के अंदर देखो बन रहा है, मैंने यहाँ क्लिक किया तो नहीं, मुझे स्टैटिक के बाहर चाहिए, तो बाहर क्लिक करूँगा मैं, फिर यहाँ पर लिखूँगा टेम्पलेट्स, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया टेम्पलेट्स। तो मुझे अब यहाँ पर क्या चाहिए, बेसिकली टेम्पलेट्स इसके अंदर डाली जाएंगी मेरी सारी की सारी, और स्टैटिक जो है, जो भी स्टैटिक फाइल्स में सर्व करना चाहता हूँ वो यहाँ डाली जाएगी। अब स्टैटिक फाइल्स में क्या आता है, स्टैटिक फाइल्स में इमेजेस आती हैं आपकी, और यहाँ पर स्टैटिक फोल्डर मैंने बनाया। अगर मैं यहाँ पर एक नई फाइल बना दूँ, न्यू टेक्स्ट फाइल, या फिर कोई इमेज यहाँ पर डाल दूँ, मान लो टेस्ट डॉट टी एक्स टी में डालूँ और यहाँ पर लिख दूँ दिस इज़ द टेस्ट एंड दिस इज़ अ स्टैटिक फाइल। अब आप कन्फ्यूज़ मत हो ना, स्टैटिक फाइल क्या होती है, स्टैटिक फाइल वो चीज़ होती है जो कि कोई भी आपके सर्वर पे आके देख सकता है। अब ऑब्वियसली आप नहीं चाहोगे कि जो पाइथन कोड है वो कोई सर्वर पे आके देख ले आपके, तो ये कोड आपका कोई नहीं देख सकता। तो आप यहाँ पर पासवर्ड्स वगैरह या कोई भी चीज़ जो है सीक्रेट भी डाल सकते हो, कोई देख नहीं पाएगा, ठीक है। हालांकि पासवर्ड्स को दूसरी तरह से हैंडल किया जाता है, बट मैं बस आपको बता रहा हूँ कि ये कोड आपका कोई यूज़र नहीं देख पाएगा, ये एग्जीक्यूट होगा और रिस्पॉन्स जनरेट करके भेजेगा, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पर स्टैटिक फाइल्स वो फाइल्स होती हैं जो हम चाहते हैं कि कोई भी हमारे यूआरएल में आकर देख ले, ठीक है। तो यहाँ पर हम सेटिंग्स में अगर आएँ तो देखो यहाँ पर स्टैटिक का एक यूआरएल दिया होगा, नीचे आए अगर आप सबसे नीचे, तो देखो इसने स्टैटिक यूआरएल दिया है। तो ये वो स्टैटिक यूआरएल है जो कि क्या करेगा, ये यूआरएल आपको भेजेगा स्टैटिक वेबसाइट्स को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। अभी देखो कह रहा है कि भाई देखो ये डॉक्स है इसको पढ़ लो, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा इसको खोल लूँगा स्टैटिक फाइल्स को। अभी बेसिकली मुझे ये बता रहा है कि भाई देखो ऐसा है, स्टैटिक यूआरएल ये है, और स्टैटिक अगर आपको चाहिए कोई भी ऐसी फाइल जो कि आप डायरेक्टली सर्व करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। अब कहाँ पर वो फाइल्स रहने वाली हैं, वो स्टैटिक फाइल्स डी आई आर्स वाला जो वेरिएबल है वो डिफाइन करता है। तो मैं इसको कॉपी करूँगा यहाँ पर, स्टैटिक फाइल्स डी आई आर्स, आई होप कि ये इसमें ऑटोमेटिकली जनरेट नहीं किया है इसने, एक बार देख लेते हैं। डी आई आर स्टैटिक फाइल डी आई आर्स नहीं है, ठीक है, तो हमें एंड में ऐड करना है। और मैं चाहूँगा कि आप लोग कुछ भी ऐड करते हैं ना यहाँ पर एडेड मैनुअली करके यहाँ पर एक डाल दो, उससे पता चल जाएगा आपको आपने क्या डाला है और ऑटोमेटिकली पहले से क्या था, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भाई देखो ऐसा है, ओ एस डॉट पाथ डॉट जॉइन क्या करो, यहाँ पर स्टैटिक डी आई आर्स ये हैं, तो ये क्या करेगा एक एक करके इन सारे कॉम्बिनेशन को ट्राई करेगा। तो मैं अभी सिर्फ यहाँ पर एक डालने वाला हूँ, सिर्फ एक स्टैटिक डायरेक्टरी मैं यहाँ पर डालूंगा, ज़्यादा नहीं डालूंगा भाई, एक ही स्टैटिक डायरेक्टरी अभी डालूंगा जो स्टैटिक है मेरी,
ठीक है। तो अगर कुछ भी कोई भी आता है मेरा स्लैश स्टैटिक यूआरएल पे, तो उसको ये डायरेक्टरी के अंदर के कंटेंट सर्व कर दिए जाएं, ये मैं कह रहा हूँ। तो देखते हैं कि ये बात सच है कि नहीं। अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ अपने इस रूट पर प्रोजेक्ट के, और यहाँ पर लिखूँ स्टैटिक और स्लैश टेस्ट डॉट टी एक्स टी, तो ये देखो मुझे वो फाइल सर्व की जा रही है टेस्ट डॉट टी एक्स टी, तो एज इट इज़ सर्व कर दी जा रही है। तो स्टैटिक फाइल्स के अंदर कभी भी कोई ऐसी फाइल मत रखना जो कि सिक्योरिटी लूप होल बना सकती है, याद रखना इस बात को। आपको सिर्फ वो फाइल्स रखनी है जो कि पब्लिक हैं, जैसे कि अगर आप कोई जावास्क्रिप्ट पब्लिक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हो तो वो डाल सकते हो जेएस फोल्डर के अंदर, कोई सीएसएस फाइल यूज़ कर रहे हो स्टाइलिंग के लिए वो डाल सकते हो आप, और कोई अगर मान लो ऐसी चीज़ है जो कि आप डाउनलोड के लिए पब्लिकली अवेलेबल करवाना चाहते हो अपनी वेबसाइट पर, जैसे कि मैं सोर्स कोड वगैरह देता हूँ तो मैं उसको स्टैटिक में डाल देता हूँ कि वो फ्री है कोई भी देख सकता है, तो कोई अगर उसको हैक भी कर लेता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन स्टैटिक के अंदर कभी भी कोई सेंसिटिव फाइल मत डालना, क्योंकि वो सबको अवेलेबल हो जाती है यार। प्रॉब्लम ये है स्टैटिक फाइल्स की, आपको अगर कोई चीज़ प्रोटेक्ट करनी है तो उसके और तरीके हैं, वो हम देखेंगे, लेकिन स्टैटिक फाइल्स के अंदर सिर्फ वो फाइल्स डालनी है जो पब्लिकली अवेलेबल है। एक चीज़ दिखाता हूँ आप लोगों को, अगर मैं सिर्फ स्टैटिक में जाऊँ तो देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि पेज नॉट फाउंड, तो आप ये मत सोचना कि स्लैश स्टैटिक करके उस बंदे की सारी स्टैटिक फाइल्स आपको मिल जाएंगी, नहीं ऐसा नहीं है। स्लैश स्टैटिक करोगे अगर तो ऐसा नहीं है कि सारी स्टैटिक फाइल्स आपको लिस्ट कर दी जाए, ना ऐसा नहीं होगा, लेकिन फ्लास्क में ऐसा होता है। ठीक है, जेंगो को अभी हम लोग जो है फोकस करते हैं, फ्लास्क वगैरह की बात नहीं करते हैं। अगर आपको फ्लास्क नहीं पता क्या है तो बता दूं, फ्लास्क भी एक फ्रेमवर्क है। तो एनीवेज हम अभी जेंगो को ही देख रहे हैं, पाइथन का जेंगो फ्रेमवर्क देख रहे हैं, फ्लास्क फ्रेमवर्क नहीं देख रहे हैं। एक स्टेप मैंने आपको स्टैटिक के लिए ये करवाई, अब मैं टेम्पलेट्स के लिए आपको एक स्टेप करवाऊंगा। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, डी आई आर जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ ऐड करवाऊंगा। आप क्या करो, नीचे आओ, जो ओ एस डॉट पार्ट डॉट जॉइन है ना, इसको कॉपी कर लो, इस पूरे को ध्यान से सुनना आप लोग मेरी बात को। टेम्पलेट डायरेक्टरीज डी आई आर से ना टेम्पलेट्स, यहाँ पर इसको डाल दो ऐसे, और स्टैटिक की जगह टेम्पलेट्स लिख दो। ये बेसिकली क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो बेस डायरेक्टरी है वहाँ से टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर मेरी सारी टेम्पलेट्स रखी जाएंगी, वहाँ से एक्सेस कर लो। ठीक है, तो मैं टेम्पलेट्स के अंदर जो है सारी की सारी अपनी टेम्पलेट्स रखने वाला हूँ। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल रखूँगा, अबाउट डॉट एच टी एम एल रखूँगा, कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल रखूँगा, मेरी मर्जी में जो रखूँ। ठीक है, तो इस चीज़ को भी देख लेते हैं, टेम्पलेट्स के अंदर एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बना लेते हैं, और यहाँ पर बेसिक सा मैं अपना जो वेब पेज एक डाल देता हूँ, दिस इज़ अ टेस्ट पेज, वेलकम टू माई वेबसाइट गाइस, मैं वेबसाइट बनाने वाला हूँ, वेबसाइट बनवा लो, वेबसाइट वेबसाइट वाले। ठीक है, ये लिख दिया मैंने, और अगर आपको और भी कुछ लिखना है, अगर ऑटोमेटिक टेक्स्ट जनरेट करना है तो एक पैराग्राफ के अंदर लॉरम 455 लिख दो, कुछ टेक्स्ट वो खुद जनरेट कर देगा आपके लिए, लेकिन मुझे पसंद नहीं है लॉरम, मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, तो लॉरम 4 लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, मैं लॉरम 4, और यहाँ पर चार वर्ड आपके बन जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो ये ट्रिक किस किस को बताती, किस किस को नहीं बताती, मुझे नीचे कमेंट करके बताओ जल्दी से। ठीक है, सेव किया, और यहाँ पर क्या करेंगे, सर्वर तो चल रहा है तो अभी हमने एक चीज़ नहीं करी है। ठीक है, अब पता कैसे चलेगा इसको कि इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में कहाँ जाना है, क्योंकि सब कुछ तो व्यूज़ पे आता है ना फाइनली। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको कमेंट आउट करूँगा, यानी कि इसको हटाऊँगा, मैं कहूँगा कोई भी होम पेज पर आता है तो रिटर्न कर दो, रिटर्न कर दो रेंडर, पहला आर्ग्यूमेंट होता है रिक्वेस्ट, दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या होता है, दूसरा आर्ग्यूमेंट होता है टेम्पलेट का नाम जो है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ठीक है, सेव कर दिया यहाँ पर। अब मैं अगर जाऊँगा अपनी वेबसाइट पर, ये देखो, वेलकम टू माई वेबसाइट गाइस, मैं वेबसाइट बनाने वाला हूँ, वेबसाइट बनवा लो वेबसाइट, ये लिख कर आ गया। ठीक है, व्यू पेज सोर्स में जाऊंगा तो देखो जो लिखा था वही आ गया, तो टेम्पलेट यहाँ पर बेसिकली रेंडर हो गई है। ठीक है, अब मान लो मैं चाहता हूँ एक वेरिएबल सेंड करना यहाँ से इस टेम्पलेट को, तो वो मैं कैसे करूँगा, वो भी बता देता हूँ कैसे करूँगा। देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिख दूंगा वेरिएबल वैल्यू इज, और मैं इस तरह से लिख दूंगा वेरिएबल डबल करली ब्रेसेस में, देखो मैं किस तरह से कर रहा हूँ, डबल करली ब्रेसेस में मैंने वेरिएबल डाला है। अब जो भी चीज़ मैं यहाँ से भेजूंगा व्यूज से वो यहाँ पर आ जाएगी वेरिएबल की जगह, और कैसे भेजूंगा मैं वेरिएबल, मैं लिखूंगा कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पर लिखूंगा वेरिएबल दिस इज सेंट। ठीक है, और यहाँ पर कॉमन लगा के कॉन्टेक्स्ट,
अगर तेज़ हो रहा है तो मुझे बता देना, मैं तेज़ ज़्यादा नहीं पढ़ाना चाहता, मैं इसको हटा देता हूँ या कमेंट आउट रहने देता हूँ ताकि आपके रेफरेंस के लिए रहे आपके पास, ठीक है। मैं प्रोडक्शन कोड में इसको कभी नहीं रखूँगा, तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर क्या चल रहा है। बेसिकली क्या हुआ कि जो वेरिएबल था, तो कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट सेट ऑफ वेरिएबल्स होता है जो कि आप भेजते हो अपनी टेम्पलेट में। तो मैंने कौन कौन से वेरिएबल्स भेजे, एक तो वेरिएबल नाम का वेरिएबल भेजा, उसकी वैल्यू क्या थी, दिस इज सेंड थी। अब डबल, अब अभी मत सोचना कि मैंने कहीं पर सिंगल कहीं पर डबल कोट लगाया, कंसिस्टेंसी आप लोग रखना, ठीक है। अब मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि यहां पर मेरा क्या लिखकर आ जाए, यहां पर ये वैल्यू लिखकर आ जाए, दिस इज सेंट जो भी है वो लिखकर आ जाए। तो मैं रिलोड करूंगा, देखो दिस इज सेंट लिखकर आ गया। अब अगर मैं चाहता हूँ कि हाईलाइट हो जाए तो मैं बी टैग का इस्तेमाल कर सकता हूँ और ये जो वेरिएबल है इसको जो है बी के अंदर डाल सकता हूँ, तो वो आप कर लेना, ठीक है। तो क्या होगा, जो भी वेरिएबल है वो हाईलाइट हो जाएगा बोल्ड में, ये देखो दिस इज सेंट। अगर मैं इसको चेंज कर दूं, लिख दूं हैरी इज ग्रेट और रिलोड करूं, देखो यहां पर हैरी इज ग्रेट आ गया। तो जो जो वेरिएबल्स मैं भेजूंगा वो यहां पर आ जाएगा। मान लो मैं इसको वेरिएबल ना करके वेरिएबल वन और वेरिएबल टू करके भेजूं, वन और इसको टू, और यहां पर मैं लिख दूं रोहन इज ग्रेट, कॉमा लगाया यहाँ पर क्योंकि एक डिक्शनरी है बेसिकली। क्या है कॉन्टेक्स्ट, एक पाइथन डिक्शनरी है जिसको मैं भेज रहा हूँ अपनी रेंडर के साथ। रेंडर को मैंने तीन चीज़ें दी, एक तो ये रिक्वेस्ट दी, एक टेम्पलेट दी और एक कॉन्टेक्स्ट दिया, ठीक है, जो कि वेरिएबल्स का सेट है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा वेरिएबल वन और उसी के साथ साथ यहाँ पर वेरिएबल टू लिख दूंगा, ठीक है। वेरिएबल वन वैल्यू इज, वेरिएबल टू वैल्यू इज, ठीक है। और ऑब्वियसली ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ मैं, कोई भी वेबसाइट बनाने की कोशिश यहाँ पर नहीं की जा रही है। तो ये क्या हुआ, कुछ एरर आ गया लगता है, तो ये कह रहा है इनवैलिड सिंटेक्स। देखते हैं क्या इनवैलिड सिंटेक्स है। वेरिएबल वन मैंने दिया ये, वेरिएबल टू दिया रोहन इज ग्रेट, मैंने इसको सेव किया, ये कह रहा है यहाँ पर जो है गड़बड़ हो गई, ठीक है अभी सही हो गया, ठीक है। तो मैंने सेव नहीं किया था शायद, तो मैं इसको रीस्टार्ट करूँगा। तो देखो वेरिएबल वन वैल्यू इज हैरी इज ग्रेट, वेरिएबल टू वैल्यू इज रोहन इज ग्रेट। तो जो भी वेरिएबल मैं भेज रहा हूँ मेरा टेम्पलेट में पहुँच रहा है। तो बेसिकली हमने कन्फिगर कर लिया अपनी स्टैटिक डायरेक्टरी को और अपनी टेम्पलेट डायरेक्टरी को। और ऑब्वियसली ये जो कॉन्टेक्स्ट है ये कॉन्टेक्स्ट में कभी नहीं भेजना चाहूँगा, ये डजेंट मेक एनी सेंस, हैरी इज ग्रेट, रोहन इज ग्रेट, ये इज ग्रेट, पूरी दुनिया ग्रेट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें हम नहीं भेजेंगे। हम क्या भेजेंगे, हम अपने मॉडल में से या तो वैल्यूज़ को फैच करके भेजेंगे, या फिर हम क्या करेंगे, कुछ भी अगर ब्लॉग है हमारा तो हम ब्लॉग की जो टाइटल है, डेट है, वो सब चीज़ें फैच करेंगे पहले यहाँ पर अपने डेटाबेस में से, फिर उसको वेरिएबल बना के भेजेंगे टेम्पलेट को, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट बनाने पर फोकस करेंगे। मेन फोकस हमारा रहेगा कि हम लोग अपनी वेबसाइट को बनाएं बढ़िया। मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि आप लोगों को बूटस्ट्रैप से मिलवाना चाहूँगा। अब आप लोग कहोगे यार ये तो हमें पता है पहले से, कुछ लोगों को नहीं पता है उनके लिए छोड़ दो ये डिस्कशन 2 मिनट का, 1 मिनट का। गेट बूटस्ट्रैप डॉट कॉम एक वेबसाइट है जो कि एक फ्रेमवर्क है हमारा HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का। इसका काम होता है डेवलपर का टाइम बचाता है, आपको बार बार बहुत सारी HTML CSS जावास्क्रिप्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इसमें अच्छे अच्छे डिज़ाइंस अवेलेबल हैं, बटन्स के अच्छे अच्छे एनिमेशंस ऑलरेडी अवेलेबल हैं। आप लोग यहाँ पर एग्जाम्पल्स में जा सकते हो, एग्जाम्पल्स में जाकर आपको बहुत सारी टेम्पलेट्स भी मिल जाएंगी। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चाहते हो डॉक्यूमेंटेशन में जाना और कंपोनेंट्स को देखना, तो अलग अलग कंपोनेंट्स आप लोग यूज़ कर सकते हो अपनी वेबसाइट्स में, ठीक है। तो ये है हमारा बूटस्ट्रैप। तो आई होप कि बूटस्ट्रैप समझ में आ गया, आप लोगों को क्लियर हो गया। तो बूटस्ट्रैप का यही काम है, ठीक है, कि आपको हेल्प करता है ये, आपका टाइम बचाता है बेसिकली। अगर आप लोग एक बहुत अच्छे डिज़ाइनर हैं, HTML जानते हैं, CSS जानते हैं, जावास्क्रिप्ट जानते हैं, तो मोर पावर टू यू, आप अपनी जावास्क्रिप्ट, CSS और HTML यूज़ करो। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ बूटस्ट्रैप उन लोगों के लिए जो कि आलसी हैं मेरी तरह, जो कि ज़्यादा टाइम अपना डिज़ाइनिंग में नहीं देना चाहते। ऑब्वियसली हम लोग जब जेंगो में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो कभी कभी हम चाहेंगे कि जल्दी से क्विकली एक अच्छी सी वेबसाइट को पुल कर लें और बाद में जो है डिज़ाइनिंग कर लेंगे अगर हो सके तो, नहीं तो जेंगो भी बहुत, सॉरी बूटस्ट्रैप भी बहुत मस्त डिज़ाइनिंग देता है। हैविंग सेट दैट, मैं क्या करूँगा यहाँ पर index.html के अंदर अपने बूटस्ट्रैप को जो स्टार्टर टेम्पलेट है उसको डाल दूंगा। तो मेरी बूटस्ट्रैप की स्टार्टर टेम्पलेट होती है डॉक्यूमेंटेशन में, आप स्टार्टर टेम्पलेट को यहाँ से कॉपी कर लो, यहाँ पे क्लिक करो कॉपी हो जाएगी और इसको इसमें डाल दो, सेव कर दो। और अब मैं आऊँगा अपने यहाँ पर, मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, हाँ अब सही है। तो ये देखो हेलो वर्ल्ड लिखकर आ गया, हेलो वर्ल्ड की जो फॉन्ट है वो देखो कितनी अच्छी हो गई है। इसका मतलब मेरा बूटस्ट्रैप इंक्लूड हो चुका है। राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स भी कर सकते हो आप,
ये व्यू पेज सोर्स पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, मैंने सेलेक्ट कर रखा इसलिए नहीं आ रहा है। हाँ तो ये यहाँ पर देखो बूटस्ट्रैप वगैरह इंक्लूड हो चुकी है और ये CDN से आ रहा है। CDN होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, यानी कि किसी ने ऑलरेडी आप लोगों के लिए बूटस्ट्रैप को होस्ट करके रखा हुआ है और वहाँ से जो है वो मंगा रहा है चीज़ों को, तो आपको जो है कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ जो है ये इंटरनेट से आ रहा है, jQuery भी इंटरनेट से आ रही है और आपका बूटस्ट्रैप भी इंटरनेट से आ रहा है, बिल्कुल भी आपको इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बढ़िया। अब क्या होगा यहाँ पर, अब हम लोग डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे, कंपोनेंट्स में जाएंगे और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नैव बार से। नैव बार क्या होता है, नेविगेशन बार। ठीक है, नेविगेशन बार को कॉपी करेंगे और हम अपनी बॉडी के अंदर डाल देंगे नेविगेशन बार को। हेलो वर्ड हटाओ, हेलो वर्ड नीचे है, नेविगेशन बार। और यहाँ पर हैरी आइसक्रीम्स, तो गाइस मैं आइसक्रीम बेचता हूँ अगर आप लोगों को नहीं मालूम, ठेले में ले जाकर, तो उसके लिए मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ। आई एम जस्ट किडिंग, हैरी आइसक्रीम्स नाम की कोई मान लो एक फिक्शनल कंपनी है। हैरी आइसक्रीम्स मैंने टाइटल में लिख दिया है और इसको मैं रिलोड करूँगा, तो देखो हैरी आइसक्रीम्स हो गया। सबसे पहले तो ही स्पेस दे देते हैं आइसक्रीम के आगे और उसी के साथ साथ यहाँ पर देखो नेविगेशन बार आ गया। ये देखो ड्रॉप डाउन लिंक नेव बार, उसी के साथ साथ जो बूटस्ट्रैप है वो रिस्पॉन्सिव है। देखो सबसे बड़ी खासियत इसकी है, तो आईफोन 6 में अगर मैं इसको करूँ तो ये देखो ऐसा दिखाई देगा, जो कि एक बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि यार आप लोग नहीं चाहोगे यार अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने में टाइम वेस्ट करना। ऑब्वियसली अगर आप लोग एक डिज़ाइनर हो, एक डिज़ाइनर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो हाँ आप लोग कहोगे यार मैं तो सब कुछ HTML CSS JavaScript से कर लूँगा, लेकिन हमारे बहुत सारे भाई यहाँ पर ऐसे बैठे हैं जो जिनको HTML CSS JavaScript उतने अच्छे से नहीं आती है, तो उन भाइयों के लिए बूटस्ट्रैप एक बहुत अच्छी चीज़ है और बहनों के लिए भी ऑब्वियसली। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैंने हैरी आइसक्रीम्स लिख दिया, नेव बार होम लिंक ड्रॉप डाउन में आराम से यहाँ पर डिसेबल करना चाहता हूँ किसी चीज़ को तो वो कर सकता हूँ। ठीक है, नेव बार में लिखेंगे हैरी आइसक्रीम्स, तो यहाँ पर मैं हैरी आइसक्रीम्स लिख दूंगा और होम तो मैं होम लिखूंगा, लिंक को मैं कर दूंगा अबाउट अस के बाद मैंने सर्विसेज लिखा था, ड्रॉप डाउन में सर्विसेज को ड्रॉप डाउन रखूंगा, सर्विसेज में लिखूंगा आइसक्रीम और यहाँ पर मैं लिख दूंगा क्या होता है और आइसक्रीम से रिलेटेड सॉफ्टी और उसके बाद यहाँ पर एक फैमिली पैक लिख दूंगा। रिलोड किया, देखो हैरी आइसक्रीम्स होम अबाउट अस सर्विसेज और ये डिसेबल्ड की जगह मैं कॉन्टैक्ट करूँगा, मैं कुछ भी अभी डिसेबल नहीं रखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा ये इसको हटा दूंगा और यहाँ से जो सर्विसेज वाला LI है इसे कॉपी करूँगा, अबाउट अस वाले LI को बेसिकली कॉपी करूँगा और इसको डाल दूंगा अंत में। तो अबाउट अस की जगह मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा अभी कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, तो इस तरह से जो है मैं अपनी वेबसाइट को मैंने स्ट्रक्चर कर लिया। अभी मैं अगर इन पर क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ भी हो नहीं रहा है, देखो कुछ नहीं हो रहा है, मैं सेम पेज पर हूँ। तो मैं चाहूँगा कि कोई भी अगर कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक करे तो वो कॉन्टैक्ट एंड पॉइंट पर चला जाए, कोई भी अगर मेरे सर्विसेज वाले में जाए तो वो कहाँ पर चला जाए, सर्विसेज एंड पॉइंट पर चला जाए, कोई भी अगर अबाउट अस में जाए तो वो स्लैश अबाउट एंड पॉइंट पर चला जाए, कोई भी अगर होम पे जाए तो वो स्लैश में आ जाए और देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं। रिलोड किया, अबाउट अस में क्लिक करूंगा तो ये देखो दिस इज अबाउट पेज, मैंने एंड पॉइंट बनाया। मैं सिर्फ बाय द वे अगर आप लोग को याद हो तो मैं सिर्फ और सिर्फ मैंने चेंज किया है अपने इंडेक्स को, तो ये मत सोचना यहाँ भी बूटस्ट्रैप दिखनी चाहिए, यहाँ पर तो अभी यही है HTTP रिस्पॉन्स, तो यहाँ पर वही दिखेगा। ठीक है, तो बैक मैनुअली करना पड़ेगा आपको। कॉन्टैक्ट अस में देखो ये आ गया, अबाउट अस में ये आ गया, सर्विसेज पे क्लिक करोगे अगर तो सर्विसेज पे क्लिक किया मैंने तो सर्विसेज नहीं आए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंडेक्स में गया मैं, HRF मैंने सर्विसेज किया हुआ है बाय द वे, ओके तो मैं एक काम करता हूँ आइसक्रीम को कर देता हूँ स्लैश सर्विसेज, तो रिलोड करूँगा अगर तो यहाँ पर आइसक्रीम पे जाऊँगा तो देखो दिस इज सर्विसेज पेज। सॉफ्टी वगैरह को भी छोड़ देते हैं, ठीक है, मैंने सिर्फ ऐसे ही इसको एडिट किया है और यहाँ पर कुछ भी सर्च करो तो सर्च एंड पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस तरह से आप लोग ये नेविगेशन बार बना सकते हो। ठीक है, और अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि यार मुझे तो डार्क थीम पसंद है, मुझे वाइट थीम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तो उन लोगों के लिए आप लोग इसको डार्क कर सकते हैं बूटस्ट्रैप में, मैं बताता हूँ कैसे करना है वो। ठीक है, आप लोग क्या करो, यहाँ पर आओ, जहाँ पर लाइट लिखा हुआ है वहाँ पर डार्क कर दो, सिमिलरली यहाँ पर बीजी लाइट लिखा हुआ है इसको भी डार्क कर दो, सेव कर दो, रिलोड कर दो, देखो ये डार्क हो गया।
ठीक है, होम, अबाउट अस, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट अस, सब कुछ ठीक हो चुका है मित्रों। अब अबाउट अस में जा सकते हैं, ठीक है। सेव करो, सॉरी इसको सेव मत करो, कोड को सेव करते रहो, इसको सेव मत करो, ये पेज वरना सेव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, अपनी वेबसाइट को आगे बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। ऑलराइट गाइस, सो काफ़ी चीज़ें हमने देख ली, हमने डिज़ाइनिंग का जो एस्पेक्ट था उसको बहुत अच्छी तरह से देखा, बहुत करीबी से देखा। अगर आप लोग वीएस कोड यूज़ नहीं कर रहे हो कुछ टाइम से, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, वीएस कोड में आप मल्टीपल जो आपके ये टर्मिनल्स हैं वो बना सकते हो। देखो अभी मेरे दो टर्मिनल खुले हुए हैं, तो कितने भी टर्मिनल आप बना सकते हो, यहाँ पर आपके सारे टर्मिनल्स आ जाएंगे, और ये बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। अब एक चीज़ आपको बताता हूँ, देखो हमने एडमिन वेबसाइट की बात करी थी, मैं ये सारी वेबसाइट्स बंद कर देता हूँ जो खुली हुई हैं यहाँ पर। ऑब्वियसली मुझे बूटस्ट्रैप की वेबसाइट चाहिए होगी, तो उसे वापस से खोल लेता हूँ। हमने बात करी थी एडमिन साइट की, स्लैश एडमिन, और यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड मैंने कुछ ऑटोफिल कर रखा है, आपका शायद ये ना आए। तो यहाँ पर अगर मैं कुछ भी डालूँ, मान लो मैं यही डाल देता हूँ हैरी, और कुछ लॉगिन करने की कोशिश करूँ, तो ये कह रहा है कि भाई नहीं नहीं हो पाएगा, कुछ एरर आ रहा है, ठीक है। अब ये क्या एरर आ रहा है मैं सबसे पहले आप लोगों को बताता हूँ। देखो जब जेंगो जो होता है आपका, जेंगो आपका डिफॉल्ट ऑथेंटिकेशन सिस्टम के साथ आता है, यानी कि आपका जो लॉगिन सिस्टम है जेंगो में ऑटोमेटिकली बिल्ट इन होता है, इसीलिए हम जेंगो जैसे फ्रेमवर्क को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर एक कमांड मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा, और आप लोग सोचोगे कि क्या कमांड है वो, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशंस, और उसी के साथ साथ पाइथन मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट, ये दो कमांड आपको रन करने हैं। और देखो दो कमांड मैंने रन किए तो कुछ हरकत हुई, और ये क्या हरकत हुई ये बताता हूँ। मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशन क्या करता है, देखता है कि क्या कोई चेंज हुआ है यहाँ पर, क्या आपने अपने डेटाबेस के स्कीमा में कोई चेंज किया। अभी तो हमारा डेटाबेस का कोई स्कीमा ही नहीं बनाया, मैंने कोई मॉडल बनाया ही नहीं है, तो ये चीज़ अभी रेलेवेंट नहीं है, इसलिए इसने बोला नो चेंज डिटेक्टेड। फिर माइग्रेट जैसे ही मैंने किया, तो कुछ डिफॉल्ट टेबल्स होती हैं जो कि जेंगो यूज़ करता है, जैसे कि ऑथेंटिकेशन के लिए टेबल यूज़ करता है। अगर आपने अभी वो एरर देखा जो कि आया था, उसने कहा था कि कोई टेबल ही नहीं है ऑथेंटिकेशन के लिए, तो अगर आप लोगों को ऑथेंटिकेशन सिस्टम यूज़ करना है, तो आपको वो जो टेबल है जेंगो जो कि बाय डिफॉल्ट आपको ऑथेंटिकेशन सिस्टम दे रहा है वो यूज़ करना है, तो आपको उस टेबल से रीड राइट करना पड़ेगा। तो अब अगर मैं जाऊँ इस वेबसाइट पर लॉग इन करने की कोशिश करूँ, तो अब कुछ और एरर आ रहा है, कह रहा है भाई देखो ये यूज़र आईडी पासवर्ड गलत है, और गलत है ऑब्वियसली, मैंने कुछ भी रैंडम डाल दिया यहाँ पर। तो रैंडम चीज़ अगर आप लोग डालोगे यूज़र आईडी और पासवर्ड, तो आप लोगों को ऑब्वियसली एरर मिलने वाला है, ठीक है। बढ़िया, तो यूज़र आईडी पासवर्ड यहाँ पर जो है गलत है, ये इसने मुझे बता दिया है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यूज़र आईडी पासवर्ड तो गलत है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक सुपर यूज़र बनाना पड़ेगा। अब देखो आपके यूज़र जो होते हैं वो कई तरह के हो सकते हैं, हो सकता है कि आप अपनी वेबसाइट पर कुछ नॉर्मल यूज़र्स रखना चाहो, उसी के साथ साथ हो सकता है कि आप लोग जो है कोई सुपर यूज़र रखना चाहो, ठीक है। तो सुपर यूज़र अगर आप लोग रखना चाहोगे अपनी वेबसाइट के लिए, तो वो सुपर यूज़र आपकी वेबसाइट पे कुछ भी कर सकता है, उसको बहुत प्रिविलेजेस रहेंगे। तो आपको लिखना है यहाँ पर पाइथन मैनेज डॉट पी वाई क्रिएट सुपर यूज़र, कह रहा है यूज़र नेम क्या है, मैं बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम एडमिन रखता हूँ, ईमेल ब्लैंक छोड़ देता हूँ, भी पासवर्ड भी एडमिन रखता हूँ, एडमिन एडमिन रखने की मैं कोशिश करता हूँ। और ये कह रहा है कि भाई आपका पासवर्ड हैक हो जाएगा, तो हमसे मत कहना। तो मैंने कह दिया यस ओके, मैंने एक सुपर यूज़र बना लिया है जिसकी इन्फॉर्मेशन मेरी इस डी बी डॉट सी कोलाइट में चली गई है, ऑटोमेटिकली ये जेंगो हैंडल कर रहा है। अब मैं क्या करूँगा, मैं एडमिन एडमिन करके लॉग इन करने की कोशिश करूँगा, और मैं जैसे ही लॉग इन करूँगा ये क्या कर रहा है, मुझे दिखा रहा है जो टेबल्स मेरे पास ऑलरेडी मौजूद हैं। अभी बाय डिफ़ॉल्ट हमारी ऑथेंटिकेशन की जो जेंगो की टेबल है वो मौजूद है, तो ये कुछ इस तरह से दिखा रहा है, ठीक है। तो अब आप लोग सोच लोगे कि यार ये जेंगो एडमिनिस्ट्रेशन लिखा वो अच्छा नहीं लग रहा है, अगर ये चेंज हो जाता तो कितने मज़े आते, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हाउ टू चेंज जेंगो एडमिन टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जेंगो एडमिन का टेक्स्ट कैसे चेंज करना है यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है। तो ये जो जेंगो एडमिनिस्ट्रेटर है ये चेंज करना है आपको, तो ये तीन चीज़ें जो कि आप डाल सकते हो अपने यूआरएल्स डॉट पी वाई में, ठीक है। कॉपी किया मैंने इसको, तो ये कह रहा है ये तीन चेंजेस आपको यूआरएल्स डॉट पाई में डालने हैं अपने प्रोजेक्ट के, ठीक है। तो ये देखो एडमिन यहाँ पर ऑलरेडी इंपोर्ट कर रखा है हमने। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, ये जो इन्होंने दिया हुआ है, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, हैरी आइसक्रीम एडमिन कर देता हूँ, इसको हैरी आइसक्रीम एडमिन पोर्टल कर देता हूँ, वेलकम टू हैरी आइसक्रीम्स कर देता हूँ,
और अब रिलोड करूँगा तो देखो यहाँ पर सब चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, वेलकम टू हैरी आइसक्रीम्स आ रहा है, हैरी आइसक्रीम एडमिन आ रहा है, और लॉगआउट भी अगर मैं करूँ यहाँ पर तो यहाँ पर देखो लॉग इन अगेन करूँगा तो हैरी आइसक्रीम लिख कर आ रहा है, ठीक है। यूज़र आई डी एडमिन, पासवर्ड एडमिन, और हम आ चुके हैं अपने बैकएंड में, लॉग इन कर लिया है हमने, तो ये बैकएंड है हमारा, ठीक है। और ये हमारा ऑथेंटिकेशन सिस्टम अभी दिखा रहा है, ये हमें वो सारी चीज़ें देगा जो कि हमें चाहिए होंगी एज अ सुपर यूज़र, एज एन एडमिन। तो ये हमारा एडमिन पैनल है वेबसाइट का बेसिकली, ठीक है। इसको कस्टमाइज़ भी किया जा सकता है, इसमें CSS भी ऐड की जा सकती है, कई चीज़ें जो इसमें की जा सकती हैं, अभी मैं उन बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मैं बस अभी आप लोगों को लेकर चलना चाहता हूँ अपनी वेबसाइट में और उसको हम और अच्छा बनाते हैं। लेकिन कोई भी डेटाबेस का हमारा जो मॉडल है या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन डेटाबेस में स्टोर हो रही है वो यहाँ पर दिखाई देने वाली है, तो इस पेज को याद रखना, भूलना मत। अब होम पेज में आएंगे हम लोग। होम पेज में आने के बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ ऑब्वियसली कंटेंट रखना चाहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली कंटेंट रखेंगे और ये जो हमारा हेडर फुटर रहेगा वो रहेगा हमारा पेज पे, ठीक है। तो मैं आपको टेम्पलेट इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट से रूबरू कराना चाहता हूँ। क्या होता है टेम्पलेट इनहेरिटेंस? तो मैं यहाँ पर सेटिंग्स को, URLs को यहाँ पर रखता हूँ, सेटिंग्स को यहाँ पर रखता हूँ, सेटिंग्स को बंद ही कर देता हूँ यार। इंडेक्स रखा है मैंने, व्यूज़ रखा है, तो URLs हमारी ऐप का URL और व्यूज़, और उसके बाद इंडेक्स मैंने ऐसे ही रखा है ताकि मैं देख सकूँ इसको, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम लोग index.html के साथ साथ एक base.html बनाएंगे। और हम क्या पर्पस सॉल्व कर रहे हैं इस बारे में मैं आप लोगों को पहले बताना चाहता हूँ। देखो हम लोग पर्पस ये सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर कि मान लो आपने हेडर को चेंज करना है और आपके पास 10 पेज है। इस केस में हमारे पास कितने पेज हैं? हमारे पास होम है, हमारे पास अबाउट है, हमारे पास और क्या है, हमारे पास सर्विसेज है, हमारे पास कॉन्टैक्टर्स है। ये सारे पेजेस का जो हेडर फुटर है आप चाहोगे कि सेम रहे, चाहोगे कि नहीं चाहोगे, सेम रहे। अगर आप अबाउट अस को मान लो अबाउट करना चाहो तो आप चाहोगे कि वो सारे के सारे पेजेस में रिफ्लेक्ट करे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ऐसा नहीं होता है, आप लोग अगर अलग अलग पेजेस में जाओगे और इसको चेंज करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा आपको। तो टेम्पलेट इनहेरिटेंस क्या होता है कि आप एक टेम्पलेट को इनहेरिट कर रहे हो और उसमें फिल कर रहे हो और इन्फॉर्मेशन को। तो बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरी टेम्पलेट में हेडर और फुटर तो रहेगा ही रहेगा, उसके बाद मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा और उसके लिए मैं बनाऊँगा ब्लॉक्स। अब ये चीज़ आपको कंफ्यूजिंग लग सकती है तो इसलिए इसको करते हैं डायरेक्ट और आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये है base.html। मैं इंडेक्स का सारा मसाला जो है कॉपी करके बेस में डाल दूंगा, मैंने बेस में डाल दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर मेरा नेविगेशन बार है तो मैं ये नेविगेशन बार को क्या करूँगा, मिनिमाइज़ कर लूँगा। यहाँ पर आप मिनिमाइज़ कर सकते हो, बेसिकली बॉडी को मिनिमाइज़ कर सकते हो, नेव बार को मिनिमाइज़ कर सकते हो, आप लोग मिनिमाइज़ यहाँ पर कर सकते हो जिसको मन चाहे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको यहाँ पर क्लिक करके इस डिव को मिनिमाइज़ कर दूँगा, ठीक है, या फिर इस नैव बार को ही मिनिमाइज़ कर दूँगा अगर मैं चाहूँ तो नैव बार को अगर मैं मिनिमाइज़ करना चाहूँ तो यहाँ पर ये देखो मैं नैव बार को मिनिमाइज़ कर सकता हूँ, तो मेरा नैव बार यहाँ पर आ गया। उसके बाद मेरा जो बॉडी का कंटेंट है वो यहाँ पर आएगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर ब्लॉग बना सकता हूँ बॉडी नाम का, और ये जो स्निपेट्स हैं, स्निपेट का मतलब ये जो मैंने लिखा बॉडी, तो ये मेरा पूरा ब्लॉग लिखा तो ये पूरा लिखकर आ गया, ये मुझे दिया है थैंक्स टू जेंगो की जो एक्सटेंशन हमने इंस्टॉल की थी उसने। आप ये चीज़ मैनुअली भी टाइप कर सकते हो लेकिन हेडेक होगा, फालतू का टाइम जाएगा आपका। नेविगेशन बार के बाद मैंने ब्लॉग बॉडी और एंड ब्लॉग यहाँ पर डाला है, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर एक काम करूँगा कि जो टाइटल है उसके लिए एक ब्लॉग बना दूंगा, ब्लॉग टाइटल एंड ब्लॉग, तो जो भी टाइटल होगा वो इस ब्लॉग के अंदर आ जाएगा, ठीक है। सेव किया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि देखो भाई ऐसा है, index.html क्या करेगा, index.html क्या करेगा, यूज़ करेगा बेस टेम्पलेट base.html को यूज़ करेगा और उसको एक्सटेंड करेगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा एक्सटेंड्स base.html, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि देखो भाई ऐसा है, ये एक्सटेंड करेगा इसको, यानी कि इस टेम्पलेट के ऑन टॉप ऑफ दिस टेम्पलेट ये काम करेगा। और मैं इसके बाद लिखूँगा ब्लॉग बॉडी, यानी कि वही ब्लॉग जो कि मैंने यहाँ पर बनाया है। तो मैं बेसिकली कह रहा हूँ कि इस ब्लॉग के अंदर क्या आना चाहिए वो मैं बता रहा हूँ। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, चाहूँगा कि जो बॉडी के अंदर मैंने डाला है नैव बार को हटा के वो आ जाए। तो मैंने अभी तक कुछ डाला नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, ब्लॉग बॉडी के अंदर ये सब मैं नीचे वाला हटा देता हूँ, डाल देता हूँ दिस इज़ माई बॉडी। सेव किया मैंने इसको। सेव करने के बाद अब देखो मैं इसको रिलोड करूँगा तो कुछ मुझे नहीं मिला, बस ये मिला।
तो यहाँ पर हुआ क्या, इसके अगर पेज सोर्स में मैं जाऊँ तो मेरे जेंगो ने क्या किया कि जो मेरा ब्लॉक बॉडी था उसके अंदर के कंटेंट को यहाँ पर रख दिया। तो जेंगो क्या करेगा, जेंगो कहेगा, जेंगो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को जानता है, बेस को नहीं जानता है, क्योंकि आपने व्यूज डॉट पीवाई में बताया है कि रेंडर करो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को। तो वो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के पास जाएगा, कहेगा बेटा इंडेक्स डॉट एचटीएमएल बता क्या रेंडर करना है। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल बोलेगा कि ना बेस डॉट एचटीएमएल को एक्सटेंड कर लो, यानी कि बेस डॉट एचटीएमएल में जाओ और ये सब फिल कर लो। वो बोलेगा ठीक है मैं बेस डॉट एचटीएमएल में जाता हूँ और ये सारे वेरिएबल्स फिल कर लेता हूँ। टाइटल भी हम लोग डाल देते हैं यहाँ पर, ब्लॉक टाइटल में डाल देता हूँ होम। तो अब मैं यहाँ पर रिलोड करूँगा तो मुझे होम दिखेगा, देखो होम हैरी आइसक्रीम्स। तो ये कहेगा ठीक है मैं जाता हूँ, ये सारे के सारे वेरिएबल्स को फिल करके आता हूँ, जाता हूँ और वेरिएबल्स को फिल करके आता हूँ। पहला वेरिएबल क्या है, टाइटल। बोलेगा कहाँ है टाइटल, कहाँ है, ब्लॉक टाइटल है क्या, हाँ है, ये है ब्लॉक टाइटल, यहाँ पर डाल देगा। क्या डालना है, होम डालना है, अच्छा ठीक है होम डाल देगा इसके अंदर। फिर कहेगा दूसरा वेरिएबल क्या है मेरा, दूसरा बॉडी, दूसरा ब्लॉक क्या है, अच्छा कहेगा मेरा बॉडी ब्लॉक है, ओके बॉडी ब्लॉक में जाता हूँ, यहाँ पर ढूंढता हूँ बॉडी ब्लॉक, यहाँ पर हाँ ये रहा बॉडी ब्लॉक। क्या डालना है इसके अंदर, इसके अंदर डालना है दिस इज बॉडी ब्लॉक और दिस इज बॉडी ब्लॉक इसके अंदर डाल देगा, ठीक है। तो इस तरह से ये अपनी बेस डॉट एचटीएमएल को फिल करके रेंडर करके यहाँ पर दिखा देगा। तो अब मेरे लिए यहाँ पर जो कहानी है वो इतनी सिंपल हो चुकी है कि मैं टेम्पलेट्स के अंदर इस तरह से फाइलें बना सकता हूँ। अबाउट डॉट एच टी एम एल लिख सकता हूँ, फिर उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल लिख सकता हूँ, उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर सर्विसेज डॉट एच टी एम एल लिख सकता हूँ। और मुझे करना क्या है, जैसे मैंने अपने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में किया, सर्विसेज में यहाँ पर सर्विसेज लिख दूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सर्विसेज, ठीक है। तो जैसे सर्विसेज ब्लॉक लिख देता हूँ, फिर यहाँ पर कॉन्टैक्ट में भी मैं वही चीज़ पेस्ट करना चाहूँगा। क्या पेस्ट करना चाहूँगा, ये चीज़। अबाउट में भी ये चीज़ रखना चाहूँगा और यहाँ पर लिख दूंगा अबाउट, यहाँ पे भी लिख देता हूँ अबाउट का बॉडी ब्लॉक, ये कॉन्टैक्ट, और यहाँ पर कैपिटल कर देता हूँ सी को ताकि अच्छा दिखे, और यहाँ पर लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट बॉडी ब्लॉक। तो अबाउट, यहाँ पर अबाउट का बॉडी ब्लॉक, कॉन्टैक्ट का बॉडी ब्लॉक, सर्विसेज का ब्लॉक और बॉडी ब्लॉक, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया बेसिकली, ये करके अब मैं अबाउट में जाऊँगा तो यहाँ पर दिस इज अबाउट पे जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि व्यूज़ के अंदर मैंने ये जो टेम्पलेट है इसको रेंडर नहीं किया है। तो मैं सारे के सारे व्यूज़ में जाके अभी टेम्पलेट रेंडर करूँगा इंस्टेड ऑफ HTTP रिस्पॉन्स। मैं HTTP रिस्पॉन्स रेंडर नहीं करूँगा, अब मैं रेंडर करूँगा अपने इसको, किसको मैं रेंडर करूँगा, अपने ये सारे के सारे व्यूज को, सर्विसेज में सर्विसेज, अबाउट में अबाउट और कॉन्टैक्ट में कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये सारे हटा भी दोगे तो चलेगा, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों के लिए रख रहा हूँ इसको, एक में रखता हूँ सिर्फ ऊपर वाले में। सेव, रिलोड करो। अब अबाउट में आओगे तो कह रहा है कॉन्टेक्स्ट इज नॉट डिफाइंड, ओके। तो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट अभी मैंने भेजा नहीं है तो हटा देता हूँ कॉन्टेक्स्ट को सबसे, क्योंकि यहाँ पर तो मैंने वेरिएबल्स भेजे थे, यहाँ पर वेरिएबल्स मैं नहीं भेज रहा हूँ अबाउट में, इनफैक्ट यहाँ भी नहीं भेज रहा हूँ, बट ठीक है रहने देते हैं उसको जस्ट फॉर रेफरेंस। अबाउट, सर्विसेज में जाओगे, कॉन्टैक्ट में जाओगे तो अलग अलग पेजेस देखो आ चुके हैं। तो अब हमारी कहानी सिर्फ इतनी रह गई है कि हमें इन सारे के सारे ब्लॉक बॉडी के अंदर अच्छी HTML डालनी है और इनको ब्यूटीफाई करना है, ठीक है, क्योंकि जो कंटेंट है वो तो दिख ही रहा है हमारा। सेव करो, इसको भी आप इस तरह से करके सेव करो, इंडेक्स को भी सेव कर लो, ठीक है, सारे के सारे पेजेस को सेव कर लो। तो इंडेक्स वाला जो पेज है उसमें आप कोई स्लाइडर रखना चाह सकते हो, या फिर आप चाह सकते हो कि आपका जो पेज है उसमें कोई जंबोट्रॉन वगैरह दिखाई दे, तो उस तरह से हम लोग जो है वो करेंगे काम। अभी कॉन्टैक्ट वाला जो पेज है उसमें ऑब्वियसली आप चाहोगे कि कॉन्टैक्ट फॉर्म हो जो कि कोई भी भर के आपकी वेबसाइट पे आ सके और कुछ लिख सके, तो वो सारी चीज़ें आप चाहोगे तो कर सकते हो बहुत ही आराम से। मैं आपको करके दिखाऊंगा, ये पूरी वेबसाइट आपको बनवा के दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलो एक एक करके इन चीज़ों को लेते हैं। सो गाइस, इस पॉइंट इन टाइम में मैं क्या करूँगा कि ये जो वेबसाइट है इसको एक अच्छा डिज़ाइन दूंगा, और ये काम मैं करने जा रहा हूँ बूटस्ट्रैप की मदद से। तो देखो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये मेरा इंट्रोडक्शन टू बूटस्ट्रैप वाला पेज है, इसमें मैं कंपोनेंट्स में जाऊँगा, ठीक है।
कंपोनेंट्स में जाने के बाद मैं यहाँ पर करूँगा क्या कि जो जम्बोट्रॉन है या फिर कराउजल है, कराउजल बेसिकली होती है आपकी इस तरह से जो स्लाइडर्स हैं वो, और जम्बोट्रॉन बेसिकली क्या होती है आपकी, जम्बोट्रॉन ये है बेसिकली, ये जो दिख रहा है आपको। तो मैं काम करता हूँ, ये जो कराउजल वाली स्लाइडर्स का कोड कॉपी करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखूँगा डिव डॉट कंटेनर, जो कि क्या करेगा मुझे एक कंटेनर देगा। मैंने यहाँ पर सेव कर लिया है, इसके अंदर एक कराउजल डाल दी है। तो इसको अगर मैं अभी रिलोड करूँ तो मुझे यहाँ पर मिलना चाहिए था कराउजल, कौन से पेज में डाल दी मैंने, सॉरी मैंने कॉन्टैक्ट पेज में डाल दी कराउजल। मैं यहाँ पर क्या करूँगा अपनी इंडेक्स वाले में डालूंगा, मैंने बंद कर दी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। उप्सी डिव डॉट कंटेनर के अंदर डालना है, ठीक है। और यहाँ पर रिलोड करेंगे और यहाँ पर देखो इमेजेस जो हैं उसको मिली ही नहीं, इसीलिए उसने क्या किया इस तरह से दिखा दिया, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ से मिलवाना चाहता हूँ जिसका नाम है unsplash.com, जो कि क्या करता है कि आपको हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स देता है। मान लो मैं नेचर में क्लिक करूँ तो ये देखो नेचर की मुझे बड़ी अच्छी अच्छी पिक्चर्स मिल रही हैं। और यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर कुछ API वगैरह खोज रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा source.unsplash, मैं यहाँ पर लिखता हूँ। और ये बेसिकली क्या करता है, कोई रैंडम पिक्चर है या फिर नेचर की पिक्चर है तो वो सारी चीज़ें जो है आपको प्रदान करता है, प्रदान। देखो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि ये क्या पिक्चर्स मुझे दे रहा है। तो ये कह रहा है समथिंग वेंट रॉन्ग, मैंने ये जो URL है इन्हीं की वेबसाइट से लिया, पता नहीं ऐसा क्यों दिखा रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कोई दूसरी कलेक्शन में से उठाता हूँ। देखो ये इसने बोला है नेचर के बारे में, तो मैं रैंडम पिक्चर यहाँ से लेना चाहूँगा। तो ये देखो यहाँ से मुझे मिल जाएगी एक रैंडम पिक्चर। तो मैं बेसिकली क्या करूँगा, ये लिंक कॉपी करूँगा और ये लिंक कॉपी करके जो मेरे इमेज है यानी कि कराउजल इमेज है उसकी जगह डाल दूँगा। तो SRC में यहाँ पर इन्होंने ट्रिपल डॉट दिए हुए हैं, मैं यहाँ पर क्या करूँगा इस तरह से ये जो मेरे सोर्सेज हैं इनको डाल दूँगा, ठीक है, ये इमेजेस को डाल दूँगा। तो यहाँ पर मैं इसको रिलोड करूँगा तो देखो ये इमेज अभी मेरे पास आ गई है, ठीक है। अब आई नो कि मैंने इसकी जो हाइट ऑफ विड्थ है उसको बड़ा सा वियर्ड सा दिया है, तो मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए, इसको इसकी हाइट ऑफ विड्थ को कुछ अच्छी तरह से सेट करना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं इसका साइज़ देना चाहूँ तो इसका साइज़ देने का भी एक ऑप्शन है, तो मुझे आई थिंक ये वाला यूज़ करना चाहिए, ये वाला जो एंड पॉइंट है, दैट साउंड्स गुड टू मी। और यहाँ पर पता नहीं ऐसे क्यों हो रहा है, ये भी 404 आ रहा है, ओके मुझे इस तरह से करना चाहिए इसको, बढ़िया। तो यहाँ पर अगर मैं कुछ इस तरह से करूँ 1600x900, तो ये ऐसे दिख रहा है। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि यार वो आइडियल URL क्या रहेगा, वो साइज़ क्या रहेगा आइडियल जो कि इसको अच्छा बनाएगा। तो अगर मैं अभी इसको रिलोड करूँ, इसको रिलोड करूँ अगर, तो ये देखो ये तो ये साइज़ मुझे ठीक लग रहा है, बट अगेन मुझे इसकी हाइट थोड़ी कम करनी है, तो मैं इसकी हाइट को थोड़ा कम करूँगा। हाइट इसकी 900 है, मैं 600 कर दूँगा और अभी देखता हूँ कि ये क्या इमेज मुझे देता है। और ऑब्वियसली आपकी जो है स्टैटिक फोल्डर में इमेजेस रहेंगी, तो आप उसकी बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, बिल्कुल भी ये मत सोचना कि इमेजेस की कमी है, दुनिया में इमेजेस की कमी नहीं है, किसी भी चीज़ की कमी हो। तो यहाँ पर क्या करेंगे अभी हम लोग, जो ये कराउजल मैंने बनाई है कंटेनर के अंदर डाला है, इसमें मैं मार्जिन देना चाहूँगा और मैं इसको MY4 करके दूंगा और रिलोड करूँगा। तो आप लोग देखो कि इसमें मार्जिन आ जाएगी ऊपर से और अभी ये जो है थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। लेकिन ये जो URL है नेचर वाटर वाला और नीचे वाले जो URL से उनको मैं चेंज करना चाहूँगा। और नेचर वाटर की जगह मैं क्या करूँगा, मैं कर दूँगा रिवर, ठीक है, सिर्फ रिवर लिख देता हूँ। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सन लिख कर देखता हूँ कुछ ना कुछ मुझे मिलेगा। मैंने रिलोड किया और ये देखो मुझे अलग अलग इमेजेस मिल रही हैं। ये देखो अब आइडियली क्या होगा कि जो इमेजेस हैं ये आपको मिलेंगी कहीं आपकी स्टैटिक फाइल से, स्टैटिक फोल्डर से। तो स्टैटिक फोल्डर में आप एक IMG फोल्डर बना सकते हैं और वहाँ पर जो है इमेजेस को सेव कर सकते हैं। तो बेसिकली जो मेरा स्टैटिक फोल्डर है इसके अंदर हम IMG नाम से एक फोल्डर बना सकते हैं। तो मैं एक नया फोल्डर बना देता हूँ यहाँ पर IMG के नाम से और उसको मैं Carousel 1, Carousel 2, Carousel 3 करके सेव कर सकता हूँ और वहाँ से आप इमेज पुल कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको राइट क्लिक सेव इमेजेस करूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर इसको इस Django in 1 वीडियो वाले
स्टैटिक में इसको सेव करना चाहूँ मैं, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिख दूंगा दिस डॉट जे एफ आई एफ, ठीक है, या फिर वन डॉट जे एफ आई एफ, वन के नाम से इसको कर दूंगा, और ये जे एफ आई एफ करके जो है सेव हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पर लिखूँगा स्लैश स्टैटिक स्लैश वन डॉट जे एफ आई एफ, ठीक है, रिलोड करेंगे और यहाँ पर देखो ये पुल हुआ। इस बार कहाँ से पुल हुआ ये, मैंने ओपन इमेज इन अ न्यू टैब किया, ओप्स ये क्या हुआ, मैंने सेव किया क्या इसको, आई होप कि मैंने सेव किया इसको, मैंने लास्ट वाली इमेज को वन डॉट जे एफ आई एफ किया बेसिकली। तो ये जो लास्ट वाला इमेज है मेरा वो जे एफ आई एफ से आ रहा है, तो देखते हैं, ये देखो स्टैटिक स्लैश वन डॉट जे एफ आई एफ। तो मैंने क्या किया बेसिकली, इस इमेज को सेव किया और उसके बाद वहाँ से पुल किया। तो ये काम जो है आप लोग कर सकते हैं, और डेफिनेटली आप लोग चाहेंगे कुछ अपनी पर्सनल इमेजेस को यूज़ करना, सो या फील सो फील फ्री टू डू दैट बेसिकली। ओके, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि आपको मैंने कंटेनर बनवाया है, तो बूटस्ट्रैप में जो मैंने कंटेनर ऐड किया है, अगर मैं इस कंटेनर को, अब ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं, कंटेनर फ्लूइड कर दूँ, तब आप लोग देखना क्या होगा। यहाँ पर ये जो साइड में स्पेसेस हैं जो कि कंटेनर में आ रही थी, वो क्या होगा, कंटेनर फ्लूइड में नहीं आएंगी, ठीक है। तो इसके आजू बाजू जो है थोड़ी थोड़ी देखो मार्जिन उन्होंने दे रखी है, तो आप लोग इसको हमेशा राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर सकते हो, और इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि कौन से एलिमेंट में मार्जिन या पैडिंग है। तो मेरे कंटेनर फ्लूइड में जो लेफ्ट राइट में मार्जिन है उसको भी मैं हटा सकता हूँ, ठीक है। तो देखो मार्जिन लेफ्ट मार्जिन राइट या पैडिंग लेफ्ट पैडिंग राइट इसको मिली हुई है, अगर मैं चाहूँ तो पी एक्स जीरो करके इसको ख़त्म कर सकता हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करते हैं। ये क्लासेस है बूटस्ट्रैप की, पी एक्स जीरो का मतलब एक्स में पैडिंग को जीरो कर दो, एम वाई फोर का मतलब वाई एक्सेस में यानी कि ऊपर नीचे पैडिंग को, यानी कि पैडिंग टॉप पैडिंग बॉटम सॉरी मार्जिन टॉप मार्जिन बॉटम को फोर कर दो। अब इनकी यूनिट्स है, फोर का मतलब कितना पिक्सल है, टू का मतलब थोड़े कम पिक्सल्स, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो रिलोड करूँगा अगर मैं अभी इसको, तो ये देखो इस तरह से ही दिखाई दे रहा है। एंड ऑब्वियसली अगर आप लोग ये जो मार्जिन टॉप मैंने दे रखी है वाई में, ये ख़त्म करना चाहते हो, तो आराम से आप लोग इसको भी ख़त्म कर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं। अगर आपको इस तरह से अच्छा लग रहे हैं इमेजेस, दैट्स योर चॉइस, ये आपकी चॉइस रहेगी। तो हम लोग यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से इमेज बना सकते हैं, और नीचे फिर हम लोग एक और कंटेनर लगा सकते हैं, उसको हम लोग कंटेनर फ्लूइड कर सकते हैं, और हम लोग लिख सकते हैं कुछ ऐसे कि जैसे कि हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, वेलकम टू दिस टू आइसक्रीम शॉप। बेसिकली मुझे यूज़ करना चाहिए था आइसक्रीम, मैं अगर आइसक्रीम यूज़ करता ना तो शायद मुझे अच्छे इमेजेस मिलते। तो मैं देखता हूँ वाओ आइसक्रीम के अच्छे इमेजेस मिल रहे हैं, तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, आइस लिखता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ कोल्ड, ठीक है। तो ये बेसिकली वो है हमारा, क्या बोलते हैं उसको, सर्च टाइटल काइंड ऑफ। तो मैंने यहाँ पर आइस लिखा, नीचे मैं कोल्ड लिखना चाहता हूँ, तो नीचे तो मेरी इमेज जो है स्टैटिक आ रही है मेरे स्टैटिक डायरेक्टरी से, तो उसको मैं कंट्रोल कर नहीं सकता, तो ये लोड हो रही है इमेज बेसिकली, इंटरनेट से ये पुल कर रहा है इमेजेस को। और यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट स्लाइड लेवल, और उसके बाद ये देखो यहाँ पर इस तरह से इमेजेस ने खुद पुल करी, ये आइस के करस्पॉन्डिंग ये इमेज आई है, तो वो आपकी मर्जी रहेगी। और हर बार ये नई इमेज देगा, क्योंकि एपीआई हम लोग यूज़ कर रहे हैं स्प्लैश की, तो आप लोग रिलोड करते रह सकते हैं, और जैसे ही आपको कोई इमेज अच्छी लगे सेव कर लो उसको। जैसे कि मुझे इमेज अभी अच्छी लग रही है, तो मैं सेव कर सकता हूँ इनको। मैं भी ये चीज़ आपके ऊपर छोड़ूंगा, और मैं बिल्कुल भी इसमें नहीं घुसूंगा, ये आप लोग करें काम। और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप लोग इसकी स्टाइलिंग करना चाहते हो, जैसे मान लो आप करना चाहते हो इसकी स्टाइलिंग, ठीक है, सेकेंड स्लाइड लेवल जो लिखा हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, इसमें बैकग्राउंड इसका ब्लैक करोगे तो ये ऐसा हो जाएगा। तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आप इसको इसके साथ प्ले अराउंड कर सकते हो। अब जैसे ये चीज़ है, अगर मैं इसमें बैकग्राउंड ब्लैक कर दूँ तो ये ऐसा दिखाई देगा, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है। अब जैसे आप बॉर्डर रेडियस डालो इसमें, 11 पिक्सल की मैं यूज़ करता हूँ बॉर्डर रेडियस, दिखाता हूँ आप लोगों को कैसी दिखेगी ये। बॉर्डर रेडियस बढ़ाओगे तो ये जो कॉर्नर्स है इसके राउंडेड होते जाएंगे, तो आप ऐसा कर सकते हो इनको। और मैंने यहाँ पर भी बैकग्राउंड ब्लैक कर दिया तो ये ऐसा दिख रहा है, तो ये देखो ये ऐसा दिखेगा। हो सकता है कि आपको अच्छा लगे, कलर चेंज करके आप इसको इस तरह से रख सकते हो, तो जो चीज़ आपको सही लगे आप वो कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब आपकी चॉइस है, डिज़ाइनिंग वगैरह मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा। और यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पर इसकी जो विड्थ है, आपने जैसे कि देखी उप्स, आप लोग यहाँ पर चेंज कर सकते हो इन सब चीज़ों को। तो पैडिंग वगैरह इन्होंने दे रखी है, और इसकी पोजीशन इन्होंने एब्सोल्यूट की हुई है, तो आप इसकी जो विड्थ हाइट है वो सब चीज़ें जो है देख सकते हो अपने आप। इसको चेंज करें यहाँ से, जो जो आपके दिमाग में आता है HTML वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको कर सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से यार ये जो इमेजेस हैं ऐसे के ऐसे ही सही लग रही हैं, ठीक ठाक लग रही हैं, तो ज़्यादा इनको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है।
अब यहाँ पर आप जा सकते हो वापस से getbootstrap.com पर, वहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स के अंदर क्या मिलेंगे, कुछ टेम्पलेट्स मिलेंगे। जैसे कि ये अगर मैं एल्बम की बात करूँ तो ये देखो इन्होंने तीन थंबनेल लगा रखे हैं और मुझे चाहिए यहाँ पर अपनी वेबसाइट में, तो मैं व्यू पेज सोर्स में जाऊँगा और ये जो थंबनेल इन्होंने जहाँ से स्टार्ट हो रहा है इनका मुझे पता चल जाएगा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। या फिर एक काम करता हूँ यहाँ पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूँगा और ये देखो ये यहाँ से इनकी ये पूरी रो है, तो ये पूरा कंटेनर ही उठा लूँगा मैं। तो कंटेनर को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके एडिट एज HTML कॉपी किया कंटेनर मैंने इनका और अपने कंटेनर फ्लूइड के बाद डाल दिया यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस देके। और अब देखता हूँ मेरी वेबसाइट कैसी दिख रही है, हो सकता है मेरी वेबसाइट परफेक्ट ना दिखे, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा उस केस में, मार्जिन पैडिंग वो सब चीज़ें जो है ऐड करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो आप कुछ ऐसा कर सकते हो, सेलेक्ट फ्रॉम अवर चॉइस ऑफ आइसक्रीम्स, नीचे मैं लिख सकता हूँ मेरा कंटेनर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मैं देख रहा हूँ बेसिकली कहाँ पर है मेरा कंटेनर, ये रहा मेरा कंटेनर। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कंटेनर को एक मार्जिन दे दूँगा टॉप बॉटम, ठीक है। तो मैं कहूँगा MY3 कर दो, MY कर दो 3, रिलोड करूँगा। देखो यहाँ पर ये स्पेसिंग आ गई और MY3 तो मैंने कर दिया है इसको। मैं यहाँ पर एक H1 भी डाल सकता हूँ, उसमें भी MY2 कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ सेलेक्ट फ्रॉम दी रेंज ऑफ आइसक्रीम्स, तो ये देखो सेलेक्ट फ्रॉम आर रेंज ऑफ आइसक्रीम्स, सेलेक्ट फ्रॉम आर रेंज ऑफ आइसक्रीम्स। और ये जो सेलेक्ट है इसको आप ये करें और आप एक क्लास ऐड कर सकते हो टेक्स्ट सेंटर, उससे क्या होगा आपका टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा। दिखाता हूँ आपको रिलोड करके, ये देखो सेलेक्ट फ्रॉम आवर रेंज ऑफ आइसक्रीम्स। और ये देखो बिल्ली वाली फोटो बहुत सही लग रही है, तो ये आपके ऊपर है। जैसे जैसे आपको कोई फोटो अच्छी लगे डेफिनेटली आप उसको कंसिडर करो, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो यहाँ पर ये टेक्स्ट कितनी प्यारी तरह से आ रहा है, क्योंकि ये डार्क इमेज है। तो उस चीज़ से भी के हिसाब से भी आप लोग इमेजेस अपनी सेलेक्ट कर सकते हो कि आपका टेक्स्ट कितना विजिबल है। जैसे ये आइस की जो इमेज है ये एकदम परफेक्ट दिख रही है मुझे ये टेक्स्ट के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर आपको अगर मैं दिखाऊँ, ये देखो ये इमेज, ये टेक्स्ट नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो या तो आप क्या करो कि अपनी जो इमेजेस हैं उनको चेंज करो, या फिर आप क्या करो कि ये जो टेक्स्ट है और इमेज है इन दोनों की जो ओपेसिटी वगैरह है वो अकॉर्डिंगली सेट करो, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, ओके। सो आई होप कि ये जो वेबसाइट है वो आपको भी अच्छी लग रही होगी। और यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, जो फर्स्ट स्लाइड लेबल और ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं मैंने, मैं एक काम करूँगा अभी, सबसे पहले तो इस इमेज को मैं सेव कर लूँगा, ठीक है। मैं इसको सेव कर लूँगा 2.gif करके, ये मुझे अच्छी लग गई इमेज, और मैं रिलोड करता रहूँगा तब तक जब तक मुझे एक अच्छी इमेज ना मिले। ये भी मुझे अच्छी लग गई तो मैं सेव इमेजेस करके इसको 1.gif कर दूंगा। ओ सॉरी, मैंने यहाँ पर 3.gif इसको करना चाहिए था, तो मैं अभी इसको रिप्लेस करता हूँ। और ये जो थर्ड वाली इमेज है उसमें मैं कुछ और सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। तो मैं ये इमेज, मुझे इतनी अच्छी लग नहीं रही है वैसे, ये इमेज अच्छी लग रही है तो मैं सेव करूँगा इसको और इसको 3.gif कर लूँगा। और मैं अब यहाँ पर जाऊँगा अपने इसमें, ये जो मेरी लाइन है जिसमें मैंने IMGSRC लिखा हुआ है, यहाँ पर IMGSRC इसको रिप्लेस कर दूंगा मैं सबसे पहले। तो मैंने यहाँ पर 1.gif से स्टार्ट करते हुए फिर मैं आऊँगा 2.gif में, 2.gif और 3.gif यहाँ पर। और अब जो है मेरी इमेजेस चेंज नहीं होंगी रिलोड पर, क्यों नहीं होंगी चेंज, क्योंकि मैंने अब API से पुल नहीं करना कर रहा इमेजेस को, मैं अब लेकर आ रहा हूँ अपने स्टैटिक डायरेक्टरी में से, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से आप लोग जो है कर सकते हो। अब यह है कि मैं क्या करूँगा, इसको चेंज करूँगा टेक्स्ट को। क्या चेंज करूँ मैं यहाँ पर लिखूँगा सबसे पहले तो वेलकम टू दी बेस्ट आइसक्रीम ऑफ रामपुर, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखूँगा कि आई नो यू ईट आइसक्रीम्स बट आई नो यू हैव नॉट ईटन माई आइसक्रीम, सो प्लीज ईट माई आइसक्रीम। इतना ही लिखते हैं बस, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा भी अच्छा नहीं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया जो भी मेरे दिमाग में आया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ वी सर्व लव विद और आइसक्रीम्स, हैरीज बेस्ट आइसक्रीम्स, आइसक्रीम्स हैरीज बेस्ट, वर्ल्ड फेमस बेस्ट आइसक्रीम लिख देता हूँ। यहाँ पर लिख देता हूँ इनॉग्रेटेड बाय, यहाँ पर लिखता हूँ टेड बाय डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। लिखता हूँ कि हमारा जो ये है इसको डोनाल्ड ट्रंप ने इनॉग्रेट किया था,
दिस आइसक्रीम शॉप वॉज इनॉग्रेटेड बाय डोनाल्ड ट्रंप, प्रेसिडेंट ट्रंप लिखता हूँ, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट यार स्पेलिंग भी नहीं आती प्रेसिडेंट की, हरी भाई क्या करते हो, बाय ऑनरेबल, ठीक है यार ज़्यादा लिख दिया मैंने बट ठीक है यार चलता है, कभी कभी थोड़ा गैप लेकर लिखना भी चाहिए। तो ये देखो यहाँ पर मैंने इस तरह से लिख दिया कि भाई ऐसे 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 है, फिर मैंने लिख दिया सेलेक्ट फ्रॉम अ रेंज ऑफ आइसक्रीम्स, और ये करने के बाद मैं काम करूँगा यार, ये जो मैंने सेलेक्ट फ्रॉम अ रेंज ऑफ आइसक्रीम्स लिखा है इसको एम वाई को 4 कर दूँगा, मेरे हिसाब से थोड़ी स्पेसिंग देना ज़रूरी है यहाँ पर, हाँ अब अच्छा लग रहा है ठीक है। तो जो थंबनेल 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 लिखा हुआ है इसमें हम क्या करेंगे, एक इमेज लेकर आएंगे, और इमेज क्या रहेगी, ये एस वी जी जो है उसको हटाता हूँ मैं सबसे पहले, और ये जो अनस्प्लैश वाली इमेज थी इसको ट्राई करता हूँ यूज़ करने की, देखता हूँ कैसा बैठता है, ये अच्छा बैठेगा अगर तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी बैठेगा तो ठीक है यार, देखो ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है ठीक है। तो मुझे इसकी हाइट को जो है चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा अनस्प्लैश से वापस से इस API को यूज़ करूँगा, नेचर वाटर वाली API को, और इस बार मैं क्या करूँगा, मैं बेसिकली यूज़ करूँगा 900 बाय 900, मैं कहूँगा भाई मुझे 900 बाय 900 की इमेज दे दो, ये क्या हुआ, ओके लोड हो रही है इमेज, हाँ अब अच्छी लग रही है, 900 बाय 900 भी थोड़ा ज़्यादा हो गया यार, एक काम करते हैं, आप सोच रहे हो कि मैं इतना कन्फ्यूज क्यों, मैं इतना कन्फ्यूज इसलिए हूँ यार क्योंकि ये जो काम होता है ना ये है ही कन्फ्यूजन वाला, कभी भी सेलेक्ट करना है तो ये देखो ये आंटी जी का फोटो आ गया, तो अब मैं इसको राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स करूँगा तो आंटी जी का नहीं आएगा किसी और का आएगा क्योंकि रैंडम API है ठीक है, तो उस चीज़ को आप लोगों को ध्यान में रखना है ओके। सो ये जो मैंने IMGSRC लगाया है आप लोग क्या कर सकते हो, उसको कॉपी करके अपने अलग अलग कार्ड्स में लगा सकते हो ठीक है। तो जैसे ये SVG है, मैंने ये SVG को रिप्लेस किया अपनी IMG से, और मैं यहाँ पर गर्ल कर दूंगा, फिर उसके बाद नीचे आके SVG रिप्लेस करके बॉय कर दूंगा, यहाँ पर बॉय कर देते हैं, कहाँ गया मेरा बॉय, फिर उसके बाद मैं अंकल कर दूंगा, तो ये यार आपकी मर्ज़ी है, आपकी मर्ज़ी है, आपकी मर्ज़ी, आप जो मन चाहे लिखें, मैं यहाँ पर अंकल लिख देता हूँ ठीक है। सो इसको रिलोड करते हैं और ये देखो 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 देखो, अरे अंकल में ये क्या आ रहा है यार, अच्छा बॉय था शायद वो, और अंकल में ये दिखाई दे रहा है, मैंने लिखा भी अच्छा अंकल और वाटर लिखा मैंने, कोई बात नहीं मुझे सिर्फ वाटर लिखना चाहिए था। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अलग अलग तरह के ये आ रहे, तो मैं काम करता हूँ इनको यार ख़त्म करता हूँ, बहुत सारे कॉलम्स ले आया मैं वहाँ से, इतने सारे भी नहीं लाने चाहिए थे मैंने, आई थिंक दिस शुड बी मोर देन इनफ यार, क्या कहते हो, रिलोड करता हूँ, हाँ इतने सही हैं यार ठीक है। सेलेक्ट फ्रॉम अ रेंज ऑफ आइसक्रीम्स, तो ये मान लो अलग अलग तरह की आपकी आइसक्रीम्स हैं और आपको ख़रीदना है, तो इस तरह की वेबसाइट आप लोग जो है बना सकते हो ठीक है। तो यहाँ पर आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ, अच्छी अच्छी ये चीज़ बनाओ। सिमिलरली अबाउट अस पेज को भी आप डिज़ाइन कर सकते हो, सिंपली आपको करना क्या है कि यहाँ पर अबाउट वाले सेक्शन में डालना है, सर्विसेज भी आप लोग डिज़ाइन कर सकते हो। एक चीज़ जिस पर मैं इम्फेसिस देना चाहूँगा वो है हमारा कॉन्टैक्ट अस पेज, तो चलो आ जाओ कॉन्टैक्ट अस पेज को जो है कोड करते हैं। ये तो आपने देख ही लिया है पर कि किस तरह से आपका जब अबाउट में जाते हो तो ये चेंज होता है टाइटल, कॉन्टैक्टर्स में जाते हुए कॉन्टैक्ट आ जाता है ठीक है। तो ये जो इमेज है ये हमने जो है वेबसाइट बहुत ही ख़तरनाक बना दी है, मुझे मालूम है, और अभी ये वेबसाइट बहुत धांसू दिख रही है बिलीव मी ठीक है। और ये जो अनस्प्लैश है ना मुझे बहुत सही लगता है इसीलिए, क्योंकि ये आप बड़े आराम से यूज़ कर सकते हो, फ्री में यूज़ कर सकते हो और किसी भी तरह की इमेज पुल कर सकते हो, तो इससे अच्छी की चीज़ और क्या हो सकती है आपकी ज़िंदगी में। इनॉग्रेटेड बाय डोनाल्ड ट्रंप, दिस आइसक्रीम शॉप वाज इनॉग्रेटेड बाय ऑनरेबल प्रेसिडेंट ट्रंप, ट्रंप की स्पेलिंग गलत हो गई, ट्रंप की स्पेलिंग हम प्रायोरिटी के साथ ठीक करेंगे, क्योंकि कुछ हो ना हो ट्रंप भाई की स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए ठीक है, गलत बात हो जाएगी वो। नीचे सब लोग लिखो हैशटैग हैरी भाई आइसक्रीम इनॉग्रेटेड बाय ट्रंप, सब लोग लिखो बड़ा सा हैशटैग, एकदम मज़ा आएगा कमेंट में, मैं दिल देता हूँ सबको फिर ठीक है, और उससे भी मुझे पता चल जाएगा कि आपने वीडियो यहाँ तक देखा है ओके। तो कॉन्टैक्ट अस पेज की डिज़ाइनिंग की बात करते हैं, ये जो इतने सारे खुले हुए हैं ना ये फोटो, मैं एक काम करूँगा ये सब ना करके मैं एक स्लाइड का स्लाइडर बनाना चाहता हूँ बेसिकली, और उसमें मैं क्या करूँगा, उसमें मैं कॉन्टैक्ट अस जो है वो लिखूँगा सिर्फ, तो मैं एक तरह से इमेज रखना चाहता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, जो अनस्प्लैश वाली इमेज है ना वो मैं कंटेनर के अंदर डालना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट पेज को देखो कैसे डिज़ाइन करूँगा, मैंने डिव डॉट कंटेनर बनाया और ये जो IMG था उसको डाल दिया, और ये सारे के सारे टैब्स बंद कर दूंगा, नहीं यहाँ से करता हूँ बंद सारे, हाँ हाँ ठीक है, कॉन्टैक्ट अस, और यहाँ पर एक इमेज आना चाहिए मेरे पास, और ये इमेज मेरे पास आ गया है। तो मुझे इसकी हाइट जो है इमेज की उसे कम करना है, क्योंकि हाइट मैंने अगर कम करी इसकी तभी मेरा ये अच्छा दिखेगा वरना अच्छा नहीं दिखेगा। तो मैं इसको 400 कर देता हूँ ठीक है, 400 की मैंने
ये विड्थ बाय हाइट है, हाइट बाय विड्थ है, हाँ ठीक है, कम हो गया अभी, विड्थ बाय हाइट है। तो यहाँ पर मैं कॉन्टैक्ट की इमेज रखना चाहूँगा, ठीक है, और इसमें ऑब्वियसली मैं ऊपर से एक MX4 भी कर देता हूँ, MY4 सॉरी नॉट X, मार्जिन Y में मैं 4 रखना चाहता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसके आजू बाजू ऊपर नीचे और इस फेस हो, ठीक है, हाँ अभी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर मैं रखना चाहूँगा फ़ोन, और यहाँ पर कॉन्टैक्ट। अब देखता हूँ कैसी आ रही है इमेज, हाँ ये बढ़िया आ रही है यार, मज़ा आ रहा है, अब मज़ा आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहें तो इसको कंटेनर फ्लूइड में भी डाल सकते हो, और कंटेनर फ्लूइड में डालोगे तो फिर मैं यहाँ पर जो मार्जिन पैडिंग मैंने लगाई है वो नहीं देखना चाहूँगा, ठीक है। सो ऊपर में जो मैंने पैडिंग लगाई है तो मैं इसको क्या करूँगा, MX4 को करके MY4 को हटा के MX0 कर दूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यार इसके एक्स में कोई मार्जिन या पैडिंग आए। और ये आ रही है, ये मेरा लगता है कंटेनर फ्लूइड की हरकत है, जो इसमें थोड़ी सी मार्जिन आ रही है, तो मैं इसको MX0 करूँगा। और अभी मैं ये करूँगा MX0 या PX0, आई एम नॉट श्योर, मुझे देखना पड़ेगा ये मार्जिन है या पैडिंग है, पैडिंग भी हो सकती है। तो यहाँ पर क्या है, ओके कंटेनर में बेसिकली पैडिंग है मुझे लगता है, हाँ देखो पैडिंग है, तो पैडिंग चोर है PX0। मार्जिन और पैडिंग अगर आपको अच्छे से समझना है और बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को क्लियर करना है इन सब चीज़ों को, तो मैं कहूँगा कि आप लोग जो है मेरा जो वेब डेवलपमेंट वाला कोर्स है वो शुरू से देख लो, क्योंकि वहाँ पर HTML से मैंने एकदम स्टार्टिंग से बताया और काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी अगर आप लोग को देखोगे तो। सो ये तो रहा हमारा, ये देख लेना आप लोग, इसको बुकमार्क भी कर लेना, प्लेलिस्ट को आराम से सेव कर लेना, आपकी अपनी प्लेलिस्ट है, कहीं जा नहीं रही है, ठीक है। सो इसको बंद करता हूँ मैं और यहाँ पर आता हूँ कॉन्टैक्ट पेज की डिज़ाइनिंग में। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि ये यहाँ पर एक डाल सकता हूँ टेक्स्ट, मैं टेक्स्ट डाल सकता हूँ, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ H3 या लिख सकता हूँ कॉन्टैक्ट अस, ठीक है, रिलोड किया और इधर कॉन्टैक्ट अस आ गया, नीचे आया, लेकिन इंस्पेक्ट करूँगा इसको मैं, और ये जो कॉन्टैक्ट अस है इसमें मैं कर दूँगा पोजीशन एब्सोल्यूट, टॉप कर दूँगा 3 पिक्सल, ठीक है। तो ये देखो ये कहाँ चला गया, दिखाता हूँ आपको, तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से चला गया, इसको मैं बढ़ाता हूँ ऐसे टॉप से बढ़ाकर, मैं इसको थोड़ा इधर ले आऊँगा, और अगर आप इसको रिलेटिव करें पोजीशन को, तो ये देखो रिलेटिव करोगे तो कहाँ गया, यहीं से नीचे चला गया, ठीक है। तो मुझे एब्सोल्यूट करना है इसको, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एब्सोल्यूट, ठीक है, एब्सोल्यूट किया मैंने, और इसको मैं कर देता हूँ 540 पिक्सल, ठीक है। तो ये देखो 540 पिक्सल थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, तो मैं क्या करूँगा इसको कम करूँगा थोड़ा, ताकि ये ऊपर को आए निकल के, या फिर एक काम करूँगा मैं, ये सब ना करने की बजाय इसको नीचे ही रहने दूँगा, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर लाना चाहते हैं तो वो मैं बता रहा हूँ आपको कैसे लाना है, ठीक है। तो आप इसको नीचे इस तरह से लाओगे तो ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। सो इसको मैं 259 करूँ अगर तो सही रहेगा, और उसी के साथ साथ आप लोग क्या कर सकते हैं इसको, अगर मैं अभी आप लोग को ये दिखाऊँ तो ये देखो हमारा जो H3 है वो ऐसे आ रहा है, ठीक है, उसने अपनी स्पेस ले ली है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसकी जो लेफ़्ट है उसको भी बढ़ा दूंगा थोड़ा, और आप उस हिसाब से इसको लेफ्ट में भी मूव करा सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको 2 करूँ 4 करूँ 5 करूँ 6 करूँ 7 करूँ, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। आप इस चीज़ को करने के थोड़े से और अच्छे तरीके भी हैं, जैसे फ्लैक्स बॉक्स वगैरह, और उन सब चीज़ों को भी आप छोड़ दो तो आप इस तरह से इसको सेंटर में ला सकते हो, लेकिन मैं भी जो है इसको कॉन्टैक्ट अस को यहाँ रखूँगा, और आप अपनी इमेज में भी लिख सकते हो कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। तो वो भी चीज़ जो है उस पर भी डिपेंड करता है ये कि आप क्या लिखते हो। मैंने यहाँ पर H2 लिखना है, कॉन्टैक्ट के C को मैं कैपिटल बनाऊँगा, और मैं यहाँ पर इसको टेक्स्ट सेंटर भी दे दूँगा क्लास, टेक्स्ट सेंटर मैंने दे दी, रिलोड किया, देखो सेंटर में आ गया कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। तो आप यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो उस इंसान को जिसकी भी वेबसाइट है, मेरे हिसाब से H1 ही देना चाहिए यार, क्योंकि H2 भी मुझे छोटा ही दिख रहा है, तो H1 भी आप दे सकते हो। अगर आपको H1 को भी बड़ा करना है ना तो फॉन्ट साइज यूज़ कर सकते हो। अब चलते हैं इस वेबसाइट पर बूटस्ट्रैप वाली, इसको बंद करते हैं नीचे से getbootstrap.com पर, और मैं यहाँ पर आना चाहूँगा फॉर्म्स में। मैं यहाँ पर आप लोगों से एक बात बोलना चाहता हूँ कि जब मैं ये सब चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ ना, तो आप लोग ये मत सोचना कि मतलब मैं कॉपी पेस्ट करके क्या क्या कर रहा हूँ, बस आप लोग ये सोचना कि ये जो चीज़ है ये तब यूज़ की जाती है बूटस्ट्रैप जब आपके पास टाइम ना हो। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको जब टाइम है तो यूज़ नहीं करनी है, तब भी यूज़ करो, बट पॉइंट इज़ कि बूटस्ट्रैप
होती है HTML, CSS और JavaScript। अगर आप नहीं लिखना चाहते हो बहुत सारी, तो कॉपी पेस्ट करो, बिल्कुल कॉपी पेस्ट करो, उसी के लिए बनी है। बिल्कुल भी थोड़ी सी शर्म नहीं होनी चाहिए आपके अंदर जब आप इसको कॉपी पेस्ट कर रहे हो, ये मैं बोल रहा हूँ। तो आप इस चीज़ को लिख सकते हो, इस बात को। और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर फॉर्म डालेंगे। फॉर्म मैंने डाल दिया है कॉपी करके, और ये देखो बिना किसी ज़्यादा मेहनत के फॉर्म कितना अच्छा दिख रहा है। देख रहे हो आप कितना अच्छा दिख रहा है ये फॉर्म। अब मैं चाहता हूँ कि ये फॉर्म बीच में आ जाए, यानी कि सेंटर हो जाए। तो उसके लिए एक ऑप्शन मेरे पास क्या है कि मैं ये वाला जो डिव टैग है मेरा कंटेनर फ्लूइड वाला, ये मैं चाहूँगा कि बंद हो जाए यहाँ पर। कहाँ पर बंद हो जाए? ये इमेज के बाद ही बंद हो जाए, ठीक है। और मैं यहाँ पर डिव डॉट कंटेनर इस तरह से बनाऊँगा। सेव किया इसको मैंने और कंटेनर फ्लूइड बंद हो गया, कंटेनर यहाँ से चालू हो गया। रिलोड किया मैंने, देखो अभी सेंटर पे आ गई सब चीज़, ठीक है। अब एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, उप्स मैंने खोल दिया गलती से, एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा, और वो ये है कि यहाँ पर आप जेंगो HTML को HTML अगर करोगे तब आपके पास एक ऑप्शन और आएगा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट का, तो आप फॉर्मेट कर सकते हो इसको इस तरह से। उससे क्या होगा कि इंडेंट वगैरह आपके बहुत आराम से सेट हो जाएंगे। और वापस अगर आप जेंगो का जो सिंटैक्स है वो लेना चाहते हो, तो जेंगो HTML, सॉरी TXT नहीं, जेंगो HTML, इसको आप स्विच कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपको ये मिल जाएंगे ऑप्शंस बहुत सारे ये करने के, कोई भी जेंगो का सिंटेक्स पुल करने के, ठीक है। तो ये जो ऑप्शंस है सेलेक्ट वाले, ये मुझे नहीं चाहिए, तो मैं ये वाला डिव हटा दूंगा। मुझे नेम चाहिए इंसान का, मैं नाम जानना चाहता हूँ जो मुझे कॉन्टैक्ट कर रहा है उसका। सबसे पहले तो कंट्रोल डी करूँगा, फॉर इज इक्वल टू नेम लिखूंगा, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट लिखूंगा, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, टेक्स्ट कैप्चर करने के काम आता है। आईडी में भी नेम डाल दूंगा, नेम में भी नेम डाल दूंगा, ठीक है। तो नेम जो एट्रीब्यूट होता है इनपुट में, वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसी से आइडेंटिफाई करोगे आप लोग कि ये जो डेटा है इसके अंदर का वो क्या है, जब आप फॉर्म पोस्ट करोगे तो, ठीक है। तो दिखाता हूँ अभी आप लोगों को थोड़ी देर में। इसको नेम करूँगा और इसको प्लेस होल्डर को हटा देता हूँ मैं यहाँ से, या प्लेस होल्डर को भी रख देता हूँ एंटर योर नेम। फिर यहाँ पर मैं प्लेस होल्डर में जाऊँगा एंटर योर ईमेल। फिर उसके बाद फ़ोन नंबर, आपका फ़ोन नंबर क्या है वो मुझे दे दो, ये मैं चाहूँगा। तो यहाँ पर मैं टेल मी व्हाट यू वांट टू कॉन्टैक्ट मी फॉर, ठीक है। और यहाँ पर DESC कहते हैं इसको, कुछ भी कह सकते हैं। आईडी और नेम भी मैं वही देना चाहता हूँ इसको। तो हमने क्या क्या लिया, नेम लिया, ईमेल आईडी ली, फ़ोन नंबर भी ले लेते हैं। कॉपी पेस्ट सेव सब कुछ करके रिलोड करते हैं अपने फॉर्म को। देखो ये अनस्प्लैश से थोड़ा टाइम लग रहा है आने में इमेज को, लेकिन यहाँ पर कॉन्टैक्ट है यार, इस पर के ऊपर से भी मुझे थोड़ी सी वो देनी चाहिए थी, मार्जिन या पैडिंग। तो एक काम करता हूँ, जो कंटेनर है ना इसको दे देता हूँ मैं एम बॉटम, मार्जिन बॉटम 3 की, तो ना दूरी अपने आप बन जाएगी ऊपर से, क्योंकि मैंने इस इमेज को कह दिया है कि भाई दूरी बनाकर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग करें ऊपर से। तो ये पता नहीं इसने मानी क्यों नहीं मेरी बात। कंटेनर फ्लूइड में डालनी थी यार, कंटेनर में नहीं डालनी थी, सॉरी। तो कंटेनर फ्लूइड में डालनी है, गलत जगह डाल दिया मैंने, पेस्ट, गुड, नाउ दैट शुड वर्क, ओ यस इट वर्क्स, ठीक है। तो यहाँ पर स्पेस आ गई, और यहाँ पर ये करने के बाद आपको क्या करना है, नेम डालना है, ईमेल डालना है, और यहाँ पर ईमेल एड्रेस डालना है, फ़ोन नंबर डालना है, और फिर इसके बाद कॉन्टैक्ट एड्रेस डालना है, और फिर एक सबमिट बटन भी बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर MB3 मैंने डाल दिया है, यहाँ पर MB3 यहाँ भी डाल दिया है, बढ़िया। और उसी के साथ साथ क्या करेंगे हम लोग, एक बटन डालेंगे, बटन सबमिट, टाइप इज इक्वल टू सबमिट, और यहाँ पर सबमिट, ठीक है। और इसकी क्लास भी बताता हूँ क्या होगी, BTN प्राइमरी, प्राइमरी में ब्लू कलर देता है बूटस्ट्रैप बाय डिफॉल्ट। तो ये सारी जो क्लासेस हैं आप लोग यहाँ बटन्स में जाके देख सकते हो अगर बिगिनर हो तो, यहाँ पर ये सब बताया हुआ है कौन से क्लास लगा के कौन सा बटन आएगा, और बहुत फैंसी फैंसी बटन्स दिए हुए हैं यहाँ पर, प्राइमरी वाला यूज़ किया है मैंने, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सब चीज़ें रटी हुई होनी चाहिए। और ये यहाँ पर मैंने सबमिट यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। तो सबमिट आप कर सकते हो इस फॉर्म को। और उसी के साथ साथ अगर आप चाहते हो कि ये जो कंटेनर है इसमें पैडिंग आ जाए थोड़ी सी, तो इसको पैडिंग भी दे सकते हो, ठीक है। तो पैडिंग
PY4 कर दूँ अगर मैं, तो पैडिंग आ जाएगी ऊपर नीचे से, तो वो चीज़ भी आप लोग जो है देख लेना। तो यहाँ पर देखो थोड़ी सी पैडिंग भी आ गई है इसमें। सो अभी जो है मुझे बिल्कुल सही सही लग रहा है। अब आप लोग चाह सकते हो कि ये बटन सेंटर में आ जाए या कुछ उस तरह की चीज़, तो वो भी आप लोग जो है कर लेना HTML CSS लगाकर। हमारा यहाँ पर कंसर्न अब क्या होने वाला है कि जो सारा का सारा फॉर्म का डेटा है ये मुझे अपने डेटाबेस में स्टोर कराना है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा फ़ोन नंबर, इसको फ़ोन नंबर लिख देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर भी एंटर या फ़ोन नंबर ID फ़ोन प्लेस होल्डर एंटर या फ़ोन नंबर नेम, इसका क्या नेम भी फ़ोन होना चाहिए, इसका नेम बहुत ज़रूरी है, मैंने बोला था पहले आपको, क्योंकि यही वो एट्रीब्यूट है जिससे आपका जो जेंगो है वो पहचानेगा व्यूज़ में कि क्या फील्ड आ रही है। यहाँ पर भी मैंने देखो नेम नहीं डाला, तो मुझे नेम इज इक्वल टू ईमेल डालना है यहाँ पर। फ़ोन में डाल दिया नेम, DESC में नेम डाल दिया, नेम में नेम डाल दिया, बढ़िया ठीक है, सब कुछ सही है। अभी अब क्या करेंगे हम लोग, देखो सबसे पहले तो यहाँ पर लगाओ मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। अब दो तरीके हैं यहाँ पर फॉर्म को पोस्ट करने के यार, एक तो गेट से कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो पोस्ट से भी सबमिट कर सकते हो फॉर्म को। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, गेट से इसको कर दिया है, सॉरी पोस्ट से कर दिया, मेथड इज इक्वल टू पोस्ट मैंने कर दिया है, ठीक है। सो ये कर दिया, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि सिंपली इसको हैंडल करेंगे अपने व्यूज से, ठीक है। तो उसका होता है एक्शन इज इक्वल टू, एक्शन इज इक्वल टू मतलब किस तरह से कौन हैंडल करेगा इसको। तो मैं कहूँगा यार एक काम करो, होम के URLs में एक सबमिट कॉन्टैक्ट बना लो, या फिर एक काम करते हैं कॉन्टैक्ट में ही इसको सबमिट कराते हैं। और वो कैसे करते हैं मैं बताता हूँ, यानी कि इसी पेज में सबमिट कराऊंगा मैं इसको, देखना कैसे कराऊंगा, ठीक है। फॉर्म मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, एक्शन इज इक्वल टू ये, और ये करने के बाद ज़रा एक बार रिलोड कर लेते हैं इसको। मैंने सेव किया क्या इसको, ऑब्वियसली यस मैंने किया सेव इसको। अब यहाँ पर अगर मैं नेम डालूँ, ईमेल एड्रेस डालूँ, अपना नंबर डालूँ, दिस इज ऑल अबाउट मी डालूँ, सबमिट करूँ, तो यहाँ पर ये कह रहा है CSRF वेरीफिकेशन फील्ड रिक्वेस्ट अबाउट इट। अब ये क्या चीज़ है इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। देखो क्या होता है ना कि जब आप फॉर्म सबमिट करते हो तो हो सकता है कि कोई जो हैकर है वो क्या करे कि आपकी वेबसाइट के फॉर्म को सबमिट करने लग जाए, कहाँ से, अपनी वेबसाइट से। तो इसीलिए इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि जो वेबसाइट से फॉर्म सबमिट हो रहे हैं वो यही आपकी वेबसाइट है, क्योंकि आप नहीं चाहोगे कि ये फॉर्म किसी एक्सटर्नल सोर्स से सबमिट हो, आप नहीं चाहोगे कि इस एंड पॉइंट पर कोई भी कुछ भी मतलब डेटा भेजता रहे, आप चाहोगे कि जो जितनी बार आपकी वेबसाइट विजिट हो रही है उतनी बार आप लोग जो है इसको सबमिट करो। तो हर बार आप एक यूनिक टोकन जनरेट करते हो CSRF का, और वो टोकन जो होता है वो टोकन सबमिट होता है, और उससे ये पता चलता है कि यही वेबसाइट से आई है ये रिक्वेस्ट। तो आप लोग को अभी इसके बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, सिंपली अगर ये एक्सटेंशन इंस्टॉल्ड है और जेंगो HTML लिखा हुआ है यहाँ पर, तो CSRF टोकन आपको इस तरह से लगा देना है। अगर आपका ये नहीं आ रहा है फॉर सम रीज़न, आपने जो जेंगो HTML है ये नहीं आपकी एक्सटेंशन हो पा रही है इंस्टॉल, वैसे तो हो जाएगी बट इन केस, तो आप इसको मैनुअली टाइप कर लेना इस तरह से, ठीक है। चलो हैविंग सेड दैट, अब मैं इसको रिलोड करूँगा और वापस से इसमें नेम डालूँगा, सबसे पहले ईमेल एड्रेस डालूँगा, फिर उसके बाद यहाँ पर नंबर डालूँगा और यहाँ पर लिख दूँगा दिस इज़ ऑल अबाउट मी। ये डेटाबेस में तो ऑब्वियसली नहीं जाएगा, तो वो तो सोचना भी मत आप लोग, लेकिन ये जो है पोस्ट हो गया, ठीक है। तो ये पोस्ट हो गया यहाँ पर, इसी एंड पॉइंट पर पोस्ट हो गया। अब क्या होगा जब मैं पोस्ट करूँगा, तो ये जाएगा यहाँ पर इस कॉन्टैक्ट में जाएगा पोस्ट रिक्वेस्ट लेकर, और यहाँ पर जाएगा और इसको कुछ होगा नहीं तो ये सिंपली इसको रिटर्न कर देगा, तो एरर भी थ्रो नहीं करेगा ये। तो मुझे यहाँ पर अपना लॉजिक लिखना पड़ेगा और मुझे बोलना पड़ेगा कि यार अगर पोस्ट रिक्वेस्ट आ रही है तो डेटाबेस में स्टोर कर दो। लेकिन डेटाबेस कहाँ पर है और डेटाबेस कैसे बनता है जेंगो में, तो चलो पहले वहीं से शुरुआत करते हैं और ये देखते हैं कि जेंगो में डेटाबेस कैसे बनता है, मॉडल क्या होता है, मॉडल को इंट्रोड्यूस करते हैं, एक मॉडल बनाते हैं कॉन्टैक्ट नाम का, उस मॉडल को इस व्यू में इंपोर्ट करते हैं, और जैसे ही कोई हमारी वेबसाइट पे पोस्ट रिक्वेस्ट मारेगा हम इस फॉर्म को सेव करके डालेंगे कहाँ पर, उस मॉडल में डालेंगे। मॉडल को रजिस्टर कैसे करते हैं, ऐप को कैसे रजिस्टर करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को अब बताने वाला हूँ। सो चलो अब लोग हम लोग models.py फाइल खोल के मॉडल्स बना लेते हैं। ऑलराइट गाइस, सो हमने यहाँ पर अभी जो है मॉडल्स बनाने की बात करी, तो चलो चलते हैं मॉडल्स बनाते हैं। लेकिन उससे भी पहले मॉडल्स क्या हैं, देखो जब हम मॉडल्स बनाएंगे तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, मॉडल्स बनाने के बाद माइग्रेशंस को रन करेंगे और उसके बाद माइग्रेट करेंगे। ये तीन बातों का क्या मतलब है समझ लेना बहुत ज़रूरी है। मुझे पता है कि मुझे इसको एक बार और बताना पड़ेगा सही से समझाने के लिए, तभी एक बिगिनर को सही से समझ में आएगा। तो मॉडल क्या है, सबसे पहले इस बारे में बात करता हूँ। मॉडल है वो चीज़ जो कि आपके डेटाबेस को डिफाइन करती है। तो आप लोग सिंपली लिखो क्लास, अगर आपको नहीं पता क्लास क्या होती है बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं बता रहा हूँ बिल्कुल टेंशन मत लो, क्लास लिखो। क्लास लिखने के बाद लिखो
कॉन्टैक्ट, यानी कि ये मेरा मेरी क्लास है कॉन्टैक्ट और मॉडल्स डॉट मॉडल, सिर्फ इतना लिखना है। अब आपको लिखना है यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। एक तो आप सीरियल नंबर डालो या ना डालो ये आपकी मर्जी होगी। अपने कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल में अगर मैं आऊँ या फिर अपने फॉर्म को अगर आपको दिखाऊँ यहाँ पर, तो ये देखो क्या है, नाम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन और डिस्क्रिप्शन, ये चार चीज़ें हैं। तो मैं ये चार चीज़ें यहाँ पर लिख दूंगा, एक तो नेम लिखूंगा और एक लिखूंगा ईमेल, एक लिखूंगा फ़ोन और एक लिखूंगा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये चार चीज़ें मैं लिखूंगा। नेम को मैं बनाऊंगा मॉडल्स डॉट कैर फील्ड और यहाँ पर मैं लिखूंगा मैक्स लेंथ इज इक्वल टू 122 कर देता हूँ, ठीक है। ईमेल को भी मैं कैर फील्ड्स बनाता हूँ, मॉडल्स डॉट कैर फील्ड और मैक्स लेंथ क्या कर देता हूँ 122 कर देता हूँ, ठीक है। सिमिलरली मैं फ़ोन को क्या बनाऊंगा, मॉडल्स डॉट कैर फील्ड मैक्स लेंथ कर देता हूँ क्या 12 कर देता हूँ। मेरे पास ईमेल फील्ड भी होती है जेंगो में, सब कुछ होता है, लेकिन मैं यहाँ पर क्या करूँगा इसको सिंप्लीफाइड रखूँगा, एकदम ज़्यादा बिल्कुल भी वो नहीं बनाऊँगा और इसको कर दूंगा टेक्स्ट फील्ड। अब ये सारी चीज़ें क्या हैं, आप लोग कह रहे हो यार क्या कैर फील्ड, क्या टेक्स्ट फील्ड, मैं क्या करूँ, कैसे समझूँ? तो यहाँ पर ये गूगल करते हैं और यहाँ पर देखो मॉडल फील्ड रेफरेंस की एक पूरी इन्होंने किताब बना के रखी हुई है। इसमें ये लोग बता रहे हैं कि भाई कौन कौन सी फील्ड्स होती हैं, कैर फील्ड, और देखो फील्ड मॉडल फील्ड रेफरेंस है इसमें, देखो अलग अलग तरह की इन्होंने बताया हुआ है, टेक्स्ट चॉइसेस होती हैं, सिमिलरली इनके पास फॉरेन की होती है, और मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाता हूँ, डेट फील्ड होती है, कैर फील्ड होती है। देखो कैर फील्ड में मैक्स लेंथ आपको देनी पड़ती है कि भाई कितना, जो वायर कैर होता है ना हमारा डेटाबेस में, वो तो काइंड ऑफ कैर फील्ड से काम हो जाता है अगर आप सिंपल फॉर्म्स के साथ काम कर रहे हो, कैर फील्ड और टेक्स्ट फील्ड के साथ। आप इंटीजर फील्ड भी यूज़ कर सकते हो, तो वो सारी चीज़ आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, जेंगो के अंदर। तो मैंने यहाँ पर ये बना दिया और मैं एक चीज़ और यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या, डेट फील्ड, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, इसको डेट फील्ड लिखता हूँ, सॉरी डेट इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट डेट फील्ड और यहाँ पर एक डेट फील्ड ऐड हो जाएगी। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिखूँगा पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशंस। इस बात का क्या मतलब है जब मैं लिखता हूँ मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशंस, इस बारे में इसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखो मॉडल्स के अंदर कुछ भी आया वो क्या था, वो एक तरह से टेबल है मेरी डेटाबेस में। कॉन्टैक्ट क्या है, ये एक टेबल है मेरी डेटाबेस में। टेबल क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन स्टोर करती है, बिल्कुल एक एक्सेल शीट की तरह, और ये एक्सेल शीट के कॉलम्स हैं, यानी कि मेरी टेबल के कॉलम्स हैं। अगर आप टेबल समझते हो डेटाबेस में क्या होता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नहीं समझते हो तो इसको एक एक्सेल शीट की तरह लो, एक एक्सेल शीट बन रही है जिसमें क्या है, जिसका नाम है कॉन्टैक्ट और उसमें ये सारी एंट्रीज हैं, ये सारे कॉलम्स हैं, नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, डिस्क्रिप्शन और डेट। जब मैं कहता हूँ मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशंस, तो मैं अपने जेंगो को ये बताने की कोशिश करता हूँ कि देखो भाई जेंगो ऐसा है, मैंने कुछ चेंजेस किए हैं अपने मॉडल्स में, ज़रा उन चेंजेस की एक फ़ाइल बना लो। सिर्फ इतना बोला है मैंने, ये नहीं बोला कि यहाँ पर जाके डेटाबेस को चेंज कर दो, ना अभी नहीं, मैंने कहा उन चेंजेस की एक फ़ाइल बना लो, जनरेट कर लो। रन किया मैंने इसको, ये कह रहा है नो चेंजेस डिटेक्टेड। अब यार ऐसा तो हुआ नहीं, चेंजेस तो हुए हैं, आपने एक पूरी कॉन्टैक्ट फील्ड बनाई है, कॉन्टैक्ट क्लास बनाई है, तो चेंज तो हुए हैं, तो ऐसा क्यों हुआ कि ये कह रहा है नो चेंजेस डिटेक्टेड? चेंजेस को डिटेक्ट करने के लिए आपको दो काम करने पड़ेंगे, मैं आपको बताता हूँ क्या है वो। सबसे पहले तो आप क्या करो, अपने मॉडल को रजिस्टर करो। आप जाओ अपना एडमिन के अंदर, यहाँ पर आप लिखो फ्रॉम होम डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट, और आप ये जो कॉन्टैक्ट है इसको इम्पोर्ट कर लो। फिर उसके बाद आप यहाँ पर लिखो एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर और उसके बाद आप लोग लिख दो कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब आप लोग हो गया ये क्या था, समझ ही नहीं आया, समझने की ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ इतना कर देना है। होम हमारी ऐप है, उसके मॉडल्स में से हमने ये मॉडल, अगर मल्टीपल मॉडल्स होते तो और मॉडल्स करते, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक मॉडल है तो हमने ये किया, रजिस्टर कर दिया अपने मॉडल को। रजिस्टर करने से क्या होगा, मॉडल को रजिस्टर करने से वो आपके यहाँ पर दिखेंगे, कहाँ पर दिखेंगे, आपके जो एडमिन पैनल है उसमें दिखेंगे। लेकिन इसके अलावा एक काम और करना है, और वो काम ये है कि आपका जो ये ऐप्स है, इस ऐप का नाम कॉपी करो इसमें, इस फाइल में जो दिख रहा है, और सेटिंग्स में जाकर ध्यान से सुनना बात को, वीडियो पीछे करके देख लेना अगर नहीं समझ में आया तो, इसको इंस्टॉल्ड ऐप में डाल देने का, ठीक है। तो आपको लिखना है यहाँ पर होम डॉट ऐप्स डॉट होम कॉन्फिग, ऐसे करके डाल देना और एक कॉमा लगा देना, सेव कर देना, ठीक है। और यहाँ पर देखो मैं इसको रन करता हूँ, रन सर्वर थोड़ा एग्जिट कर गया किसी गलती की वजह से, तो रन सर्वर वापस रन किया, और अब मैं मेक माइग्रेशंस रन करूँगा, तो देखो देखो क्या हुआ, आप लोग खुद ही देख लो क्या हुआ।
इसने माइग्रेशन जनरेट कर दिया, इसने कहा कि मैंने एक माइग्रेशन फाइल जनरेट की है, सिर्फ जनरेट की है माइग्रेशन फाइल। इस पॉइंट पर सबसे ज़्यादा लोग कन्फ्यूज होते हैं जो मैंने अभी किया, लेकिन मैं बस आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ कि इस बात को जान लो कि ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग वाला पॉइंट है और ये चीज़ शायद काफ़ी टाइम तक आपको याद ना रहे क्या करना होता है। तो सिंपली मेरी बात सुन के कर दो आप, दो काम करने हैं आपको, एक तो मॉडल रजिस्टर करना है, वो आपको कहाँ पर रजिस्टर करना है, मॉडल एडमिन डॉट पी वाई में, ऐप के एडमिन डॉट पी वाई में जो भी मॉडल बनाया वो रजिस्टर करना है इस तरह से। दूसरी चीज़ आपको ऐप रजिस्टर करनी है, ऐप कैसे रजिस्टर करनी है, ऐप्स में से इसका नाम कॉपी करके होम मेरी ऐप का नाम, डॉट ऐप्स इस फाइल का नाम, डॉट होम कॉन्फिग इस क्लास का नाम, वो कहाँ पर लिखना है आपको, यहाँ पर लिख देना है इस तरह से, और ये स्ट्रिंग के तौर पे लिखना है, बिना स्ट्रिंग के लिखोगे तो एरर मिलेगा आपको, याद रखना। तो ये दो काम कर दो, ऐप रजिस्टर कर लो, मॉडल रजिस्टर कर लो, माइग्रेशंस रन कर लो। अब ये ऐप और मॉडल तो हमारा रजिस्टर हो गया, मैं इसको बंद कर देता हूँ। ऐप और मॉडल को रजिस्टर करने में ना लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, कहते हैं यार ये क्या करवा रहे हो, क्यों कर रहे हैं हम। मैं कहूँगा ये सारे सवाल ना पूछें और आराम से रजिस्टर कर लें मॉडल को और ऐप को, दोनों को। ये करने के बाद माइग्रेशंस की बात करते हैं। माइग्रेशंस का मतलब है कि वो फाइल जनरेट करना जो कि इस चेंज को स्टोर करती है। अभी मैंने ये चेंज किया नहीं है, यानी कि मैंने डेटाबेस में टेबल बनाई नहीं है, टेबल कब बनेगी, जब मैं माइग्रेट करूँगा। तो मैं यहाँ पर माइग्रेट कमांड रन करूँगा, उप्स मैंने गलती से स्पेलिंग गलत लिख दी माइग्रेट की, और अब देखो यहाँ पर इसने रन किया है माइग्रेशन और ये टेबल बन गई है। तो चलो ज़रा देखते हैं जाकर अपने जेंगो के एडमिन में कि हुआ भी है ऐसा या नहीं हुआ। कॉन्टैक्ट टेबल बनी है बिल्कुल, यहाँ पर मैं ऐड कर सकता हूँ कॉन्टैक्ट, लेकिन इस तरह से मैं ऐड नहीं करना चाहूँगा, मैं ऐड करना चाहूँगा यहाँ से। तो मुझे ऐड करने का लॉजिक लिखना पड़ेगा, तो वो व्यूज़ में मैं लिखूँगा इफ रिक्वेस्ट डॉट मैथड इक्वस टू पोस्ट। इस बात का क्या मतलब है कि अगर कोई फॉर्म पोस्ट किया गया है तब ये रन होगा, वरना ये रन नहीं होगा, वरना सीधे रेंडर हो जाएगी ये टेम्पलेट। मैं कहूँगा कि अगर कोई तुमको रिक्वेस्ट करता है पोस्ट मेथड की मदद से, तब तुम क्या करो, नेम को कर दो रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट नेम। डॉट गेट की डिक्शनरी है पूरी, मेरी रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट एक डिक्शनरी है और डॉट गेट मैंने उसमें मेथड लगाया है और उसमें से नेम उठाया है। उसी तरह ईमेल, उसी तरह फोन और डिस्क्रिप्शन, अब यहां पर एक मॉड्यूल मैं इंपोर्ट करूंगा फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट टाइम, ठीक है, और मैं यहां पर लिखूंगा बेसिकली मैं डेट टाइम डॉट टू डे को यूज़ करना चाहता हूँ, इस मेथड को यूज़ करना चाहता हूँ, और मैं डालना चाहता हूँ इसको कहाँ पर, अपनी डेट फील्ड में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अभी मैंने ये चारों के चारों वेरिएबल्स जो हैं अपने फॉर्म में से ले लिए। अब मैं लिखूँगा कॉन्टैक्ट इंस्टेंस इज इक्वल टू, और मैं क्या करूँगा यहाँ पर कॉन्टैक्ट को इम्पोर्ट करूँगा फ्रॉम होम डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये कॉन्टैक्ट इंपोर्ट किया मैंने, अब मैं इस कॉन्टैक्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, मैं कहूंगा इस कॉन्टैक्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाओ जहां नेम इज इक्वल टू नेम, ईमेल इज इक्वल टू ईमेल, और फोन इज इक्वल टू फोन, ठीक है, और डीईएससी इज इक्वल टू डीईएससी, और उसी के साथ साथ डेट इज इक्वल टू डेट टाइम डॉट टूडे, ठीक है, इस तरह से। और मैं लिख दूंगा कॉन्टैक्ट डॉट सेव, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये चारों के चारों जो है सेव हो जाएंगे। अब ये मैंने सही लिखा है या नहीं, कह रहा है नो मॉडल नेम डेट टी एम ई, अच्छा डेट टाइम मुझे इंपोर्ट करना है, लगता है मैंने गड़बड़ कर दी, डेट टाइम, हाँ अब सही है। अब देखो यहाँ पर डेट टाइम डॉट टुडे भी मुझे दिखाएगा शायद, अगर मैं कुछ इस तरह से लिखूँ, हाँ ये देखो दिखा रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने इसको जो है लिख दिया है, थोड़ा जल्दी लिखा है तो मैं समझाऊंगा वापस से आप लोगों को, एक बार ये चल जाए, इसको रिलोड करता हूँ, रिलोड हो रहा है। और यहाँ पर अभी हम कुछ कुछ नेम भर देते हैं, सबमिट किया और यहाँ पर क्या हुआ देखता हूँ, कोई एरर तो नहीं आया, लगता है मेरा जो एंट्री है वो चली गई है मेरे डेटाबेस के अंदर। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एडमिन में जाऊँगा और देखूँगा कि क्या ये एंट्री गई है डेटाबेस में या नहीं, हाँ गई है, देखो कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट वन, ये देखो ये एंट्री जा चुकी है डेटाबेस में। सो आई होप कि ये क्लियर हो गया आप लोगों को कि किस तरह से ये एंट्री आप लोग जो है सेव कर सकते हैं डेटाबेस में। सो ये डेटाबेस में स्टोर हो चुकी है एंट्री हमारी। अब ज़रा बात कर लेते हैं इस चीज़ की कि ये हुआ क्या यहाँ पर,
एक बार थोड़ा सा स्टेप बैक लेके इसको समझते हैं कि क्या हुआ। देखो मैंने सबसे पहले आपको मॉडल और ऐप रजिस्टर करवाया, वो तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्यों रजिस्टर करवाया ऐप और मॉडल। उनको रजिस्टर करवाने का जो रीज़न था वो ये था कि आपके जेंगो को पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऐप्स एक्टिव हैं और कौन कौन से मॉडल्स को शो करना है एडमिन पैनल में, ठीक है। तो हमने मॉडल्स को यहाँ पर रजिस्टर किया अपने admin.py में, और हमने फिर क्या किया apps.py में से ये नाम लेके यहाँ पर सेटिंग्स में डाला। तो ये दो काम तो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, जो कि मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ उससे। तो इसको आप छोड़ दो, अभी रजिस्टर हो चुका है, अभी एज्यूम करते हैं कि हमने शुरू में ही रजिस्टर कर लिया अपने मॉडल्स और ऐप्स को। अब ये मेक माइग्रेशन वाली बात पे आते हैं, ये क्या हुआ। मेक माइग्रेशन का क्या मतलब है? मेक माइग्रेशन का मतलब है कि जितनी भी चेंजेस की इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो भी आपने मॉडल्स में चेंजेस किए हैं, हो सकता है मैं इसको डेट टाइम फील्ड कर दूँ, डेट टाइम फील्ड करूँगा तो मैं एक चेंज कर रहा हूँ। जितने भी चेंजेस हमने किए हैं हम क्या कर रहे हैं, उन चेंजेस को सेव कर रहे हैं और उसके बाद माइग्रेट करके हम उन चेंजेस को अप्लाई कर रहे हैं। मेक माइग्रेशंस का मतलब क्या है? मेक माइग्रेशंस का मतलब मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, मेक माइग्रेशंस का मतलब है क्रिएट चेंजेस, ठीक है, एंड स्टोर इन अ फाइल। ये देखो ये वाली फाइल में स्टोर किया, जब मैंने मेक माइग्रेशंस किया तो इसने कहा कि मैंने यहाँ पर माइग्रेशंस फोल्डर में इस फाइल में ये चेंज की इन्फॉर्मेशन स्टोर कर दी। माइग्रेट का मतलब क्या है? माइग्रेट का मतलब है कि वो जो चेंजेस हैं, अप्लाई द चेंजेस, अप्लाई द पेंडिंग चेंजेस इन द, मैं यहां पर लिखता हूं क्रिएटेड बाय मेक माइग्रेशन। तो बेसिकली किया क्या गया है यहां पर, हमने, मैं जो क्रिएट डॉट क्रिएट योर मॉडल्स है इसको थोड़ा नीचे ले आता हूं। हमने क्या किया, मेक माइग्रेशंस किया। सबसे पहले मेक माइग्रेशंस का मतलब है कि माइग्रेशंस को बना लो, माइग्रेट का मतलब है उन माइग्रेशंस को अप्लाई कर दो। अप्लाई कर दो का मतलब डेटाबेस में राइट कर दो, जाके इस db.sqlite डेटाबेस में या जो भी डेटाबेस यूज़ हो रहा है उसमें चेंजेस को अप्लाई कर दो, ठीक है। सो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को और आप लोग जो है इसको समझ गए होंगे। और हमने जो है अपनी ऐप जो है बहुत अच्छी तरह से बना ली है। ये देखो अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊँ तो हमारी जो ऐप है वो बहुत अच्छी तरह से बन चुकी है। अभी यहाँ पर अगर मैं हैरी डालूँ, email@gmail.com डालूँ, कुछ नंबर डाल दूँ और डालूँ कि दिस इज़ द बेस्ट कॉन्टैक्ट ऐप आई हैव सीन सो फार, सबमिट करूँ तो ये देखो ये सबमिट हो गई। और उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि रिलोड करूँगा तो एक और आ गया कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट। ये देखो ये मैंने अभी अभी इसको सबमिट किया है। अब यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट 1 2 मुझे अच्छा नहीं दिख रहा है, तो इसको कैसे चेंज करना है? मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर उस इंसान का नाम लिख कर है जिसने कॉन्टैक्ट किया है। तो ये करने के लिए आपको क्या करना है कि इसमें एक फंक्शन को आपको बस डिफाइन करना है। तो देखो ये str को मैंने यहाँ पर डिफाइन किया और मैं इसको रिटर्न करवा रहा हूँ self.name, दैट्स इट। सिर्फ इतना करना है आपको, कोई माइग्रेशन नहीं, कोई माइग्रेट नहीं। देखो यहाँ पर नेम आ गया लिखकर, आप नेम प्लस ईमेल भी कर सकते हो, यहाँ पर self.name+self.email कर दो। तो जैसे भी आप देखना चाहते हो यहाँ पर इन एंट्रीज़ को, आपको यहाँ पर चेंज कर देना है बस मॉडल्स वाली फाइल में ये str फंक्शन को। तो str फंक्शन को अगर आप चेंज करोगे तो आपको वैसा दिखेगा वो, जैसा आप चाहते हो उसको देखना, ठीक है। सो ये थी वो टेक्निक जिससे आप लोग चेंज कर सकते हो अपने मॉडल, जो आपके मॉडल के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके हेडर्स को, टाइटल्स को, ठीक है। सो ये था हमारा माइग्रेशन, माइग्रेट और किस तरह से डेटाबेस में स्टोर करना है इन्फॉर्मेशन को। लेकिन एक मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम दिख रही है अभी। क्या प्रॉब्लम यार? ये है कि जब भी मैं सबमिट कर रहा हूँ ना फॉर्म को, तो पता नहीं चल रहा है यार कि कुछ लिख कर आना चाहिए ना कि योर फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड या फिर फॉर्म हैज़ नॉट बीन सबमिटेड, कुछ ऐसे। तो मैं चाहूँगा कि मैं यहाँ पर दिखाऊँ क्या, मैं यहाँ पर कुछ अलर्ट्स दिखाऊँ जैसे ही मेरा फॉर्म सबमिट हो रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि यहाँ पर मैं Django messages framework लिखूँगा। और ये messages framework क्या है आपको बताता हूँ। देखो messages framework क्या होता है कि आप लोग जो है मैसेज को, यहाँ पर ये कॉपी करो आप लोग जो लिखा हुआ है, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। और आपकी जो settings.py है, ये मैं क्या बता रहा हूँ ये आपको बता देता हूँ पहले, हम क्या अचीव करने के लिए कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं अपने फॉर्म को सबमिट करूँ तो एक मैसेज फ्लैश हो और उसमें लिख कर आना चाहिए कुछ इस तरह से कि योर फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड काइंड ऑफ, ठीक है। तो मैसेजेस मैंने यहाँ पर ये कर दिया इंपोर्ट सेटिंग्स में, और इसकी मैसेज की जो डिक्शनरी है वो हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, दिखाता हूँ आप लोगों को। तो ये जो टैग्स हैं ये चेंज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें 1 2 3 4 5 टैग्स ऑटोमेटिकली होते हैं, डीबग, इन्फो, सक्सेस, वार्निंग और एरर, ठीक है।
सो आप लोग क्या कर सकते हो कि अपने व्यूज़ में इसको इंपोर्ट कर सकते हो इस तरह से। सेटिंग्स में क्यों इंपोर्ट किया मैंने अभी बताऊंगा, अभी सेटिंग्स में इंपोर्ट किया वो रिडंडेंट है, मैंने यूज़ नहीं किया उस इंपोर्ट को, मैं व्यूज़ में आके इसको इंपोर्ट करूँगा। ठीक है, इंपोर्ट किया मैंने। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस मैसेज को मैं यहाँ पर आप लोग को दिखाता हूँ कि इस तरह से मैसेज को ऐड किया जा सकता है। आप लोग यहाँ पर मैसेज का डायरेक्ट ये भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर ऐड मैसेज है, मैसेज डॉट एरर, मैसेज डॉट सक्सेस, ऐसे डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैसेज डॉट सक्सेस मैं यूज़ करना चाहूँगा, और मैसेज डॉट सक्सेस जो है यहाँ पर दिखाता हूँ आप लोगों को, मैसेजेस डॉट सक्सेस, हाँ ये रहा। तो मैं कहूँगा कि जैसे ही ये सेव हो जाए तो ये फ्लैश कर दो, और यहाँ पर लिख दो कि योर मैसेज हैज़ बीन सेंट। लेकिन इसका होगा क्या, इसमें इसका क्या होगा, इस मैसेज का आपको अपनी बेसिक वाली टेम्पलेट में, यानी कि बेस वाली टेम्पलेट में आइटरेट करना होगा, और वो मैसेज को यहाँ पर डिस्प्ले कराना होगा नैव बार के बाद। तो पहले तो मैं क्या करता हूँ कि ये अलर्ट्स को जो है डिस्प्ले कराता हूँ। तो मेरी जो अलर्ट्स हैं वो यहाँ पर हैं, मैं क्या करूँगा कि डिसमिसेबल अलर्ट को यूज़ करूँगा, बूटस्ट्रैप में ये डिसमिसेबल अलर्ट होती है, इस तरह से डिसमिस हो जाती है वो। तो इसको कॉपी करूँगा और इसको पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, सेव किया मैंने इसको, और ज़रा देखता हूँ ये कैसा दिखाई दे रहा है, रिलोड करता हूँ इसको, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखो इस तरह से अगर मुझे दिखाई दे तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन इसके नीचे ये क्या आ रहा है, इसको मुझे ठीक करना पड़ेगा यार। मैं चाहूँगा कि मेरा क्या किसकी मार्जिन या पैडिंग है ये मैं देखना चाहता हूँ बेसिकली। इसमें तो कोई मार्जिन या पैडिंग नहीं है, PMPX0MB3 ठीक है, इसमें है। तो मैं एक काम करूँगा, इसमें इसकी MY0 कर दूँगा, PY0 कर दूँगा, शायद ये जो स्पेस है इससे चली जाएगी। मुझे PY0 नहीं करनी चाहिए थी, MY0 करनी चाहिए थी, इसकी पैडिंग थोड़ी सी इसमें रहेगी तो ये अच्छा दिखेगा, वरना ये अच्छा नहीं दिखेगा। रिलोड किया, हाँ देखो अब हो गया, मैं ऐसे ही चाहता हूँ इसको, फिर कोई डिसमिस करे तो ऐसे हो जाए, बढ़िया। मैसेज फ्रेमवर्क में अगर जाओ तो ये देखो किस तरह से दिखा रहे हैं आपको, एक फॉर लूप दिखा रहे हैं, कह रहे हैं भाई देखो ऐसा है, अगर मैसेज हो तभी शो करना, और एक फॉर लूप से इटरेट करना ताकि जितने भी मैसेज हों वो शो हो पाएँ। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं डिलीट कर दूँगा अभी। तो मुझे इफ़ चाहिए, इफ़ मैसेजेस चाहिए इसमें से, अगर मैसेज होंगे तभी दिखाऊँगा, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। और एंड इफ़ भी चाहिए मुझे, एंड इफ़ क्या करता है, इफ़ और एंड इफ़ जो है जेंगो का, ये जेंगो की टेम्पलेटिंग इंजन है, ये जेंगो की टेम्पलेटिंग लैंग्वेज है जो हम यूज़ कर रहे हैं, इफ़ मैसेजेस एंड इफ़। क्या मुझे फॉर लूप चाहिए, हाँ बिल्कुल मुझे फॉर लूप चाहिए, इसको यहाँ से लेता हूँ मैं, और मैं जैसे जैसे आते रहेंगे मेरे मैसेजेस वैसे वैसे मैं क्या करूँगा, ये दिखाता रहूँगा डिव्स। क्या मुझे मैसेज डॉट टैग चाहिए, हाँ चाहिए। क्या मुझे मैसेज चाहिए, हाँ बिल्कुल यार मैसेज तो चाहिए, वो यहाँ पर आएगा मेरा मैसेज, इसको कट करके यहाँ पर लेकर आता हूँ। और मेरा जो मैसेज का टैग है, मैसेज डॉट टैग्स, ओके वो यहाँ पर आना चाहिए वार्निंग की जगह पर, ठीक है, हाँ कुछ इस तरह से। तो ये ऐसे आएगा, और उसके बाद आई थिंक दैट शुड बी फाइन, और ये जो है मैं रिमूव कर देता हूँ। तो अगर मैं मैसेज डॉट सक्सेस को डिस्प्ले कराऊंगा तो मुझे दिखना चाहिए। तो मैं काम करता हूँ इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए, होम पेज पर मैं एक काम करता हूँ, एक मैसेज फ्लैश करता हूँ, मैसेजेस डॉट सक्सेस रिक्वेस्ट दिस इज़ अ टेस्ट मैसेज, ठीक है कोई बात नहीं, गलत लिख दिया मैंने, ओके नो प्रॉब्लम्स, क्योंकि वैसे भी मुझे वो हटाना ही है, हाँ यही चाहता था मैं, दिस इज़ अ टेस्ट मैसेज, बढ़िया। इस तरह से अगर आएगा योर मैसेज हैज़ बीन सेंड तो मज़ा आ जाएगा यार, ठीक है, येस दिस इज़ व्हाट आई वॉन्टेड। और यहाँ पर ये मैसेजेस डॉट सक्सेस योर मैसेज हैज़ बीन सेंड, दैट्स गुड, येस दैट्स गुड। कॉन्टैक्टर्स, इसमें सारे के सारे मैं ये जो ईमेल वगैरह ये भरता हूँ, कुछ लिखता हूँ यहाँ पे, दिस इज़ द बेस्ट वेबसाइट हरी भाई, सबमिट, ये देखो मैसेज इज़ बीन सेंड, बहुत ही बढ़िया, मज़ा आ गया। ठीक है, एक काम करता हूँ यहाँ पर, इसको इस तरह से फ्लैश करूँगा, यार कहाँ गया मेरा, मेरी फ्लैशिंग कहाँ पर हो रही थी, बेस में हो रही थी, हाँ। तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर कुछ मैं लिख सकता हूँ, सक्सेस योर मैसेज हैज़ बीन सेंट, या काइंड ऑफ कुछ ऐसा। और यहाँ पर मैं एक काम और कर सकता हूँ कि इसको स्ट्रॉन्ग में डाल सकता हूँ, हाँ ये अभी थोड़ा अच्छा दिख रहा है, देखो ये डालने के बाद, इसको बंद करता हूँ यहाँ से, इसको डिसमिस करता हूँ,
और यहाँ पर एक चीज़ और करूँगा मैं, कोई भी मैसेज मैं फ्लैश कर रहा हूँ तो मैं उसके बाद एक एक्सक्लेमेशन मार्क देना चाहूँगा, या फिर एक काम करता हूँ, ये एक्सक्लेमेशन मार्क मैं यहाँ भी दे सकता हूँ। अभी देखता हूँ कॉन्टैक्ट करके वापस से। ये लिखा मैंने, सबमिट किया, ये देखो योर मैसेज हैज़ बीन सेंड, क्लिक करा गया। सो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी और ये ऐप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अब मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस ऐप को आगे लेकर जाओ, और उसके लिए आप लोग क्या करोगे, मैं ये कोड कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस वेबसाइट का, और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने गिटहब पे, मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, और हल्के में मत लेना प्लीज़, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, हल्के में मत लेना मेरी बात को। ये बहुत अच्छी वेबसाइट मैंने बना दी है ऐसा मुझे लगता है, मैं चाहता हूँ कि इस वेबसाइट को आप लोग लें एज अ बेस, और इसको आप लोग रिक्रिएट करें, एक इसको अच्छा अपनी क्रिएटिविटी से और अच्छा बनाएं और आगे लेकर जाएं, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। और आप लोग इसको जैसे ही करेंगे अपने गिटहब के लिंक को पोस्ट करें डिस्क्रिप्शन में। क्या आप लोग ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं? मैं चाहता हूँ आप लोग नीचे लिखें चैलेंज एक्सेप्टेड, अगर आप लोग करते हैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट, मैं इस ऐप को यहीं पर ख़त्म करूँगा, और इसके बाद जेंगो में हम लोग एक और ऐप बनाएंगे। आई होप कि ये आप लोगों को पसंद आ गई ऐप, और आप लोग जो है इसको बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि मैंने यहाँ पर क्या कन्वे करने की कोशिश की है। जेंगो के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब मैंने बता दिए हैं। एक चीज़ जो मैंने यहाँ पर नहीं करी है अभी तक, एडिटिंग करके आपको नहीं दिखाई है, अगर मैं यहाँ पर मान लो नंबर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर इस तरह से सेव कर सकता हूँ, और हैरी का जो नंबर है अभी 9898 9898 वो हो गया, जो भी मैंने दिया था अभी, ये वाले का मैंने दिया था 9898 9898, ठीक है। तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स मैं चेंज कर सकता हूँ, और मैं नया कॉन्टैक्ट भी ऐड कर सकता हूँ, ठीक है, ईमेल डाल दो, नंबर डाल दो, दिस इज़ DESC डाल दो, यहाँ टुडे डाल दो, सेव कर दो, और यहाँ पर देखो न्यूली एडिड यहाँ पर आ गया एक, और इसको ओपन कर सकते हो आप, क्लिक करके एडिट कर सकते हो, काफ़ी कुछ कर सकते हो, ठीक है। सो मैं आशा करता हूँ कि अभी आपको ये सब क्लियर हो गया। तो सब लोग नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना चैलेंज एक्सेप्टेड, इस ऐप को आगे लेकर जाना, कोड मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में कहीं ना कहीं, ढूंढ लेना। आई होप कि आपको, आई होप कि मैं भूलूंगा नहीं कि कोड डालना, मैं वैसे भूलता नहीं हूँ, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख देना अगर मैं भूल जाऊँ तो, कमेंट सेक्शन में, सॉरी, मैं आपको दे दूंगा ये कोड, ओके। अब इससे पहले हम लोग मूव करें आगे, मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ, और वहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, अभी जस्ट अभी हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग क्वेरीज हम लोग यूज़ कर सकते हैं जेंगो के ORM की मदद से। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैंने आप लोगों को ये बात बोल के काफ़ी कन्फ्यूज़ कर दिया, तो मैं अभी करूँगा क्या कि जो मेरा टर्मिनल है उसको खोलता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखूँगा पाइथन मैनेज डॉट पी वाई शेल, जी हाँ पाइथन मैनेज डॉट पी वाई शेल। मैंने अभी तक सर्वर स्टार्ट नहीं किया, मैंने ऐप स्टार्ट नहीं किया, मैं सिर्फ यहाँ पर पाइथन मैनेज डॉट पी वाई शेल लिखूँगा। अब इससे क्या होता है, ये करने से क्या होता है, मैं सिर्फ पाइथन लिखता है या फिर मैंने पाइथन मैनेज डॉट पी वाई शेल लिखा, इनमें क्या डिफरेंस है, मैं आपको बताता हूँ क्या डिफरेंस है। देखो जब मैं पाइथन मैनेज डॉट पी वाई शेल लिखता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, जेंगो के जितने भी मेरे मॉडल्स हैं ये सब चीज़ें मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो अगर मैं अभी यहाँ पर लिखूँ फ्रॉम होम डॉट मॉडल मॉडल्स इम्पोर्ट कॉन्टैक्ट, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो मैं मेरा जो कॉन्टैक्ट है वो इम्पोर्ट हो जाएगा। यहाँ पर कई चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको नहीं बताई, मैंने आपको बताया कि एक ऑब्जेक्ट कैसे सेव किया जाता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सारे ऑब्जेक्ट्स कैसे व्यू किए जाते हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कॉन्टैक्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, और यहाँ पर आप देखो इसने क्वेरी सेट दिया 1 2 3 4 5 6, इसने मुझे 6 के 6 कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट्स दे दिए, और वो सारे कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट्स इसने मुझे दे दिए जो कि मेरे डेटाबेस में मौजूद थे, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, एक और अपनी टैब खोलता हूँ और उसमें मैं सर्वर चला लेता हूँ, मेरा सर्वर नहीं चल रहा है एक्चुअली, क्या हुआ था अभी लाइट चली गई थी थोड़ी देर पहले, और मेरा जो सर्वर है वो सब कुछ बंद हो गया, तो वापस से सब कुछ चलाना पड़ रहा है, कोई बात नहीं यार। तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स में देखो 1 2 3 4 5 6 कॉन्टैक्ट्स मेरे पास मौजूद हैं, ठीक है। अब मान लो कि मैं इन सारे के सारे कॉन्टैक्ट्स में से पहला कॉन्टैक्ट लेना चाहता हूँ, तो मैं लिखूँगा इस तरह से, मैं कहूँगा कि भाई मुझे ये कॉन्टैक्ट चाहिए, कॉन्टैक्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल का 0, तो मुझे फर्स्ट वाला कॉन्टैक्ट मिल जाएगा। अब मैं इसका डॉट नेम अगर लिख देता हूँ तो मुझे इसका नेम मिल जाएगा, अगर मैं यहाँ पर इसका डॉट जो भी चीज़ें हैं हमारे मॉडल के अंदर क्या क्या है, ईमेल है, डॉट ईमेल लिखता हूँ तो मुझे इसका ईमेल मिल जाएगा। मैंने लगता है गलत जगह लिख दिया ईमेल, हाँ यहाँ पर लिखना है मुझे, तो मुझे इसका ईमेल मिल जाएगा। उसी तरह मैं अगर यहाँ पर लिख देता हूँ इसका DESC, तो
तो जो DESC मैंने लिखा था वो मुझे मिल जाएगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को आप लोग यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं इसकी स्लाइसिंग करके 0, 1, 2, 3, 4 करके, और उसी के साथ साथ उसके सारे जो एट्रीब्यूट्स जैसे नेम, ईमेल, फ़ोन, उसके जो कॉलम्स हैं हमारे डेटाबेस के अंदर, उसको आप लोग जो है एक्सेस कर सकते हैं। सो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब कॉन्टैक्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल सारे के सारे कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट्स को ले आता है, लेकिन अगर मैं फिल्टर करना चाहता हूँ कुछ स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट्स को, तो वो मैं कैसे करूँगा? जैसे कि मान लो मैं वो सारे कॉन्टैक्ट्स लेना चाहता हूँ जिसके अंदर हमारा, लेट अस से हमारा जो नेम है वो नेम है, ठीक है। तो ऐसे कितने कॉन्टैक्ट हैं जिनका नेम नेम है? 1, 2, 3 कॉन्टैक्ट हैं जिनका नेम नेम है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कॉन्टैक्ट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर और लिख दूंगा नेम इज इक्वल टू नेम। ये नेम जो है, ये वाला नेम, ये नेम है, और ये जो मैंने स्ट्रिंग में दिया है ये वाली स्ट्रिंग है जो कि मैं मैच कराना चाहता हूँ यहाँ पर। ये यहाँ पर न्यूली एडेड है लेकिन ये तीन मेरे पास नेम है, 1, 2, 3। तो मुझे क्या होना चाहिए, अभी मैं एंटर मारूंगा तो तीन मुझे क्वेरी सेट मिलना चाहिए तीन ऑब्जेक्ट्स का। ये देखो मुझे तीन ऑब्जेक्ट्स का क्वेरी सेट मिला है जिसमें ये तीनों के तीनों कॉन्टैक्ट्स हैं। तो एक टाइम होगा आगे जाकर हमारे पास हज़ारों ऑब्जेक्ट्स होंगे, कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट्स, और उससे क्या होगा कि बहुत सारे कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट्स होने की वजह से हम लोगों के लिए सर्च करना जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, बेसिकली ये सर्चिंग हम कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है शेल की मदद से यहाँ पर चीज़ों को आसान बना सकते हैं अपने लिए, और आराम से कुछ भी हमें रन करना है तो हम यहाँ पर डायरेक्टली रन कर सकते हैं। वरना अगर मुझे रन करना होता तो मैं क्या करता, मुझे बार बार रिफ्रेश करना पड़ता, मुझे हिट करना पड़ता है एंड पॉइंट, बार बार मुझे सर्वर चलाना पड़ता, वो सारी चीज़ें मुझे करनी पड़ती। मैं नहीं चाहता कि मुझे उतनी टेंशन लेनी पड़े। तो इस तरह से जो है हम लोग क्वेरीज मार सकते हैं अपने जेंगो को, ठीक है। सो आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। तो ये था फिल्टर। अब आप फिल्टर को मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स भी दे सकते हैं। मान लो कि मैं चाहता हूँ ये वाला नेम, ये स्पेसिफिक नेम मैं चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई नेम ये होना चाहिए और फ़ोन ये होना चाहिए। मैं इससे फ़ोन को कॉपी करता हूँ और मैं कहूँगा यार फ़ोन इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ पर देखो सभी का शायद फ़ोन ये है, तो मैं देखता हूँ एक बार क्या सभी का फ़ोन नंबर ये है। दिस इज़ वेरी वियर्ड यार, तीनों के तीनों नेम का फ़ोन नंबर मैंने सेम ही बनाया है क्या? हाँ यार सेम ही बनाया, तभी पुल कर रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, चेंज करता हूँ दो का नंबर, इसको भी सेव करता हूँ, सेव करना मत भूलना। दोनों को सेव किया, अब मैं रन करूँगा इसको, तो ये देखो सिर्फ एक आ रहा है कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट जिसका फ़ोन नंबर ये था, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है अपने क्वेरी को, अपने सर्च को नैरो कर सकते हो, और सर्च करके आप सिर्फ वो ऑब्जेक्ट निकाल सकते हो डेटाबेस में से जो आपको चाहिए, ठीक है। अब कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेरीज भी होती हैं जो कि आप रन कर सकते हो, जैसे कि मैं अगर सर्च करूँ इंटरनेट पर मेकिंग क्वेरीज जेंगो, तो इनका मेकिंग क्वेरीज़ का एक पेज है, ठीक है, जिसमें इन्होंने बताया है कि किस तरह से आप लोग जो है अलग अलग तरह से सर्च कर सकते हो। तो इन्होंने ये बताया किस तरह ऐड करते हैं, फिर इन्होंने बताया कि किस तरह से एडिट करते हैं अगर आपको चेंज करना है। अब मान लो मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं लिखता हूँ 0। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको INS इज इक्वल टू कर देता हूँ, मतलब कि इंस्टेंस इज इक्वल टू, मैं कह रहा हूँ इंस्टेंस इज इक्वल टू ये। तो ये कौन सा वाला कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये वाला कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट। अब मैं लिखता हूँ INS.phone इज इक्वल टू, और मैं लिखता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 जीरो में लगा के इसको ऐसे करता हूँ। तो अभी मैंने सिर्फ ये किया, तो ये जो 99999 है ये चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा चेंज? ये चेंज इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैंने इंस्टेंस को सेव नहीं किया है। जैसे मैं यहाँ पर INS.save लिखता हूँ और अब रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो ये चेंज हो गया। चेंज इसलिए हो गया क्योंकि मैंने अपने इंस्टेंस को सेव कर दिया। तो सेव करना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आई होप कि आप लोग को जो है समझ में आ गया होगा। अब ये जो डॉट गेट है वो क्या करता है, डॉट गेट क्या करता है कि अगर आपको मालूम है कि सिर्फ एक जो एंट्री है आपके डेटाबेस में वो एग्जिस्ट कर रही है, तो उसको डॉट गेट से आप पुल कर सकते हो, ठीक है। बट आप लोग डॉट फिल्टर लगा के उसको स्लाइस भी कर सकते हो फर्स्ट एंट्री लेके। अब आप लोग अगर डॉट फिल्टर का इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे कि हमने इस केस में किया था, यहाँ पर ये तीन नेम दे रहा था, तो मैं डॉट फर्स्ट कर सकता हूँ और डॉट लास्ट भी कर सकता हूँ, ये मुझे फर्स्ट और लास्ट एंट्री देगा। मैं इसको यहाँ पर नहीं करता हूँ, एक काम करता हूँ इसको डॉट ऑल में करके दिखाता हूँ आपको ताकि आपको पता चले। अगर मैं इसको डॉट ऑल करूँ सिर्फ, लास्ट फर्स्ट कुछ ना करूँ, तो ये देखो इतनी लंबी लिस्ट गई। डॉट ऑल डॉट फर्स्ट करूँ अगर, तो ये देखो उसने मुझे पहला कॉन्टैक्ट दे दिया, और डॉट ऑल डॉट लास्ट करूँ अगर, तो ये देखो उसने मुझे ये दे दिया। सो आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको। पहला आखिरी आप इस तरह से ले सकते हैं, स्लाइसिंग आप कर लो 1, 2, 3, 4 करके, 0, 1, 2, 3, 4 जो भी एंट्री आप पुल करना चाहते हो डेटाबेस से वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग जो है ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट भी कर सकते हो, और उसी के साथ साथ
कई चीज़ें हैं यहाँ पर, इन्होंने फिल्टर के अंदर बताया कि हेडलाइन स्टार्ट्स विद और एक्सक्लूड कर सकते हो आप लोग, तो बहुत तरह की कॉम्प्लेक्स क्वेरी भी आप लोग बना सकते हो। तो हम स्टार्ट्स विद को ज़रा देखते हैं एक बार। तो मैं फ़िल्टर लगाऊंगा इसमें और मैं कहूँगा कि यार देखो ऐसा है कि डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर लिखूँगा और मैं यहाँ पर लिखूँगा, यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ कि अपने डी ई एस सी को फ़िल्टर करता हूँ, दिखाता हूँ आप लोगों को। तो मैं कहूँगा डी ई एस सी दिस इससे स्टार्ट होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा डी ई एस सी स्टार्ट्स विद दिस इज, ठीक है। तो यहाँ पर इतने सारे सभी दिस इज से स्टार्ट हो रहे हैं यार, तो कुछ और मुझे करना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ पूरा ही डाल देता हूँ, पूरा डालने से क्या होगा कि वो जो स्पेसिफिक है वो आ जाएगा, ठीक है। तो एक ही मिलना चाहिए मुझे, काइंड ऑफ दो मिले हैं मुझे एक्चुअली, लगता है मैंने दिस इज़ द बेस्ट वेबसाइट है ही भाई, दो मैंने डाले हैं अपने डेटाबेस में, कोई बात नहीं। तो इस तरह से आप लोग जो है स्टार्ट्स विद का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है इसको पढ़ें और आराम से आप लोग इसको पढ़ के देखें, सारी की सारी चीज़ों को अप्लाई करके देखो, इन्होंने 6 through 10th ऑब्जेक्ट किस तरह लेते हैं सब चीज़ें बताई हुई हैं। और ये अगर आप पढ़ोगे तो, अगर आप लोग एक बिगिनर हो तो थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम पड़ सकती है क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ये सब चीज़ें। सीक्वल वगैरह अगर आप लोग को नहीं आता, फॉरेन की के बारे में नहीं मालूम आपको, तो वो सब चीज़ें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक लग सकती हैं। लेकिन एक बिगिनर है अगर आप, तो पढ़ें, इसको टाइम दें, इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है, इसको लेके आप लोग समझें। मैं कहूँगा कि बहुत ही अच्छी तरह से आप लोग इसको अगर समझेंगे तो आपको आराम से समझ में आएगा, इसमें कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपको समझ में ना आए। और मेरे हिसाब से जेंगो की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो बहुत अच्छी है। हैविंग सेट दैट, मैं आगे बढ़ना चाहूँगा अपनी अगली ऐप के साथ। और अगली ऐप में हम लोग एक बेसिक ऑथेंटिकेशन सिस्टम बनाने वाले हैं। वो बेसिक ऑथेंटिकेशन सिस्टम क्या करेगा, एक यूज़र को लॉग इन लॉग आउट वो सारी की सारी चीज़ें जो है करेगा। और उस ऑथेंटिकेशन सिस्टम को आप लोग एक्सटेंड कर लेना इन दोनों ऐप्स जो कि हमने बनाई हैं इस वीडियो में, आप लोग देख लेना उसको, उन दोनों की, इन दोनों में जो नॉलेज आप लोग को मिली है उसको आप लोग कंबाइन करके अगर एक ब्लॉग बना सकते हो या फिर एक शॉप बना सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप बना सकते हो, बहुत तरह की फैंसी वेबसाइट्स हैं, तो कॉन्सेप्ट्स अगर सारे कवर हो जाते हैं तो फिर आप लोग जो है कुछ भी बना सकते हो। और जेंगो एक ऐसी चीज़ है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं कि आप लोग कभी याद नहीं कर सकते। अगर मेकिंग क्वेरीज़ की बात है तो कोई ऐसा इंसान मेरे हिसाब से नहीं होगा जिसको ये सारी की सारी चीज़ें रटी हुई होंगी, क्या क्या कर सकते हैं जेंगो से। सब आते हैं इस पेज पर डॉक्यूमेंटेशन में, सर्च करते हैं, खोजते हैं कि क्या चीज़ हो सकती है क्या चीज़ नहीं हो सकती है, उसको फिर देखते हैं, कॉपी करते हैं डॉक्यूमेंटेशन से, फिर यूज़ करते हैं अच्छे से। अच्छा डेवलपर, और डेवलपर्स का मतलब ये नहीं है कि वो जो है याद करें, कोई यहाँ पर डॉक्टर नहीं है हम लोग की जो याद करें कौन सी दवाई बुखार के लिए चाहिए, कौन सी दवाई सिर में दर्द के लिए चाहिए, पैर में दर्द के लिए चाहिए। तो आप लोग जो है यहाँ पर इस चीज़ को समझें। और अब हम चलते हैं अपनी अगली ऐप की तरफ। तो ये जो कोड है अभी तक मैंने यहाँ पर जो बताया है वो सारा का सारा कोड आपको मिल जाएगा। मैं यहाँ पर इसको एग्जिट कर दूंगा, और मैं इनफैक्ट इसको ही एग्जिट कर दूंगा, विजुअल स्टूडियो कोड को ही। इस फोल्डर में आऊँगा और जेंगो इन वन वीडियो वाले फोल्डर में मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर अपना टर्मिनल खोलूँगा और एक और प्रोजेक्ट बनाऊँगा, ठीक है। तो क्या था हमारा, वो जेंगो एडमिन स्टार्ट ऐप नहीं था, आई थिंक मैं सिर्फ जेंगो एडमिन लिखता हूँ, और जेंगो एडमिन मैं लिखूँगा तो स्टार्ट प्रोजेक्ट था। अब देखो मेरे जैसा इंसान बोल रहा है जो कि जेंगो में इतना काम करता है, तो डेफिनेटली आप लोग जो है भूलेंगे, ये सब कमांड रटने के लिए नहीं है, ये सब कमांड समझने के लिए क्या क्या आप लोग कर सकते हो, क्या क्या आप लोग जेंगो से कर सकते हो, क्या पॉसिबल है क्या नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यूज़र्स बनाएंगे, ठीक है। एक यूज़र्स नाम की ऐप बनाएंगे। यूज़र जो है एक बहुत ही जेनेरिक सा नेम है और किसी मॉडल के साथ जो है कॉन्फ्लिक्ट कर सकता है, तो यूज़र ऐप के नाम से मैं एक यहाँ पर ये नाम मैंने मिसलीडिंग यूज़ कर लिया एक्चुअली, मुझे यूज़र प्रोजेक्ट के नाम से इसको बनाना चाहिए था, मैं डिलीट कर रहा हूँ इसको, घर की खेती है यार, फिर से बना लेंगे। यूज़र प्रोजेक्ट करके मैं एक बना लेता हूँ, और यहाँ पर देखो यूज़र प्रोजेक्ट फोल्डर बन गया है। अपने इस पावरशेल को बंद करके मैंने जो प्रोजेक्ट है वो बना लिया है। अब मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके ओपन विद कोड कर दूंगा, तो ये मेरा विजुअल स्टूडियो कोड में खुल जाएगा। ये मेरा खुल चुका है विजुअल स्टूडियो कोड में, और हमेशा की तरह मैं न्यू टर्मिनल पे क्लिक करूँगा और एक नया टर्मिनल खोल लूँगा। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा जल्दी से, अब आप लोग को मालूम है क्या क्या करना है, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशंस, और उसके बाद पाइथन मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट, और माइग्रेट कर लिया मैंने। उसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा, अब मैं पाइथन मैनेज डॉट पी वाई स्टार्ट ऐप होम, एक होम ऐप बनाऊँगा, होम ऐप मेरी बन चुकी है, इसकी सेटिंग्स डॉट पी वाई खोलूँगा, अपनी ऐप को रजिस्टर करूँगा, ठीक है। तो ऐप को रजिस्टर करने के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पर लिखना है, क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है होम डॉट ऐप्स डॉट होम कॉन्फिग, फिर एक कॉमा लगाना है, ठीक है,
और यहाँ पर मैं अपना पाइथन इंटरप्रेटर सेलेक्ट कर लेता हूँ, आपका ये नहीं आएगी वार्निंग क्योंकि मैंने दो दो डाले हुए हैं, मुझे फॉर सम रीज़न यूज़ करना पड़ गया, कोई बात नहीं यार ठीक है। तो एक बार बात कर लेते हैं, एक और बात की अलाउड होस्ट की बात करना चाहूँगा। जब आप प्रोडक्शन में जाते हैं और अलाउड होस्ट में आपने अगर अपना होस्ट नहीं डाला है तो क्या होता है कि ये आपको एरर थ्रो करेगा। तो जो भी वेबसाइट का डोमेन आप यूज़ करना चाहते हैं उसको आपको अलाउड होस्ट में डालना पड़ेगा, जैसे कि ये इस तरह से आपको डालना पड़ेगा, और आप मल्टीपल भी डाल सकते हैं। अगर मान लो मैं चाहता हूँ कि ये प्रोग्रामिंग विद हैरी डॉट कॉम से भी चले, कोड विद हैरी डॉट कॉम से भी चले, ठीक है, तो आप लोग जो है इस तरह से कर सकते हो। तो आई होप कि ये क्लियर है। अभी तक हमने जो किया कुछ बड़ा नहीं किया, नो रॉकेट साइंस सो फार। अब जल्दी से वही काम करूँगा जो कि हमने पहले किया था, स्टैटिक फोल्डर और एक टेम्पलेट्स फोल्डर, ठीक है, और स्टैटिक DIR जो था मैंने आपको बताया था, स्टैटिक DIRs को सेट कर लेते हैं। तो स्टैटिक DIRs को यहाँ से मैं सेट करता हूँ, कॉपी किया, सबसे एंड में आके इसको यहाँ पेस्ट कर दिया, इसको हटा देता हूँ दूसरी वाली को, सिर्फ एक ही चाहिए मुझे, और उसी के साथ साथ इसको कॉपी करके मैं अपनी टेम्पलेट्स वाली DIR को भी सेट कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी किया मैंने और जो मेरी टेम्पलेट्स हैं उसमें भी डाल देता हूँ, देखो यहाँ पर मैंने DIRs में इसको डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा टेम्पलेट्स, ठीक है, बढ़िया। तो यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट काइंड ऑफ सेट हो चुका है। तो मैं यहाँ पर एक काम करूँगा, कुछ टेम्पलेट्स बनाऊँगा, एक तो index.html बनाऊँगा और index.html, ठीक है, और index.html में मैं क्या करूँगा, एक बॉयलर प्लेट लगा दूँगा इस तरह से, और यहाँ पर मैं लिखूँगा लॉग इन, नहीं नहीं वेलकम टू, मान लो हम एक ब्लॉग बना रहे हैं जिसका नाम है, कुछ भी नाम रख देते हैं, टेक वर्ल्ड रख देते हैं उसका नाम, वेलकम टू टेक वर्ल्ड। और टेक वर्ल्ड में सबसे पहले आपको लॉग इन करना पड़ता है मान लो, और आप लॉग इन करते हो, फिर लॉग इन करने के बाद आप लोग जो है टेक वर्ल्ड को यूज़ कर पाओगे, ठीक है। तो अगर आप लॉग्ड इन नहीं हो तो आपको लॉग इन पेज पर भेजा जाएगा, ठीक है। तो मैं उसके लिए एक टेम्पलेट बना रहा हूँ, लॉग इन डॉट HTML, और लॉग इन डॉट HTML में अगर आप हो तो आप इंडेक्स एक्सेस कर सकते हो और आप जो है पढ़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने index.html जो है रख दिया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लॉग इन डॉट HTML के अंदर भी एक बॉयलर प्लेट डाल देता हूँ, और अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसके URLs बना लेते हैं। यूज़र प्रोजेक्ट बनाया, ओप्स ये नहीं, मुझे सेटिंग्स खोलना है, सॉरी URLs खोलना है, इस प्रोजेक्ट के अंदर की URLs। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, पाथ के साथ साथ इंक्लूड करूँगा, और यहाँ पर जिस तरह हमने पहले किया था, पाथ के ब्लैंक को मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा कि यार देखो इंक्लूड कर लो सारे के सारे, किसको इंक्लूड कर लो, होम डॉट URLs, ठीक है, होम के URLs को इंक्लूड कर लो। सिमिलरली होम के अंदर मैं जाऊँगा, एक URLs.py बनाऊँगा, और URLs.py बनाने के बाद इसको कॉपी कर लूँगा, ठीक है। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा views.index, और यहाँ पर लिख दूंगा नेम इज इक्वल टू होम, ठीक है। सिमिलरली एक और बनाऊंगा एक लॉग इन करके, और यहाँ पर मैं नेम इज इक्वल टू लॉग इन बना दूंगा, व्यूज डॉट लॉग इन। सिमिलरली एक लॉगआउट भी बना देते हैं, कोई लॉग आउट करना चाहे तो लॉग आउट, ठीक है, बढ़िया। तो तीन मैंने आप इसका नाम भी लॉग आउट रख देना है। तो हमने यहाँ पर तीन एंड पॉइंट बनाए, लॉग इन, लॉग आउट और हमारा होम, ठीक है। तो पाइथन manage.py रन सर्वर करता हूँ और देखता हूँ ये कैसा चलता है, लेकिन अभी मुझे एरर मिलने वाला है, क्योंकि एरर इसलिए मिलने वाला है क्योंकि व्यूज़ डिफाइंड नहीं है। तो मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पर फ्रॉम होम इम्पोर्ट व्यूज़, ठीक है। सेव किया मैंने, होम से मेरे व्यूज़ को जो है मैंने इम्पोर्ट कर लिया है। अब व्यूज़ में मुझे वो फंक्शन भी बनाने पड़ेंगे जो कि मैंने प्रॉमिस किए हैं। तो एक तो रिक्वेस्ट बनेगा, मैं काम करता हूँ यहाँ पर डायरेक्टली रेंडर करूँगा टेम्पलेट, और यहाँ पर मैं टेम्पलेट कौन सी रेंडर करूँगा, index.html, ठीक है। सिमिलरली मैं क्या करूँगा, दो बार इसको रेप्लिकेट करूँगा, एक बार तो मैं क्या करूँगा कि लिख दूँगा लॉग इन, एक बार मैं लिख दूँगा लॉग आउट, ठीक है। तो एक बार लॉग इन लिख दिया, एक बार लॉग आउट लिख दिया, कोई भी लॉग इन में आता है तो क्या होगा कि वो लॉग इन करेगा और फाइनली इंडेक्स में उसको भेज दिया जाएगा अगर उसका लॉगिन सक्सेसफुल होता है, ठीक है। अगर वो ऑलरेडी लॉग्ड इन है, इंडेक्स एक्सेस करता है, तो वो इंडेक्स में ही रहेगा। अगर वो लॉग आउट करता है तो उसको इंडेक्स में आने से पहले लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी शर्तें किस तरह कंप्लीट होंगी आप लोग देखना, ठीक है। तो
यहाँ पर लॉगआउट में मैं क्या करूँगा, इसको इंडेक्स डॉट एच टी एम में मैं रीडायरेक्ट करूँगा। बेसिकली मैं आप लोग को रीडायरेक्ट का भी बताता हूँ किस तरह काम करता है। आप लोग रीडायरेक्ट को इम्पोर्ट करना है यहाँ पर, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा लॉग आउट भी करना, आपको बताऊँगा कैसे करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी के लिए क्या करते हैं, जो यहाँ पर था उसको रहने देते हैं, वरना एरर थ्रो करेगा ये, ठीक है। तो अभी हम इसको कोड करेंगे। तो सबसे पहले जेंगो में ऑथेंटिकेशन कैसे करें, यूज़र कैसे बने सबसे पहले, तो ठीक है, सबसे पहले तो ये हमको जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, आप लोग को बताता हूँ कि यूज़र कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो आप लोग एक यूज़र बनाने का एक एंड पॉइंट बना सकते हो, लेकिन मैं प्रोग्रामेटिकली आपको बताता हूँ कि यूज़र किस तरह बनेगा। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक नया ये खोलेंगे, सबसे पहले एक सुपर यूज़र बनाएंगे, ठीक है। एडमिन 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 यस, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, लॉगिन कर सकता हूँ यहाँ पर, मुझे पता है ये नहीं मिलेगा यहाँ पर, देखो ये मैं नीड टू ऐड दिस टू अलाउड होस्ट, तो मैं इसको अलाउड होस्ट में ऐड करता हूँ। मैंने अलाउड होस्ट में कुछ ऑलरेडी ऐड कर दिया है, तो ये भी अब होना चाहिए अलाउड होस्ट में, जो कि मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अलाउड होस्ट में वो सारी URLs होनी चाहिए जो कि आप जहाँ से आप एक्सेस करने वाले हो, ठीक है। तो इसको मैं इस तरह से करता हूँ, कह रहा है होम डॉट व्यूज डॉट इंडेक्स डिड नॉट रिटर्न, ओके। मुझे एडमिन में जाना है बेसिकली। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर एडमिन एडमिन लिखना है, और मैं आ चुका हूँ यहाँ पर। तो मैं एक यूज़र ऐड करूँगा, ठीक है। देखो मैं कैसे ऐड करता हूँ यूज़र, ऐड यूज़र, मैं यहाँ पर यूज़र नेम लिखूँगा हैरी, और पासवर्ड मैं लिखूँगा यहाँ पर लिखता हूँ कैपिटल हैरी, और उसके बाद डॉलर लिख रहा हूँ, ठीक है, डॉलर 000, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर मैं भूल गया, मैं भूल ना जाऊँ इसलिए यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं पासवर्ड, यार तो भूल जाऊँगा मैं, व्यूज़ में लिख देता हूँ यहीं पर, ये मैंने पासवर्ड जो है बना दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको डालता हूँ यहाँ पर, यहाँ भी डालता हूँ, और इसको सेव कर लेता हूँ, और हैरी जो है यूज़र बन चुका है, ठीक है। और यहाँ पर देखो हैरी का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सब कुछ ऐड किया जा सकता है, लास्ट नेम कुछ भी कर देते हैं, जेड कर देते हैं, और ईमेल कर देते हैं harry@gudwithhari.com, और उसी के साथ साथ यहाँ पर लास्ट लॉगिन कर दो टुडे नाउ, सेव कर दो इसको, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अब देखो बाय डिफ़ॉल्ट ये स्टाफ स्टेटस इसका जो है नहीं है, स्टाफ नहीं है, यानी कि ये चीज़ एक्सेस नहीं कर सकता ये पेज, लेकिन ये एक यूज़र है, ठीक है। तो इसका पासवर्ड भी है हमारे पास, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब इसको यूज़ कर सकते हैं हैरी को, और जो हमारा लॉगिन फॉर्म है वो हम लोग यूज़र को दिखाकर जो है ये हम लोग एक तो यूज़र बना सकते हैं, और उसी के साथ साथ यूज़र को लॉगिन करा सकते हैं। तो इंडेक्स लॉगिन और लॉगआउट, ठीक है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में चलते हैं, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में चलते हैं। मैं एक काम करूँगा, बूटस्ट्रैप से लेकर आऊँगा वापस से, क्या लेकर आऊँगा बूटस्ट्रैप से, अरे स्टार्टर टेम्पलेट लेकर आऊँगा यार, स्टार्टर टेम्पलेट ले आया मैं बूटस्ट्रैप से। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक लॉगिन, बाय द वे एक लॉगिन का इनके पास एग्जांपल है आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो हमें पकी पकाई खिचड़ी भी मिल सकती है यहाँ पर। ये देखो ये देखो ये देखो, मुझे यही पेज चाहिए, व्यू पेज सोर्स, मैं ये पूरा का पूरा कॉपी करता हूँ इनका बॉडी के स्टाइल से लेकर, पूरा कॉपी करता हूँ इनका कहाँ तक, स्टाइल से लेकर मैं इनका पूरा कॉपी कर रहा हूँ इसको बॉडी तक, बॉडी टू बॉडी, ठीक है। और मुझे यहाँ पर इसको स्टाइल से मैंने इनका यहाँ से कॉपी किया था, अब देखता हूँ चलता है कि नहीं, ठीक है। तो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, तो व्यूज़ मुझे जाना है इसमें, मेरा सर्वर चल रहा है, तो मुझे अभी चाहिए ये, कह रहा डिडंट रिटर्न एन एचटीटीपी रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, रिटर्न नन इंस्टेड, ये क्या हुआ यार, ओके मैंने रिटर्न नहीं किया यार, सिर्फ रेंडर लिख दिया, आई एम सॉरी अबाउट दैट, सेव किया, ये गलती मैं बहुत करता हूँ यार, रिटर्न लिखना भूल जाता हूँ। हाँ तो ये देखो यहाँ पर प्लीज़ साइन इन लिख कर आ रहा है, तो लगता है मैं कोई CSS लगाना भूल गया यहाँ पर, वो कौन सी CSS जो मैं लगाना भूल गया यहाँ पर, क्या कोई स्टाइल शीट भी इन्होंने लगा रखी है, कोई स्टाइल शीट भी लगा रखी है क्या इन्होंने, मैं ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ, ये स्टाइल तो मैंने शायद यूज़ किया है, उसी के साथ साथ इन लोगों ने जो जो इंक्लूड किया है वो सब साइन इन डॉट CSS, हाँ ये है CSS इनकी, तो ये CSS मुझे इंक्लूड करनी पड़ेगी शायद अपने इंडेक्स में। तो अभी मैं जो है ज़्यादा बिल्कुल भी इस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ, डिज़ाइनिंग पे और कोड हाइजीन पे, सिंपली मैं मुझे ये चाहिए बस, मैंने एक टेम्पलेट ले ली बेस टेम्पलेट के तौर पे, और इसमें मैं यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड ये दो चीज़ें जो है मैं
लेने वाला हूँ, ठीक है। तो फॉर इज इक्वल टू इनपुट ईमेल है, नेम इज इक्वल टू, इन्होंने दिया नहीं है यहाँ पर, नेम इज इक्वल टू, मैं ईमेल रखूँगा इसको, नेम ईमेल रखने वाला हूँ मैं, और इसका ये पासवर्ड रखने वाला हूँ। तो ईमेल और पासवर्ड, और ये इसका मेथड पोस्ट होने वाला है, मेथड पोस्ट हो जाएगा, और उसी के साथ साथ एक्शन क्या हो जाएगा, एक्शन सेल्फ, यानी कि यही पेज। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये लॉगिन डॉट एच टी एम एल, मैं एक काम करता हूँ इसको स्लैश लॉगिन कर देता हूँ, मेरे यू आर एल्स में लॉगिन और लॉगआउट दोनों हैं, तो मैं अगर स्लैश लॉगिन करूँ तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि मुझे लॉगिन डॉट एच टी एम एल मिले, और ये मैं लॉगिन डॉट एच टी एम एल रखना चाहता हूँ बेसिकली, मैं इसको होम नहीं लॉगिन रखना चाहता हूँ, स्लैश लॉगिन, हाँ ठीक है। अब मैं साइन इन करूँ अगर, तो यहाँ पर ईमेल और ये आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, व्यूज़ में मैं कहूँगा इफ़ रिक्वेस्ट डॉट मैथड इक्वस टू पोस्ट। अगर आपका मेथड पोस्ट है तब आप क्या करोगे, चेक इफ़ यूज़र इज़ लॉग्ड, यूज़र हैज़ एंटर्ड करेक्ट क्रेडेंशियल्स, ये आप लोगों को देखना है, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को चेक करना है कि यूज़र के पास करेक्ट क्रेडेंशियल्स से लॉगिन कर रहा है कि नहीं कर रहा। लेकिन उससे पहले हम लोग एक नई टैब खोलेंगे और लिखेंगे Django Auth। तो यहाँ पर इन्होंने एक ओवरव्यू दिया, इन्होंने कहा कि देखो भाई ऐसा है, Django में ऑथेंटिकेशन यूज़ करना बहुत सिंपल है, करो क्या, सिंपली इसको इंपोर्ट करो, ठीक है। तो करना क्या है हमको, मैं बताता हूँ आप लोगों को, फ्रॉम Django डॉट ऑट डॉट Django डॉट ऑट डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट यूज़र, ठीक है। तो Django डॉट कॉन्ट्रिब डॉट ऑट है, कॉपी पेस्ट ही कर लेते हैं, रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यूज़र आ गया यहाँ पर, अब मैं क्या करूँगा, यूज़र के कुछ मेथड्स हैं जो कि मैं यूज़ कर सकता हूँ। देखो इन्होंने क्रिएट यूज़र मेथड यूज़ किया, अगर आप प्रोग्रामेटिकली क्रिएट यूज़र करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्रिएट यूज़र के मेथड्स हैं, अगर आप लोग यूज़र क्रिएट करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं प्रोग्रामेटिकली। पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं सेट पासवर्ड करके, लेकिन मैं ऑथेंटिकेट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यूज़र नेम और पासवर्ड को ऑथेंटिकेट करूँगा, ठीक है। तो मैं इस तरह से ऑथेंटिकेट करूँगा, लेकिन मेरा यूज़र नेम नहीं है मेरे पास, ईमेल है मेरे पास, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यूज़र नेम फेच करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो ईमेल ले रहा हूँ, या फिर मैं एक काम करता हूँ इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, यहाँ पर यूज़र नेम ही ले लेता हूँ, यूज़र नेम, और मुझे यहाँ पर टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट करना पड़ेगा अब, और अब हो जाएगा काम। और यहाँ पर मैं यूज़र नेम कर देता हूँ इसको, और यहाँ पर यूज़र नेम सेव किया, बढ़िया। अब क्या करेंगे हम लोग, मैंने रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट और इंडेक्स डॉट एच टी एम एल यहाँ लिखा है, ये लॉगिन वाले पेज पे मैं हूँ, तो मैं क्या करूँगा, लिखूँगा यूज़र इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट यूज़र नेम, ठीक है, यूज़र नेम ही कर देता हूँ इसको। और पासवर्ड क्या हो जाएगा, जो पासवर्ड आया वो, ठीक है। तो मैं कहूँगा जी पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड, यूज़र नेम इज इक्वल टू यूज़र नेम। और अगर ये यूज़र सच बोल रहा है, यानी कि अगर इसने अपना सही दिया है, तो क्या होगा, ये ऑथेंटिकेट हो जाएगा, वरना क्या होगा, वरना ये वापस से लॉगिन पेज पर आ जाएगा। तो मैंने सिंपली कोड कॉपी किया है, अब बैकएंड ऑथेंटिकेटेड विद द क्रेडेंशियल्स, ठीक है। तो अब क्या है कि आपको आपको रिडायरेक्ट किया जाता है, कहाँ पर आपको रिडायरेक्ट किया जाता है, स्लैश पर, यानी कि होम पेज पर। और उसी के साथ साथ अगर आप लोगों ने नहीं किया तो आप लोगों को क्या किया जाता है, रिटर्न की जाती है सेम टेम्पलेट, यानी कि एल्स आपको यहाँ पर रिटर्न कर दिया जाएगा। तो मैं यही कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो अगर आपने सही यूज़र क्रेडेंशियल्स डाले तो आपको यहाँ पर एक मिनट, यहाँ इंडेंट लगाना पड़ेगा, अगर आपने सही अपने क्रेडेंशियल्स डाले तो आप लॉगिन हो जाएंगे, वरना आप लॉगिन नहीं होंगे, सिंपल सी कहानी है, ठीक है। चलो जी ये चीज़ हो गई। अब क्या करेंगे हम लोग, जैसे ही कोई लॉगिन करता है तो वो रिडायरेक्ट होगा यहाँ पर,
लेकिन कोई डायरेक्टली यहाँ पर जाता है तो उसके लिए भी तो हमें उसका भी तो इलाज करना पड़ेगा। तो हम कहेंगे कि इफ़ रिक्वेस्ट डॉट यूज़र इज़, तो यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी सही से याद नहीं आ रहा है कि एनोनिमस यूज़र को किस तरह चेक करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, एनोनिमस यूज़र को चेक करने के लिए सर्च करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि यार अगर कोई एनोनिमस ना हो यूज़र, ठीक है, तो डज़ नॉट इट ऑटोमेटिकली चेक इफ़ द यूज़र इज़ नॉट एनोनिमस, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ ये देख रहा हूँ कि एनोनिमस यूज़र किस तरह चेक किया जाता है। तो अगर कोई लॉग्ड इन नहीं है तो वो एक एनोनिमस यूज़र होता है, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ चेक एनोनिमस यूज़र इन जेंगो, ठीक है। तो किसी ने यहाँ पर बताया होगा, देखो यहाँ पर स्टैक ओवरफ्लो का मुझे कोई लिंक मिला, रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट इज एनोनिमस, इस तरह से मुझे लिखना पड़ेगा, डॉट इज एनोनिमस। अगर ऐसा है तो इसको बोल दो कि भाई रिटर्न रीडायरेक्ट, इसको रीडायरेक्ट कर दो कहाँ पर, लॉगिन पर, कि भाई लॉगिन पे जाओ, वरना हम इंडेक्स रेंडर करेंगे, ठीक है। तो अगर ये आने की कोशिश करेगा यहाँ पर तो ये यहीं पर रीडायरेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर नहीं पहुँच पाएगा। तो आई होप कि मैंने सही लिखा है, रिक्वेस्ट इज़ अंडरस्कोर एनोनिमस है, कोई बात नहीं, एरर मिलेगा, ठीक कर लेंगे, टेस्टिंग कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डरना मत बस आप लोग, ठीक है। ये किया, लॉगिन फंक्शन बनाया, इंडेक्स फंक्शन बनाया, फिर लॉगआउट भी होता है यार, लॉगआउट फंक्शन भी होता है, तो मैं यहाँ पर लॉगआउट फंक्शन भी सर्च करता हूँ, और ये सब चीज़ें जो है लिखी होती हैं यहाँ पर। तो देखो इन्होंने जेंगो डॉट कॉन्ट्रिब डॉट ऑथ से आपको लॉगआउट को इम्पोर्ट करना है, ठीक है। लॉगआउट इम्पोर्ट किया और लॉगआउट में आपको सिंपली क्या कर देना, लॉगआउट कर देना है, सिंपली लॉगआउट को रन कर देना, दैट्स इट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और रिक्वेस्ट भी डालना पड़ेगा अंदर, ओके रिक्वेस्ट एनीथिंग एल्स, और मैं इसका नाम लॉगआउट यूज़र कर देता हूँ ताकि इसका नाम उससे क्लैश ना हो। तो मैं यहाँ पर भी इसको लॉगआउट यूज़र कर देता हूँ, ठीक है, बढ़िया। तो एक बार ये लॉगआउट हो जाएगा तो इसको रिटर्न होना चाहिए क्या, इसको रिडायरेक्ट कर दिया जाए लॉगिन पर। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर रिटर्न रिडायरेक्ट स्लैश लॉगिन, ठीक है। और जो मेरा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पेज है उसमें मान लो मेरी कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं लॉग्ड इन यूज़र को दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ लॉग्ड इन यूज़र, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखूँगा वेलकम और मैं यहाँ पर लिखूँगा रिक्वेस्ट डॉट यूज़र, ठीक है। तो यहाँ पर आप लॉग इन हो जाएंगे अगर, तो ऐसे आपको दिखाई देगा। फिर मैं एक काम और करूँगा, यहाँ पर लॉगआउट करने का ऑप्शन दूंगा, ठीक है। और मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखूंगा और यहाँ पर लिखता हूँ दिस इज़ द बेस्ट वेबसाइट ऑन दिस प्लैनेट एंड यू आर वेरी लकी टू एक्सेस इट, ठीक है। सेव किया मैंने, मुझे नहीं पता कि एरर मिलेगा कि नहीं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, होम पेज पर जाने की कोशिश करूँगा, और मैं लॉग्ड इन हूँ ऑलरेडी, बाय द वे मैं लॉग्ड इन हूँ। क्यों लॉग्ड इन हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी एडमिन हूँ। तो मैं लॉग आउट करता हूँ पहले अपने आप को, यहाँ से बैकएंड से लॉगआउट करता हूँ। अब मैं रिलोड करूँगा, देखो मुझे लॉगिन करने को बोल रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर यूज़र नेम डालूँगा अपना हैरी, और पहले गलत पासवर्ड डाल के देखता हूँ। साइन इन किया मैंने, लगता है यहाँ पर मैंने टाइप इज इक्वल टू ईमेल इसका हटाया नहीं, तो मुझे लॉगिन से टाइप इज इक्वल टू ईमेल हटाना पड़ेगा सबसे पहले। एंड आई थिंक मैंने इंडेक्स में उसको एडिट कर दिया, मैंने जो पेज इंडेक्स में एडिट किया था मैंने गलती कर दी यहाँ पे थोड़ी बहुत, बट आई थिंक, और मैंने CSS भी शायद यहाँ पर लिखी है आई थिंक, कोई बात नहीं। नेम इज इक्वल टू पासवर्ड, ये टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट मुझे करना पड़ेगा यहाँ पर। आई होप कि मैंने सब कुछ ठीक किया, नेम इज इक्वल टू ईमेल ना करके मुझे यूज़र नेम करना है, और इतने से काम हो जाना चाहिए यार। और प्लेस होल्डर में मैंने यूज़र नेम लिखना है बस, तो गलती हो जाती है यार इंसान से, कोई बात नहीं, आपसे भी होगी, मुझसे तो होती रहती है। रिलोड किया, हैरी किया, गलत पासवर्ड डाला, साइन इन करने की कोशिश की, कह रहा CSRF वेरिफिकेशन फील्ड। तो हमने पिछली ऐप में देखा था, अगर आप लोग को मालूम हो तो, क्या देखा था पिछली ऐप में, हमने देखा था कि हमको कुछ इस तरह से CSRF टोकन लगाना पड़ता है सारे के सारे फॉर्म्स के अंदर। क्यों लगाना पड़ता है, इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि कोई दूसरा किसी दूसरी वेबसाइट से आपकी वेबसाइट को हिट ना करे। तो ये जो रिक्वेस्ट है ये सिर्फ इसी वेबसाइट से आ रही है कि नहीं, इसी डोमेन से आ रही है कि नहीं, ये वेरीफाई करता है ये। ज़्यादा टेंशन ना लें, हर फॉर्म के अंदर जो कि पोस्ट रिक्वेस्ट मार रहे हैं CSRF टोकन लगा दें, एंड दैट शुड बी गुड। रिलोड नहीं, बैक किया, रिलोड किया, सबसे पहले होम पेज पर जाने की कोशिश करूँगा, नहीं जा पाया, मुझे लॉगिन पर भेज दिया गया, गलत पासवर्ड डालूँगा, साइन इन करूँगा, ऑथेंटिकेट इज़ नॉट डिफाइंड, ओके।
तो मुझे ऑथेंटिकेट को इम्पोर्ट करना पड़ेगा, फिर वापस से बैक जाऊंगा, रिलोड करूंगा, वापस से गलत पासवर्ड डालूंगा, साइन इन करने की कोशिश करूंगा। देखो मैं साइन इन नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे वापस से वहीं पर भेज दिया जा रहा है जहाँ पर मैं जहाँ से मैं आया था। ठीक है, तो क्या करें अब, सही पासवर्ड डालते हैं। सही पासवर्ड क्या है, ये है सही पासवर्ड डालते हैं और देखते हैं लॉगिन हो पा रहे हैं कि नहीं। साइन इन किया या लॉगिन तो अब भी नहीं हो पा रहे हैं, ये क्या कहानी है, ये कैसा मजाक है। और यहाँ पर साइन इन करने की कोशिश की और मैं ऑथेंटिकेट नहीं हो पा रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर यूज़र नेम इज इक्वल टू यूज़र नेम, पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड, पासवर्ड मैं देखता हूँ एक बार कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। मैंने नेम इज इक्वल टू पासवर्ड ही यूज़ किया है यहाँ पर, पासवर्ड टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड। देखते हैं यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, क्या ऑथेंटिकेट नहीं कर पा रहा हूँ मैं या पासवर्ड सही से एंटर नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर प्रिंट करूँगा यूज़र नेम पासवर्ड की, यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ तक पहुँच भी रहा है कि नहीं पहुँच रहा है ये देखते हैं पहले। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ सही पासवर्ड को, मैंने एंटर किया और यूज़र नेम और पासवर्ड देख रहा हूँ पहुँचा कि नहीं। हाँ यार पहुँचा तो हैरी और ये पहुँचा यहाँ पर, लेकिन अब भी क्या प्रॉब्लम आ रही है। ऑथेंटिकेट में यूज़र नेम भी मिला होगा इसको, पासवर्ड भी मिला होगा इसको, तो ऑथेंटिकेट में मैंने सिंटेक्स तो सही यूज़ किया ना, ये देख लेता हूँ एक बार। ऑथेंटिकेट 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 क्यों नहीं मिल रहा, ऑथेंटिकेट मिल गया। यूज़र नेम पासवर्ड दोनों सही लिखे हैं मैंने, तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है, लगता है ये हैरी का पासवर्ड नहीं है या तो ये कोई प्रॉब्लम है। एक काम करता हूँ एडमिन एडमिन डाल के देखता हूँ जो कि मेरा है पासवर्ड, इससे साइन इन कर रहा हूँ तब भी जो है मुझे रीडायरेक्ट किया जा रहा है। ओके तो मैंने उल्टा लिख दिया बाय द वे, ओ मैंने उल्टा लिख दिया, यूज़र इज़ नॉट नन, यूज़र नहीं उल्टा नहीं लिखा यार, मुझे रीडायरेक्ट कर रहा हूँ मैं अपने आप को स्लैश में। तो जब स्लैश में मैं रीडायरेक्ट कर रहा हूँ अपने आप को, रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट इज़ अनोनिमस, अगर है अनोनिमस यूज़र तो मैं एक काम करता हूँ इसको प्रिंट करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ प्रिंट करता हूँ रिक्वेस्ट डॉट यूज़र को, तो जो भी गलती है वो आपको पता चल जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, वापस से डाला पासवर्ड मैंने, अब देखता हूँ कि रिक्वेस्ट डॉट यूज़र एक एनोनिमस यूज़र है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या मैं लॉगिन नहीं हो पा रहा हूँ, ऐसा क्यों है। मैं ऑथेंटिकेट तो हुआ, मैंने अपने आप को ऑथेंटिकेट किया, लेकिन मुझे इसने लॉगिन क्यों नहीं किया ये देखना पड़ेगा मुझे यहाँ पर। तो ऑथेंटिकेट मैं हो चुका हूँ, और ऑथेंटिकेट होने के बाद क्या प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर, मैंने माइग्रेशन भी रन किए, सब कुछ मैंने रन किया। ऑलराइट गाइस, सो प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि मैंने लॉगिन नहीं किया, मुझे यूज़र को लॉगिन भी करना पड़ता है, जिस तरह ऑथेंटिकेट होता है उसी तरह लॉगिन भी एक मेथड है, तो मुझे यहाँ पर ऑथेंटिकेट के बाद यहाँ पर लॉगिन भी करना है। तो यूज़र अगर नहीं है नन, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लॉगिन करूँगा यूज़र को और उसके बाद रिडायरेक्ट करूँगा। तो अब देखते हैं कि ये चल रहा है कि नहीं। ठीक है, तो रिलोड किया मैंने यहाँ पर, पहले गलत पासवर्ड डालते हैं, अब सही पासवर्ड डालते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखो यूज़र ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट मेथड, तो यहाँ पर यूज़र ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहा हूँ क्या प्रॉब्लम है, रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल्स टू इक्वल्स टू पोस्ट। ओके, तो मैं यहाँ पर देखता हूँ क्या दिक्कत है, रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल्स टू इक्वल्स टू पोस्ट, यूज़र ऑब्जेक्ट हैज़ ओके, तो यहाँ पर लॉगिन को लॉगिन यूज़र करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मैं मेरे जो नेम्स हैं वो यहाँ पर क्लैश कर रहे हैं, देखता हूँ कि क्या ये भी सही है। और एक काम करता हूँ और, कि ये जो जेंगो की ऑथ वाली वेबसाइट है कहाँ गई, उसमें मैं लॉगिन मेथड को सर्च करता हूँ। हाँ ये देखो लॉगिन में रिक्वेस्ट आता है पहले, फिर यूज़र आता है, तो मुझे एक रिक्वेस्ट भी डालना पड़ेगा, रिक्वेस्ट लॉगिन रिक्वेस्ट। हाँ अब ट्राई करता हूँ वापस से रिलोड करके सब कुछ। हाँ मैं एक काम करता हूँ, ये नहीं करता हूँ, मैं अपनी वेबसाइट की होम पेज पे जाने की कोशिश करता हूँ, इससे मुझे लॉगिन में फेंका। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पासवर्ड डालूंगा, साइन इन करूँगा, और ये साइन इन कर रहा है मुझे, और मैं साइन इन हो चुका हूँ। देखो वेलकम हैरी, दिस इज़ द बेस्ट वेबसाइट ऑन दिस प्लैनेट एंड यू आर वेरी लकी टू एक्सेस इट। लॉग आउट किया, ये देखो मैं लॉग आउट हो गया। अब मैं एडमिन से इसको एक्सेस करता हूँ, जो कि सुपर यूज़र है मेरा, एडमिन एडमिन डाला, ये देखो वेलकम एडमिन, दिस इज़ द बेस्ट वेबसाइट ऑन दिस प्लैनेट एंड यू आर वेरी लकी टू एक्सेस इट। लॉग आउट किया, लॉग आउट कर दिया, गलत पासवर्ड डालता हूँ, नहीं कर पाया साइन इन। एडमिन का भी गलत पासवर्ड डालता हूँ, नहीं कर पाया एडमिन, और गलत पासवर्ड, लॉग इन किया, नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप लोग जो है लॉगिन सिस्टम बना सकते हो। अब एक काम करते हैं कि मान लो मैंने लॉगिन किया, लॉगिन नहीं किया अभी मैंने, लॉगआउट हो चुका हूँ मैं इस पर जाऊँगा तो मुझे ये ऐसे बोलेगा, मैं हैरी का पासवर्ड डालता हूँ, लॉगिन हो चुका हूँ मैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि इसी यूआरएल को कहीं और से खोलता हूँ, सॉरी
मैं इसे कॉपी करता हूँ, यहाँ से खोलता हूँ और ये देखो ये खुल गया। जब तक मैं लॉग आउट नहीं करूँगा तब तक मैं इसको खोल सकता हूँ। तो मैं कोई भी एंड पॉइंट में लिख सकता हूँ कि मुझे लॉग इन अगर मैं हूँ तो मुझे अलाउ कर दो। तो ये था हमारा ऑथेंटिकेशन सिस्टम यूज़ करना। यहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए कन्फ्यूज़ हो गया था कि लॉग इन मेथड भी यूज़ करते हैं, ये मेरे दिमाग से थोड़ा निकल गया था। तो ऑथेंटिकेट का मतलब है कि चेक करो कि यूज़र है कि नहीं इस यूज़र नेम पासवर्ड का, और लॉग इन का मतलब ये है कि उसको लॉग इन करा दो अब। ठीक है, सो आई होप कि ये चीज़ जो है एकदम क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। तो एक काम करते हैं हम लोग, ये करने के बाद अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर थोड़ी सी सी एस एस फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि जो फॉर्म साइन इन, फॉर्म कंट्रोल, ये जो इनपुट है या फिर लेबल है, इनपुट को करता हूँ या लेबल को करूँ, लेबल को नहीं इनपुट को करता हूँ। मुझे इनपुट में मार्जिन देनी है, इसमें क्लास है फॉर्म कंट्रोल। तो फॉर्म कंट्रोल में मैं काम करता हूँ, मार्जिन देता हूँ 12 पिक्सल। ठीक है, 12 पिक्सल और 3 पिक्सल। ठीक है, लेफ्ट राइट से नहीं देनी मुझे, वो टॉप बॉटम से देनी है बस। हाँ, अभी थोड़ा सही लग रहा है यार, ये थोड़ा सेपरेटेड। तो मुझे ये लाइन कहाँ ऐड करनी पड़ेगी, फॉर्म कंट्रोल में, कहाँ है फॉर्म कंट्रोल, लॉगिन में, फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म कंट्रोल, ये। हाँ अब सही है। तो मैं एक काम करूँगा, इसको जेंगो HTML ला करके सिर्फ HTML करूँगा। उससे क्या होगा कि मैं राइट क्लिक करके इसको एम फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर पाऊंगा और वापस से मैं इसको जेंगो HTML कर दूंगा। जेंगो HTML आप तब करें जब आपको जेंगो के जो कमांड्स हैं वो यूज़ करना है। बेसिक HTML, CSS, JavaScript यूज़ करनी है तो आप इसको HTML बना देना वापस से। ठीक है, रिलोड करता हूँ इसको। हाँ यार अब अच्छा लग रहा है, देखो डिज़ाइन वाइज। साइन इन का साइन इन कैपिटल कर सकते हो, वो सारी चीज़ें आपके ऊपर छोड़ता हूँ। ईयर भी ठीक कर लेना, ये बूटस्ट्रैप वालों ने अपडेट नहीं किया ईयर, मुझे नहीं पता क्यों, तो आप लोग कर लेना। ठीक है, आई होप कि इन्जॉय किया आप लोगों ने ये वीडियो। अगर किया तो मुझे नीचे कमेंट करके बताओ यार, थम्सअप ज़रूर दे देना वीडियो में, बहुत सारे लोग थम्सअप नहीं देते हैं, काइंडली यार थम्सअप दो भाई को। और उसी के साथ साथ क्या देखना चाहते हो अगली वीडियो में बताओ मुझे, और ये सारा का सारा जो सोर्स कोड है वो आपको मिल जाएगा। लॉग इन लॉग आउट सब कुछ मैंने आप लोग को बता दिया, कैसे लॉग इन अगर कोई यूज़र है उसको अलाउ करना है, तो वो सब चीज़ें आप लोग मतलब समझ गए हो बेसिकली। ठीक है, सो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर किसी को पाइथन वगैरह नहीं आता है, उसके लिए मैंने पाइथन का ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, उसी के साथ साथ मैंने एक जेंगो का पूरा कोर्स भी बनाया हुआ है, विच इज़ अबाउट टू हिट 1 मिलियन व्यूज़ बाय द वे। तो आप लोग देखें जाकर, और इसमें मैंने बहुत डिटेल में कई प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, तो आप लोग ये ब्लॉग वाला प्रोजेक्ट देखें, मैंने एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना बताई है वो देखें, कई चीज़ें हैं तो वो आप लोग जो है जाकर देख सकते हैं। पाइथन किसी को सीखना है तो मेरे पास एक 1 वीडियो भी है पाइथन का, उसी के साथ साथ मेरे पास पाइथन का एक पूरा कोर्स भी है, वो भी आप लोग देख सकते हैं जाकर। तो फील फ्री टू वॉच जो भी आप लोग चाहते हैं देखना, पाइथन का कोर्स देखना चाहते हो तो कोर्स देख लो, और अगर आप लोग पाइथन का ये देखना चाहते हो 1 वीडियो तो वो भी देख सकते हो। रिविजन करना है तो मेरे पास पाइथन इन 15 मिनट्स भी है, तो कई मसाला यहाँ पर भरा हुआ है। आप लोग ज़रूर करें चेकआउट इस चैनल को, और इसमें काफ़ी फ्री लर्निंग रिसोर्सेज हैं। वेब डेवलपमेंट किसी को सीखना है, अगर कुछ ऐसा सीखना है कि भाई HTML, CSS, JavaScript को कोर अच्छी तरह से सीखना है, तो वो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से। सो मैंने कई चीज़ें बना रखी हैं, और पूरी कोशिश करी है कि आप लोगों को अच्छी तरह से सिखाऊँ ये सब चीज़ें। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। सारा का सारा सोर्स कोड आप लोगों को मिल जाएगा, अगर मैं भूल जाऊँ तो मुझे नीचे कमेंट में बता देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।